हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जोया और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जितने भी क्लास 12 के अंदर आपके चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, उन सभी चैप्टर्स के अंदर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि होम साइंस के ऊपर ऑलरेडी जो है दो वीडियो हमारी आ रखी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये दो वीडियो है जिसके अंदर हमने एक वीडियो के अंदर जो हमारा अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करवाया है। साथ ही जो हमारी ये वाली वीडियो है इसके अंदर जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनके अंदर से किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके हर एक चैप्टर में से, चाहे वो हमारा एमसीक्यू फॉर्म में हो गया, चाहे वो हमारा फ्लिंदा ब्लैंक्स फॉर्म में हो गया, चाहे वो हमारा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, तो हर एक चैप्टर में से कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सारा कुछ जो है इस वीडियो के अंदर बताया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर जो है इन वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम कोई क्वेश्चन एंड आंसर को नहीं समझेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम अपने जो चैप्टर्स हैं उनको समझेंगे, जितने भी हमारे 29 लेसन जो आ रहे हैं होम साइंस के अंदर। तो ये हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होम साइंस का जो सिलेबस है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर आपके जो 12 लेसन हैं वो नहीं आएंगे, वो आपके टीएमए वाले कॉलम में रखे गए हैं, इसलिए ये आपके लेसन नहीं पूछे जाएंगे। साथ ही जो आपके 19 लेसन हैं सिर्फ यही आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, तो आपको इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं से जो है आपके क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही अगर मैं आपको बात करूं मार्किंग स्कीम की, तो इसके अंदर जो हमारे ये मॉड्यूल्स हैं, जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है वो ओनली आपका 4 मार्क्स का आ रहा है, बाकी आपके आगे के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे आपके 16 मार्क्स में आएंगे और ऑप्शनल मॉड्यूल के अंदर आपको एक ही चैप्टर करना होता है तो वो आपका 12 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से आपका जो ये मार्क्स वेटेज होने वाला है हर एक मॉड्यूल का, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये ध्यान रखना है कि आपका कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स में आ रहा है, आपको किस पे ज्यादा टाइम देना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर हमें चैप्टर नंबर जो हमारा सेकंड आ रहा है एग्जाम के अंदर उसको देखते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा एथिक्स इन डेली लाइफ, यानी दैनिक जीवन में नीतियां। जो हमारी डेली लाइफ होती है उसके अंदर एथिक्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है हम फेस करते हैं एथिक्स के वजह से, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता ही होना चाहिए कि आखिर ये नीतियां होती क्या है, आखिर ये पॉलिसीज, ये एथिक्स होते क्या है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। नीतियां उन नियमों और मानकों का समूह है जो किसी व्यक्ति को सही विश्वसनीय और न्यायप्रिय व्यवहार अपनाने में मार्गदर्शन करती है, यानी हमारे एथिक्स जो है स्टैंडर्ड रूल को सेट करती है। साथ ही हमें ये गाइड करता है किसी भी एक पर्सन को कि उसे किस तरीके से अपना बिहेवियर रखना है, इस चीज में आप कह सकते हो उसे गाइड किया जाता है। एथिक्स वही होते हैं नियम कानून जिसको हम कहते हैं, जिसके वजह से हम अपनी लाइफ को चलाते हैं कि कभी हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा हर जगह टाइम पर पहुंचना है, किस तरीके से हमें लोगों से बात करनी है, ये सारी चीजें तो हमारी एथिक्स के अंदर आती हैं, वही हमारी क्या कहलाती हैं, नीतियां कहलाती हैं। तो ये जो हमारे एथिक्स हैं वो हमारे घर और जो हमारा कार्य क्षेत्र होता है, यानी कि जिस जगह पर हम काम करते हैं, वर्क प्लेस, और साथ ही साथ जहां पर हम रहते हैं अपनी फैमिली के साथ अपने घर में, वहां पर हमें किस तरीके से जो है अपनी मॉरल ड्यूटीज को निभाना है प्रॉपर तरीके से, इस चीज को जो है करने में हमारी हेल्प करता है क्या, जो हमारे एथिक्स होते हैं वो। तो ये एथिक्स की डेफिनेशन होगी, आप बता सकते हो। साथ ही इसके जो हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं पॉलिसीज के या एथिक्स के, आप बोल सकते हो नीतियों के जो हमारे क्या है घटक है, तो नीतियों के घटक हमारे तीन घटक है, थ्री कॉम्पोनेंट्स हैं। फर्स्ट जो हमारा है वो है वर्क, सेकंड है हमारा वर्कर, थर्ड है हमारा वर्क प्लेस। अब ये वर्क, वर्कर या वर्क प्लेस क्या होता है आप इजिली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कार्य का मतलब होता है जो हम कार्य करने वाले हैं, जो हमें काम दिया गया है वो तो हमारा हो गया काम यानी वर्क, और जो हमारा कार्यकर्ता होता है यानी जो वर्कर होता है, वर्कर का मतलब होता है जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो पर्सन है जो उस टास्क को उस काम को करेगा वही तो क्या कहलाएगा, वर्कर कहलाएगा। साथ ही साथ जो हमारा वर्क प्लेस होता है ऐसा स्थल होता है जिस जगह पर हमें काम करना है। जैसे मैं अपने घर से इस ऑफिस में आती हूँ तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा वर्क प्लेस हो गया। तो ये जो मेरा ऑफिस है ये मेरा क्या हो गया, वर्क प्लेस हो गया। तो जिस जगह पर हम जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा वर्क प्लेस कहलाता है। तो ये थ्री कॉम्पोनेंट्स होते हैं हमारे एथिक्स के, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आगे का जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि एथिकल प्रॉब्लम इन फैमिली लाइफ, यानी कि जो हमारी पारिवारिक जीवन होता है उसके अंदर नीतिगत जो समस्याएं आती हैं वो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है हमारे फैमिली के अंदर, हमारे परिवार के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा इररेगुलर एंड लैक पंक्चुअलिटी, यानी कि हम अनियमितता व समय के पाबंद ना होना। हम जैसे कि आप देखते हो सुबह कभी कभी होता है कि ऐसा कि कभी बाय चांस हम जल्दी उठ जाते हैं 6 बजे या 7 बजे, वरना मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि हम घरों के अंदर 9 बजे
10 बजे ऐसे उठते हैं, तो हम बिल्कुल भी क्या नहीं है, समय के पाबंद नहीं है। हमने अपना एक टाइम शेड्यूल नहीं बना रखा है कि किस तरीके से हमें हर एक काम को करना है। हर एक काम करने में हमसे देरी हो जाती है, हमें कब एग्जाम के लिए पढ़ना है, कब हमें क्या दूसरा काम करना है, इसकी कोई भी जो है हमने प्रिपरेशन नहीं कर रखी है। हम बहुत ज्यादा लैक पंचुअल है, बिल्कुल भी हम जो है पंचुअल नहीं है टाइम को लेकर। तो बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी देखी जाती है समय को लेकर, टाइम को लेकर हमारी फैमिली के अंदर। हम खुद भी ऐसा करते हैं और साथ में हमारे फैमिली मेंबर्स भी हैं, वो भी ऐसा करते हैं। हो सकता है आपके घर में कोई ना करता हो, लेकिन मोस्टली घरों के अंदर ऐसा होता ही होता है। जो सेकंड पॉइंट है हमारा एथिकल प्रॉब्लम का, वो क्या है, रूड एंड इम्पोलाइट, यानी कि हम अशिष्ट व अभद्र व्यवहार करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, या हो सकता है कभी हम बदतमीजी से अपने सामने वाले से बात कर लेते हैं, अपने भाई बहन से, कभी अपनी मम्मी पे चिल्ला देते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ के अंदर आती ही आती है, लेकिन अगर बचपन से ही अगर किसी बच्चे को एथिक्स सिखाए जाएंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेगा, ऐसी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में नहीं आएंगी। वो हमेशा जो है छोटों से प्यार से बात करेगा, बड़ों से बिल्कुल रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करेगा। तो ये जो इम्पोलाइट या रूड बिहेवियर है वो उसके बिहेवियर में नहीं आएगा। तो अगर उसको शुरू से सिखाया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हम समस्या जो है या ऐसी प्रॉब्लम को फेस करते ही करते हैं। कभी हमें गुस्सा आ जाता है तो हम चिल्ला कर बोल उठते हैं अपने बड़ों से। नेक्स्ट है हमारा अपर्याप्त ज्ञान व कुशलता, यानी जो हमें काम करना है तो हमें उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, प्रॉपर नॉलेज ना होना उस जो भी हम काम कर रहे हैं, या स्किल जो है हमारे पास वो पूरी तरीके से हमारे पास अच्छी तरीके से उस चीज की नॉलेज नहीं है। इसकी वजह से हम कोई भी काम जो है ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो वो गड़बड़ी हो जाती है। घर का एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो परिवार की बात हो रही है, तो उसके अंदर हम खाने बनाने से रिलेटेड ले सकते हैं, कुकिंग से रिलेटेड, कि कोई पर्सन है उसको खाने बनाने से कोई भी जो है पूरा नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से बनता है, लेकिन वो खाना बनाना खड़ा हो गया किचन में, तो उससे वो गड़बड़ी होगा वो काम, क्योंकि वो उसके अंदर कुशल नहीं है, वो स्किल जो है उसे अच्छी तरीके से नहीं आती है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसको उस चीज की, तो वो उसके अंदर गड़बड़ी होगी ही होगी। तो इस चीज की प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। साथ ही जो हमारे रिसोर्सेज है हमारे पास, हम उसको बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, अपने संसाधनों का जो है ठीक तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। तो ये भी हमारे एक एथिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम शुरू से एथिक्स सीखते हैं उसके अंदर हमें ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम अपने जितने भी रिसोर्सेज है उनको वेस्ट ना करें, उनका ठीक तरीके से उपयोग करें। साथ ही साथ जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, नियमों व कानूनों का उल्लंघन, हम जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको जो है ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर सकते हैं, डिसरिगार्ड कर देते हैं उसको। जितने भी हमारे रेगुलेशन या रूल्स बनाए गए होते हैं, घर के अंदर भी कुछ नियम कानून होते हैं, उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आती है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा डिसरिस्पेक्ट द वर्क, यानी जो हमें काम दिया जाता है, टास्क हमें दिया जाता है, उसको हम जो है रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। छोटा बड़ा जो है हम समझने लग जाते हैं काम को, तो कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, सब इक्वल होते हैं, लेकिन अपने काम को लेकर हम क्या हो जाते हैं, सोचते हैं नहीं अच्छा काम नहीं है, इसको तो मैं नहीं करूंगा। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारी आप कह सकते हो लाइफ के अंदर आती ही आती है। साथ ही सेवंथ पॉइंट है हमारा विश्वासघात, यानी डिसलॉयल। हो सकता है कि हम अपनी फैमिली मेंबर्स या सामने वाले जो भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हम उनके साथ लॉयल ना हो, हम क्या हो, विश्वासघाती हो, या हम ना होकर हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं वो विश्वासघाती हो, कि उनके पास एथिक्स की कमी है। जो व्यक्ति एथिक्स को फॉलो करता होगा वो ऐसा नहीं होगा, शुरू से उसको जो है एकदम सिखाया जाएगा किस तरीके से उसको बिहेव करना है, क्योंकि हमारे एथिक्स का मतलब ही क्या होता है कि हमें किस तरीके से फेयर बिहेवियर रखना है अपने आस पास या अपने वर्क प्लेस पर। तो वो चीज हमें सिखाई जाती है एथिक्स के अंदर। तो जब यही चीजें नहीं सिखाई गई है तो ऐसी प्रॉब्लम जो है एक व्यक्ति को फेस करनी ही करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इस चैप्टर का, कोड एथिक्स, यानी कि नीतियों की संहिता। नीतियों की संहिता क्या होता है, ये भी हमारा सेम एथिक्स के जैसे ही है, यही आपकी डेफिनेशन आएगी। एक हमारी एक ऐसी सूची होती है जिसके अंदर क्या होता है, नियम मानकों और जितने भी हमारे सिद्धांत होते हैं, रूल्स स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स जो होते हैं, उन सबको जो है क्लियर तरीके से जो है लिखा जाता है, और वो हमें गाइड करता है कि हमें किस तरीके से अपना बिहेवियर रखना है अपने घर, साथ ही हमारा जो भी कोई पब्लिक प्लेस है उसी को हम क्या कहते हैं, नीतियों की संहिता कहते हैं। ये हमारी स्पेलिंग गलत हो गई है, ये हमारा कॉल्ड आएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, कोड ऑफ एथिक्स कहा जाता है, नीतियों की संहिता कहा जाता है, जिसके अंदर रूल्स स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल को रखा जाता है, जो हमें गाइड करता है एक पर्सन को किस तरीके से उसे अपना बिहेवियर रखना, अपना व्यवहार रखना है, उस चीज का मार्गदर्शन करती है कोड एथिक्स। अब ये कार्य नीतियों की संहिता क्या है, हमारी कोड ऑफ स्ट्रेटेजीज क्या है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कार्य और घर पर नियमित और सामायिक रहना, यानी कि हमें किस तरीके से भी रेगुलर एंड पंचुअल एट वर्क एट होम, यानी घर और अपने जहाँ पर हम काम करते हैं वर्क प्लेस पर, वहाँ पर हमें कैसे रेगुलर रहना है हमेशा, यानी कि हमेशा समय से जो है अपने ऑफिस पहुँचना है, या अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल जाना है आपको समय पर, हमेशा आपको क्या होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए टाइम का, ना कि आपके अंदर लैक ऑफ पंचुअलिटी होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति पंचुअल होता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, हाँ कितना अच्छा है,
हर जगह समय पर आता है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है यानी वो रूल्स एंड जो भी रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करने वाला है, उसकी लाइफ के अंदर जो आप कह सकते हो जो भी गोल्स है वो एकदम क्लियर है, जब वो हर एक काम को जो है टाइम से कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लेजी होगा, समय को बिल्कुल भी आप कह सकते हो अहमियत ना देता हो, टाइम की कोई परवाह ही ना हो, जब मन करे जो करना है करते रहो, टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं हो, तो वो व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि टाइम कभी वापस नहीं आता है। तो एक एक पल एक एक सेकंड को हमें जो है अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि इस घर के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया है, घर पर अगर हमें कोई काम दिया जाता है तो उसको हम ठीक समय पर करके दें, साथ ही हम स्कूल समय पर जाएं और ऑफिस समय पर जाएं, ये सारी चीजें हमें याद रखनी चाहिए। अगर हमें ऑफिस में कोई काम दिया गया है तो हमें समय के अकॉर्डिंग ही उसी टाइम के अकॉर्डिंग उस काम को जो है पूरा करके देना चाहिए। ये चीजें जो है हमारे अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्वयं के लिए निर्धारित कार्य को पूरा करें। अपने लिए हम जो भी टास्क होते हैं, जो भी हम अपने लिए वर्क को असाइन करते हैं, उन सभी को हमें अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, और जो भी किसी भी तरीके का काम हो उन सभी के प्रति जो है हमारे मन में आदर भाव होना चाहिए, यानी रिस्पेक्टफुल तरीके से हर एक काम को करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी काम को हमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वही कि हमेशा हमें पोलाइट रहना चाहिए, धैर्य से विनम्र तरीके से जो है सामने वाले से बात करनी चाहिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी, अपने आसपास जो भी लोग रहते हैं उनके साथ भी, साथ ही जो वहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर भी जितने भी हमारे कलीग्स होते हैं उन सभी के साथ में हमें हमेशा जो है रिस्पेक्टफुल तरीके से और हमेशा विनम्र तरीके से जो है उनसे बात करनी चाहिए। और जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो हम उस काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, उस काम के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाएगी। तो पूरी नॉलेज रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई एक टीचर है वो टीचिंग कर रहा है जिस सब्जेक्ट की, अगर वो मैथ्स पढ़ा रहा है तो मैथ के सब चीज उसको आना चाहिए कि आखिर क्या चीज कैसे कैसे सॉल्व होती है। साइंस पढ़ा रहा है तो उसको साइंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति जो हिंदी पढ़ा रहा है और वो डायरेक्ट साइंस पढ़ाने लग जाए, उसको साइंस की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसके अंदर गड़बड़ी होगी। साइंस वाला व्यक्ति अगर हिंदी पढ़ाएगा तो उसके अंदर गलती होगी। तो जो हम कर रहे हैं काम उसके अंदर हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और उसी काम को हमें करना चाहिए जिस चीज की हमें नॉलेज है, ऐसी हमें आनंद फानंद में कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपने संसाधनों का प्रबंध और उपयोग, प्रबंध और प्रयोग दक्षता से करें, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए, कभी भी उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस तरीके से हमें मैनेज कर उनको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कर्तव्य करते समय पक्षपात और भेदभाव ना करें, यानी हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं एक तरफ किसी व्यक्ति को हम ज्यादा फेवरेटिज्म देने लग जाएं, इस तरीके का काम हमें नहीं करना चाहिए, सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए हर एक बंदे को। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉयल, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी आती है लॉयल्टी की, डिसलॉयल हो जाते हैं हम किसी के साथ, तो हम जहां पर काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पर हमेशा हमें लॉयल रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। अगर वहां पर हम कोई भी गड़बड़ी देखते हैं लाइक करप्शन भ्रष्टाचार से रिलेटेड, तो हमें उसको उसी समय जो है अनाउंस करना चाहिए, सामने वाले के सामने प्रकट करना चाहिए कि यहां पर ये चीज गड़बड़ी हो रही है, ईमानदार रहना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें हम करते हैं तो हम एकदम जो है एथिक रूप से जो है प्रॉपर नॉलेज होगी हमारे अंदर, कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, वरना ये प्रॉब्लम जो है लोगों को फेस करनी पड़ जाती है। तो यही जो है हमारे कुछ टॉपिक्स हैं हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर, और इन्हीं में से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके लिए आपको जो है ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। अभी जिन्होंने चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि आखिर इस चैप्टर में क्या है हमें नहीं पता, मैम हल्के में बता दो आखिर चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। तो वो ऐसे ही स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो पूरे साल नहीं पढ़ पाए हैं, लास्ट मोमेंट पे वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के अंदर क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं वो जानना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी, अगर लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो है सेकंड मॉड्यूल, जिसके अंदर हमारे टोटल 3 लेसन्स हैं। 5th लेसन आहार नियोजन, यानी कि हमारा मील प्लानिंग। आखिर ये मील प्लानिंग क्या होता है? मील प्लानिंग मींस प्लानिंग अ बैलेंस डाइट यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध होते हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम अपने बैलेंस डाइट को नियोजित करते हैं वही हमारा आहार नियोजन कहलाता है, जिसके अंदर हमारे फैमिली मेंबर जो भी होते हैं परिवार के अंदर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने एक आहार नियोजन को बनाते हैं, उसको मील प्लान करते हैं, और वही हमारा क्या कहलाता है? मील प्लानिंग कहलाता है, जिसके अंदर हम समय, ऊर्जा और धन
इन सब की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है अपना मील प्लान करते हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। आप मील प्लानिंग जो है हमें किस चीज में हेल्प करता है उस चीज को समझते हैं। सबसे पहली हेल्प क्या होती है मील प्लानिंग के बाद, कि परिवार के अंदर जो भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी फुलफिल हो जाती है सभी फैमिली मेंबर्स की। सबसे पहली तो यही हेल्प करता है। सेकंड क्या हेल्प होती है कि भोजन में मितव्ययता का ध्यान रखने में। सेकंड ये हमारी हेल्प करता है कि जो भी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है कि हम किस चीज को कितना क्या खरीद सकते हैं उस चीज में हमारी हेल्प करता है कि हम किस तरीके से अपने सीजनेबल फ्रूट्स खरीद सकते हैं, फुल क्रीम की जगह हम टोन मिल्क खरीद सकते हैं। इस चीज में हेल्प करता है जब हम एक अपनी एक मील प्लानिंग बनाते हैं उस चीज को लेकर। साथ ही एक इंडिविजुअल पर्सन की जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम अपना एक मील प्लान करते हैं, तो ये भी हमारा एक हेल्पफुल रहता है पॉइंट आहार योजना के अंदर। ऊर्जा, समय तथा ईंधन की बचत करने में, यानी कि हमारी एनर्जी, टाइम और मनी, इन तीनों को क्या करता है, सेव करता है मील प्लान। इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम अपने एक बैलेंस डाइट को बनाते हैं। यही हमारे रिसोर्सेज हैं, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया ये तीन ही चीजें हमारे रिसोर्सेज होते हैं कि हमें इसको कब कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, तो ये सारी चीजें हेल्प करता है। साथ ही जो हमारा बचा हुआ खाना होता है उसको हमें दोबारा कैसे यूज करना है ये भी हम जो है मील प्लानिंग के अंदर देखते हैं, ये भी हमें यहीं से पता चलता है। तो इन सारी चीजों में जो हमारा मील प्लानिंग हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यानी मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब क्या होता है कि हमें जो भी खर्च करना है, एक्सपेंडिचर जो भी हमें करना है वो बहुत ही केयरफुल तरीके से करना होता है, संभल कर करना होता है। ये नहीं कि हम मार्केट गए और जो हमारा मन करा वो हम लेकर आ गए मार्केट से, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना होता है। पहले हमें प्रॉपर एक जो है लिस्ट बनानी होती है और अपने बजट के अकॉर्डिंग हमें जो है क्या करना होता है, सामान खरीदना होता है और जो जो हम लाना होता है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, वही हमारा मितव्ययता कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन में आप ये बता सकते हो। साथ ही यहाँ पर ये भी बताया है कि ये जो हमारे आहार योजना के बहुत सारे कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा मितव्ययता ही होता है। ये आपको याद रखना है, मितव्ययता सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कारक होता है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या देखते हैं, ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी सामान को खरीद सकते हैं और एक अच्छा खासा जो है न्यूट्रिशन वाला बैलेंस डाइट को बना सकते हैं। जैसे कि दूध, पनीर, मांस, फल या नारियल वगैरह, ये जो चीजें होती हैं हमारी, फ्रूट, मीट वगैरह, कोकोनट, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, हर किसी की फैमिली जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, रोज रोज नहीं खरीद सकती है या सभी फैमिली मेंबर्स को नहीं खिला सकती है, इतना सभी के पास जो है इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती हर एक फैमिली की। तो वो लोग क्या कर सकते हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इसके विकल्प को चुन सकते हैं, यानी जो बहुत ही चीपर प्राइस के अंदर हमें मिल रहा होता है सामान उसको खरीद सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि फुल क्रीम की जगह क्या खरीद सकते हैं, टोन्ड मिल्क खरीद सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो है हमें वही फ्रूट एंड वेजिटेबल खरीदने चाहिए जो सीजनेबल फ्रूट्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है सर्दियों के अंदर आम खाने का मन कर रहा है तो आप आम लेने चले गए, नहीं, आम आपको गर्मियों में ही खाने पड़ेंगे। जो भी सीजन के अकॉर्डिंग फ्रूट्स आते हैं वो सस्ते होते हैं, बाकी फ्रूट जो है वो महंगे होते हैं। तो सीजनेबल जो फ्रूट्स होते हैं उनको लेना चाहिए, वेजिटेबल्स को लेना चाहिए, तो मूंगफली वगैरह को लेना चाहिए। तो ये सारी जो है हमारी, आप कह सकते हो ये हमारा मितव्ययता को सही बनाता है, यानी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है और हम अपने बजट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एक अपनी बैलेंस डाइट को बना सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग और जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं हर एक इंडिविजुअल पर्सन की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे है हमारा प्रोटीन रिच फूड, यानी जो हमारे ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन जो है भारी मात्रा में होता है। ये आपका एग्जाम के अंदर 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। अभी अप्रैल एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया था। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा एक गिलास दूध की जगह और क्या चीज ले सकते हो, वो कई सारे ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए अगर एक गिलास दूध अगर हम नहीं पी रहे हैं तो हम क्या और चीजें ले सकते हैं। एक अंडा ले सकते हैं, मध्यम कटोरी यानी कि आप मीडियम साइज का जो है कोई भी मीट ले सकते हो, चिकन वगैरह, साथ ही जो है आप दाल ले सकते हो और आप क्या ले सकते हो, एक बड़ी कटोरी दही ले सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दूध नहीं लेते हो तो आप क्या क्या चीजें ले सकते हो। उसी तरीके से जो है अगर अनाज की बात करें, रोटी
रोटी की बात करें, एक चपाती की जगह आप और क्या चीजें ले सकते हो, एक ब्रेड का स्लाइस ले सकते हो, पोटैटो ले सकते हो, आधे कप आप चावल ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, नमकीन बिस्किट ले सकते हो, तो कितनी क्वांटिटी में ले सकते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, यहाँ से वन मार्क में क्वेश्चन आता ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे वो आपका प्रोटीन में से पूछ लेगा, चाहे वो आपका जो है जो भी हमारे अनाज वगैरह होते हैं या वसा होती है यानी कि फैट होता है उसकी जगह पर क्या लिया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है कि अच्छा ये नहीं तो ये चीज ली जा सकती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम अपना मॉडिफिकेशन ऑफ लैक्टेटिंग मदर यानी कि जो दूध श्रवी माँ होती है उसके लिए जो है हमें आहार के अंदर संशोधन करना है। संशोधन का मतलब होता है बदलाव, चेंजेस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जो दूध श्रवी माँ होती है उसका भोजन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके अंदर सारे पोषक तत्व होने चाहिए क्योंकि नवजात शिशु पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए किस पर डिपेंड होता है, अपनी माँ पर ही तो निर्भर होता है क्योंकि वो दूध पीने वाला बच्चा है। न्यू बॉर्न बेबी जो है पूरी तरीके से जो है अपनी मदर के न्यूट्रिशन पर ही आप कह सकते हो डिपेंड होता है कि उसकी माँ क्या खाना खा रही है, क्या उन कौन सी चीजों को ले रही है और वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसके जरिए वो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर भी वो सारी चीजें न्यूट्रिशन जाते ही जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक प्रेग्नेंट वुमेन से ज्यादा जो हमारी दूध पिलाने वाली जो माँ होती है यानी जो हमारी लैक्टेटिंग मदर होती है, ब्रेस्ट फीडिंग भी आप इसको कह सकते हो, तो उसको जो है ज्यादा न्यूट्रिशंस, ज्यादा कैल्शियम प्रोटीन की जरूरत होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया, लेस नहीं आएगा आपका, यहाँ पर मोर देन आएगा कि अ लैक्टेटिंग मदर शुड ईट अ लिटिल मोर देन अ प्रेग्नेंट वुमेन यानी थोड़ा सा ज्यादा जो है आप कह सकते हो खाने की जरूरत होती है एक दूध पिलाने वाली माँ को, प्रेग्नेंट वुमेन से थोड़ी सी ज्यादा ही आपको ध्यान रखना है। जिसके अंदर जो हमारी लैक्टेटिंग मदर होगी वो क्या क्या खा सकती है, जैसे मिल्क हो गया, दही हो गया, दालें हो गई, जिसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, विटामिन ए हो, एग हो, ये सारी चीजें जो है हम उसके डाइट के अंदर जो है रख सकते हैं, ये सारी चीजें जो है हम खिला सकते हैं एक दूध श्रवी माँ को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे पॉइंट है हमारा मॉडिफिकेशन फॉर अ इन्फेंट यानी कि जो हमारा शिशु होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसके लिए क्या जरूरी होता है। एक से छह महीने के बच्चे की पोषकता के लिए माँ का दूध पर्याप्त होता है यानी जो एक से लेकर छह महीने का बच्चा होता है वो पूरी तरीके से किस पर निर्भर होता है, अपनी माँ पर निर्भर होता है, वो दूध पी रहा होता है। लेकिन जो सिक्स मंथ का जो बच्चा होगा वो जो है हम उसको क्या क्या दे सकते हैं, जो हमारे बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होती हैं, चाहे जूस हो गया, सूप हो गया, मिल्क हो गया, ये थोड़ी चीजें हम उसको खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। और जब बच्चा छह से नौ महीने के बीच में होता है तो उस समय में हम क्या कर सकते हैं, जो थोड़ी सी हमारी अर्ध तरल जो पदार्थ होते हैं उनको हम खिला सकते हैं, लाइक दलिया, खीर, मसला हुआ केला या आलू जो होता है, उन सारी चीजों को जो हम खिला सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा 9-12 मंथ का जो बच्चा होता है उसको हम क्या खिला सकते हैं, खिचड़ी खिला सकते हैं, अंडा खिला सकते हैं या छोटी छोटी रोटी के टुकड़े खिला सकते हैं, चपाती के, और सब्जी तथा फल भी जो हम उसको खिला सकते हैं छोटे छोटे पीसीज में कर। तो इस तरीके से जो है आपको ये ध्यान रखना है कि किस टाइम में किस तरीके का खाना जो है बच्चों को खिलाया जा सकता है और एक जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसको किस तरीके का खाना दिया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं हम अपने उपचारात्मक आहार की। अब ये उपचारात्मक आहार क्या होता है, उपचारात्मक आहार एक ऐसा आहार होता है, एक ऐसा डाइट होता है जिसके अंदर हम जो भी सिक पर्सन होते हैं, जो बीमार होता है, जो रोग की अवस्था में होता है, उसको कोई सी भी बीमारी हो, उस समय में जब उसको जो खाना दिया जाता है थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस करके ताकि वो जल्दी से जो है सही हो जाए, जल्दी से रिकवर कर जाए अपनी बीमारी से, उस समय में थोड़ा सा चेंजेस किए जाते हैं उसके खाने में, वही हमारा क्या कहलाता है, उपचारात्मक आहार कहलाता है। अभी उपचारात्मक आहार की यहाँ पर पूरी एक टेबल दी गई थी आपकी बुक में, वो टेबल आपको पूरी तरीके से याद कर लेनी है क्योंकि कोई सी भी जो है आपको बोल दिया जाएगा कि आखिर किसी को डायरिया है या किसी को डायबिटीज है उसके आहार में कैसे संशोधन किया जाएगा, तो ये बातें ध्यान रखनी है कि अच्छा ये चीजें जो है करनी चाहिए। टेबल में एक बार आपको समझा देती हूँ, जैसे इस साइड जो है सारी आपकी यहाँ पर जितनी भी डिजीज होती है वो लिखी गई है और किस तरीके से आहार होना चाहिए, क्या उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो यहाँ पर इस कॉलम में बताई गई है, न्यूट्रिएंट कंटेंट यानी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन से पोषक तत्व होने चाहिए खाने में वो इस कॉलम के अंदर है, और कितने इंटरवल में यानी बारंबारता जिसको हम कहते हैं किस टाइम टाइम
टाइम पर जो है खाना खिलाना चाहिए वो यहाँ पर बताया है, और क्या खिलाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए वो इस कॉलम में बताया है। तो सबसे पहला जो है हमारा डिजीज है वो क्या है, डायरिया की, यानी कि जिसको हम दस्त भी कहते हैं, वो काफी लोगों को हो जाते हैं कोई भी पेट की प्रॉब्लम की वजह से। तो उस समय में जो खाना देना चाहिए वो लिक्विड सेमी सॉलिड होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल पानी वाला हो या जूस वगैरह, ये सारी चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल खिचड़ी आप कह सकते हो जो सेमी सॉलिड के अंदर आएगा, ऐसा जो है खाना देना चाहिए। अब उसके अंदर न्यूट्रिशन कौन से होने चाहिए, उसके अंदर जो पोषक तत्व कौन से होने चाहिए, जो लो फाइबर होना चाहिए, यानी उसके अंदर रेशे जो है बिल्कुल नहीं होने चाहिए, यानी कि कम मात्रा में होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और इंटरवल आपको ध्यान रखना है, एक दो घंटे के अंदर अंदर जो है उसको खाना खिलाना चाहिए। सब्जी खीर पूड़ी ये सब खिला रहे हो, नहीं, मिर्च मसाले वाला खाना तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, खिलाना ही नहीं है। ये इसके अंदर दिया गया है ना कि जो भी वेजिटेबल्स हैं या आपकी सब्जियां वगैरह हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उन सबको अवॉइड करना है, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि बॉइल्ड पोटैटोज हो गया, एग हो गया, दलिया हो गया, दही हो गया, ये सारी चीजें जो है खिलानी चाहिए। कितने कितने घंटे में, एक दो घंटे के अंदर इंटरवल पर हमें खिलाते रहना चाहिए। अगर फीवर की बात करें, सेमी सॉलिड डाइट देना चाहिए और हाई कैलोरीज और जो है प्रोटीन होना चाहिए। जब अगर किसी व्यक्ति को ज्वर है, बुखार है, और 2-3 घंटे के इंटरवल पर जो उसको खाना देना चाहिए, और यही खाना देना चाहिए एक फीवर वाले व्यक्ति को, अगर किसी को फीवर है तो। और इस खाने को जो अवॉइड करना चाहिए सेम उसी तरीके से जो भी हमारे किनी फ्रूट्स होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, केक वगैरह हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, और काफी मिर्च मसाले वाला खाना जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए। फ्रूट्स हो गए, जूस हो गया, लस्सी हो गया, दलिया, खीर, ऐसा खाना जो है जो सेमी सॉलिड के अंदर आता है वो खाना देना चाहिए। डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज वाले व्यक्ति को के खाने के अंदर कुछ भी जो है चेंज नहीं होता है, यानी कि आप कह सकते हो जो कंसिस्टेंसी होती है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, सेम वही रहता है, पतला मोटा, ज्यादा लिक्विड या सेमी सॉलिड ऐसा कुछ खाना नहीं होता है। नॉर्मल जो हमारा खाना होता है दाल रोटी सब्जियां, सेम वही खाना होता है। बस जो डायबिटीज वाला जो व्यक्ति होता है उसके खाने के अंदर जो है जो शुगर होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है आपका जो टाइम होता है खाना देने का वो फिक्स टाइम होना चाहिए, 6 बार जो है दिन में कम से कम जो है खाना खाना चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम में। बाकी 3 टाइम अगर खाना खाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन बीच बीच में कुछ और भी खाना खाना चाहिए अगर किसी को डायबिटीज होती है तो। बाकी कोई और चेंज नहीं होता है, नॉर्मल खाना होता है, और बाकी जो अवॉइड करना चाहिए वो चीजें यहाँ पर लिख दी गई हैं। और अगर किसी को उच्च रक्तचाप है यानी हाइपरटेंशन है तो उसके खाने में भी बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, बस जो है कैलोरीज और जो कोलेस्ट्रॉल होता है, सॉल्ट होता है, वो बिल्कुल जो है कम मात्रा में हो जाएगा, ना के बराबर जो है ये दिया जाएगा। और टाइम पीरियड भी जो सेम रहता है, सेम टाइम पर जो होता है 3 टाइम वो खाना दिया जाता है, नॉर्मल दाल चावल वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह दिया जाता है। बस जो है हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति को कभी भी जो है ज्यादा तेल मसाले वाला खाना होता है ना, पनीर, मक्खन, अंडा, ये सारी चीजें जो है अवॉइड करनी चाहिए, नमक जो है ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इस तरीके की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को जॉन्डिस है यानी पीलिया है तो उसका खाने की जो है कंसिस्टेंसी कैसी होगी, वो स्टार्टिंग में तो एकदम लिक्विड फॉर्म में होगी, फिर हम धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति सही होने लग जाएगा, नॉर्मल होने लग जाएगा, तो उसकी डाइट को हम उसके अकॉर्डिंग सेमी सॉलिड इस तरीके से भी रख सकते हैं। और उसके अंदर जो फैट होना चाहिए वो लो फैट होना चाहिए, 1-2 घंटे के इंटरवल पर हमें उसको खाना खिलाना चाहिए जॉन्डिस वाले पर्सन को। साथ ही साथ हम उसको खाने में क्या क्या दे सकते हैं, रोटी, वेजिटेबल्स या दाल वगैरह, दूध, फल, ये सारी चीजें, फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं। फ्राइड चीजें जो होती हैं, तली भुनी चीजें जो होती हैं, पकौड़े, समोसे, ये सारी चीजें जो है अवॉइड करनी चाहिए, ये नहीं देनी चाहिए एक जॉन्डिस अगर किसी व्यक्ति को होता है तो। अगर किसी व्यक्ति को कब्ज है तो जो है उसके खाने में कोई चेंज नहीं होगा, बस जो फाइबर होता है वो काफी मात्रा में होना चाहिए और डायरिया में जो है फाइबर कम मात्रा में होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हो अलग अलग जो है रोग अवस्था के अंदर, अलग अलग डिजीज के अंदर अलग अलग तरीके से खाना दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस डिजीज में किस तरीके का खाना जो है होना चाहिए। तो जो हमारा कब्ज होता है उसके अंदर जो है फाइबर हाई अमाउंट में होना चाहिए और पानी को काफी ज्यादा पिलाना चाहिए उस व्यक्ति को। बाकी टाइम हमारा सेम रहेगा और जितनी भी हमारी हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स जैसे कि अमरूद वगैरह हो गई, रोटी हो गई, वो सारी चीजों को खिलाना चाहिए। और जो रिफाइंड फूड वगैरह होते हैं, मैदा, ब्रेड, इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीजों को नहीं देना चाहिए कब्ज वाले पर्सन को। तो ये टेबल जो है आपको अच्छे से रट लेनी है, याद कर लेनी है, ताकि आपके इसमें से कोई सी भी डिजीज उठ के आ जाए आप उसको अच्छे से जो है एक्सप्लेन करके आप पाओ, या आपके 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, फिर ब्लैंक्स में आ जाए, किसी भी टाइप में आपका क्वेश्चन आ जाए आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लो। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ।
नेक्स्ट हमारा सेकंड मॉड्यूल का ही लेसन है पोषण स्तर यानी न्यूट्रिशनल स्टेटस। इस चैप्टर के अंदर आपको देखना है कि आखिर अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी न्यूट्रिशन की कमी होती है तो कौन सी डिजीज हो सकती है। अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो कोई ना कोई बीमारी तो होगी होगी, तो वही चीजें हमें इसके अंदर देखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर यही है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, आखिर न्यूट्रिशन की कमी से कौन कौन सी डिजीज हो सकते हैं यानी कौन कौन से ऐसे रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिसको हम PEM के नाम से भी जानते हैं। आखिर जो हमारा मेल न्यूट्रिशन होता है यानी कि कुपोषण जो होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं। तो पहला रीजन बताया है कि ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी, अगर एनर्जी और प्रोटीन दोनों की कमी होगी तो हमारा जो है कुपोषण हो सकता है, या अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी भी होगी तब भी हमें कुपोषण हो सकता है। हमारी डाइट में एनर्जी और जो हमारा प्रोटीन होता है वो प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, वरना जो है हमें कई तरीके की डिजीज हो सकती है। तो आगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन इज टू टाइप्स, यानी कि हमारा प्रोटीन ऊर्जा और कुपोषण जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, पहला है मराजमस और दूसरा है क्वाशियोरकर। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उस चीज को समझते हैं। तो आपको ये पिक्चर देख के इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारा मराजमस होता है उसके अंदर जो बच्चा होगा वो दिन प्रतिदिन पतला होता चला जाएगा, और जो हमारा क्वाशियोरकर होता है उसके अंदर एक बच्चे का जो पेट होता है वो मोटा सा हो जाता है, बाल थोड़े ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं। इस तरीके के सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस है क्या मेन, उस चीज को पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है मराजमस के अंदर कि जो मराजमस होता है उसके अंदर यह रोग प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की कमी के कारण होता है, यानी अगर किसी बच्चे के अंदर एनर्जी एंड प्रोटीन दोनों की कमी है तो किसी एक बच्चे को जो है मराजमस हो सकता है। लेकिन अगर उसकी डाइट में ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की कमी है, तो क्वाशियोरकर जो रोग होता है हमारा वो हो सकता है। अभी होता कितने साल के बच्चों को है ये आपको ध्यान रखना है, ये वन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। जो 12 साल से कम आयु के बच्चे होते हैं और मोस्टली तो 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के अंदर डिजीज जो है देखी जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा क्वाशियोरकर होता है वो 1 से 3 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं यानी कि 15 महीने के, 12 महीने के, 1 महीने के, 6 महीने के, ऐसे चिल्ड्रंस के अंदर क्वाशियोरकर रोग जो है वो देखा जाता है। इन मंथ्स के अंदर उनको ऐसी बीमारी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है कि अगर उनको प्रॉपर डाइट के अंदर प्रोटीन ना दिया जाए या उनकी डाइट के अंदर एनर्जी एंड प्रोटीन की कमी हो तो दोनों से कोई सा भी एक रोग जो है हो सकता है बच्चों को, ये आपको ध्यान रखना है। सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर किसी बच्चे को मराजमस है तो उसकी जो स्किन होगी वो बहुत ज्यादा जो है लूज हो जाएगी, ढीली सी पड़ जाएगी, पूरी स्किन पर जो है रिंकल्स आने लग जाएंगे, झुर्रियां आ जाएंगी और डायरिया भी जो है उसको हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्वाशियोरकर के अंदर उसके बाल जो है वो पूरे ग्रे ब्राउन से जो है वो होने लग जाएंगे और वो झड़ने भी लग जाएंगे, और साथ ही साथ उसके फेस के ऊपर, आर्म्स पे, लेग पर जो है स्वेलिंग होने लग जाएगी, सूजन आ जाती है, त्वचा जो होती है, स्किन जो होती है वो पूरी रफ हो जाती है और स्केली सी हो जाती है, उसके ऊपर से पपड़ियां छूटने लग जाती हैं अगर किसी बच्चे को क्वाशियोरकर हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे के डाइट के अंदर प्रॉपर प्रोटीन और एनर्जी दोनों होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस का, भूख जो है इसके अंदर अधिक लगती है मराजमस के अंदर बच्चे को, लेकिन जो शरीर है वो दिन प्रतिदिन कंकाल के जैसे होने लग जाता है, स्केलेटन की तरह दिखने लग जाता है। भूख उसको लगती है लेकिन फिर भी खाना जो है कहीं पता नहीं चलता क्योंकि डायरिया हो गया है, इसी वजह से जो है इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। और जो हमारा क्वाशियोरकर होता है उसके अंदर जो भूख होती है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती बच्चे को, और जो लीवर होता है उसका साइज बढ़ जाता है जिसके वजह से उसका पेट जो है पूरा बैली की तरह हो जाता है, पोट बैली, जिसको मटके की तरह आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से उसकी जो है तोंद निकल आती है एक बच्चे की। मराजमस एवं क्वाशियोरकर रोग जो है इन दोनों में अंतर होता है और कितने से कितने साल के बच्चे में होता है ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ये आपका जो है 4 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस के लिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, रात के अंधेरे में दिखना कम हो जाता है, धीरे धीरे हो सकता है कि पूरी तरीके से अंधे भी हो जाए, कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है अगर प्रॉपर तरीके से विटामिन ए नहीं लिया जाता है डाइट के अंदर। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया है आंखों का सफेद भाग जो है सूखने लग जाता है, आंखों में पूरा सफेद पार्ट होता है, पोर्शन जो होता है वो पूरा ड्राई होने लग जाता है जिसके वजह से आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है। और रतौंधी आपको याद रखना है जिसको हम ब्लाइंडनेस कहते हैं, तो इसके वजह से जब ये संक्रमण फैलता है तो जो हमारी श्वास नली होती है वहां पर जो है ये संक्रमण इन्फेक्शन फैलने लग जाता है विटामिन ए की कमी से। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आयोडीन जो है हमारा थायरोक्सिन
हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, कंपोनेंट्स माना जाता है थायरोक्सिन हार्मोन का। ज्यादातर जो अडल्ट होते हैं उनको जो है ग्वाइटर हो जाता है, जिसको हम गलगंड के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर ये अडल्ट लोगों में होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोने रह जाते हैं अगर उनको प्रॉपर बचपन से ही जो है आयोडीन नहीं मिलता उनको अपनी डाइट के अंदर, उसकी डेफिशिएंसी रहती है हमेशा, तो वो छोटे रह जाते हैं, बोनापन के अंदर देखा जाता है। और आयोडीन का अगर अभाव जो है गर्भ अवस्था के दौरान रहता है, स्त्री एक जो है प्रेग्नेंट लेडी को प्रॉपर आयोडीन नहीं दिया जाता है, जिसके वजह से उसके बच्चे के ऊपर भी जो उसका हार्मफुल आप कह सकते हो इफेक्ट पड़ता है, मदर एंड चिल्ड्रन दोनों के ऊपर ये चीज देखी जाती है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं अडल्ट के अंदर एंड चिल्ड्रन के अंदर वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम है यहाँ पर वयस्कों के अंदर वो है गले में जो है सूजन आ जाती है, जिसको हम ग्वाइटोर कहते हैं, और जो है मोटापा आने लग जाता है। और साथ ही साथ जिस व्यक्ति को आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा अपने आप को वीक एंड जो हमेशा थका थका महसूस करता है, और किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, और इसकी स्किन के अंदर भी चेंजेस आने लग जाते हैं। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, साथ ही जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट होना है वो भी रुक जाता है, और बोलने और सुनने में भी जो फर्क आ जाता है, वो ठीक से प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं, ठीक तरीके से किसी बातों को सुन नहीं पाते हैं। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स बच्चों और अडल्ट्स के अंदर देखी जाती है। अब आगे जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम यानी नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अब इस तरीके से हमारे देश के अंदर दिन प्रतिदिन किसी न किसी डेफिशिएंसी के वजह से अलग अलग रोग जो है देखे जा रहे हैं महिलाओं के अंदर, बच्चों के अंदर, इसी वजह से गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स निकाले हैं। तो उन 5 प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है, अब आपको बताना है सरकार द्वारा विशेष बच्चे या महिलाओं के लिए या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए जो है ये कार्यक्रम निकाले हैं, ताकि कुपोषण की समस्याओं से उभरा जा सके, कुपोषण को रोका जा सके, इस तरीके की कोई भी डेफिशिएंसी से कोई डिजीज ना हो पाए, इस चीज के रोकथाम के लिए जो है अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमारी भारत सरकार है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको हम ICDS के नाम से भी जानते हैं, स्कीम है हमारी। इसमें हेल्थ की अगर बात करें तो टीकाकरण किया जाता है बच्चों को, महिलाओं को जो है मुफ्त में टीकाकरण दिया जाता है, उनका डेली हेल्थ चेकअप किया जाता है, साथ ही अगर कुछ ज्यादा समस्या होती है तो रेफर किया जाता है अलग अलग सर्विस के लिए, और छोटी मोटी जो साधारण माइनर सी कोई सी भी बीमारी होती है उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है ICDS स्कीम के अंदर, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें, जो हमारा सप्लीमेंट्री फीडिंग होती है यानी पूरक आहार जिसको हम कहते हैं, वो दिया जाता है महिलाओं को, बच्चों को मुफ्त में, साथ ही साथ वृद्धि निरीक्षण, उनकी ग्रोथ डेली चेक किया जाता है, किस तरीके का उनका ग्रोथ हो रहा है, चाहे वो उनका फिजिकल ग्रोथ हो गया, चाहे वो उनका मेंटली ग्रोथ हो गया, उस चीज को चेक किया जाता है। और जो न्यूट्रिशन से संबंधित जो हेल्थ एजुकेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है महिलाओं और बच्चों को, शुरू से ही जो ये प्री स्कूल की एजुकेशन होती है उसके अंदर ये चीज प्रोवाइड की जाती है 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं। और ये किन के लिए जो है लाभकारी है वो भी आप बता सकते हो, 6 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, 11 से 16 साल के जो एडोलसेंट की गर्ल्स होती है उनके लिए काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होता है, किशोरियों के लिए, क्योंकि उस समय में जो है लड़कियों के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो खून की कमी या अलग अलग तरीके की जो है कुछ ना कुछ जो है उनको डेफिशिएंसी से अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, तो इसीलिए जो है उनका चेकअप किया जाता है इस स्कीम के द्वारा। साथ ही जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है और लैक्टेटिंग मदर जो होती है उनका भी, और जो हमारी 15 से लेकर 45 ईयर की एज की जो वुमेन होती है उनको भी जो इस स्कीम का फायदा मिलता है, ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है मिड डे मील प्रोग्राम। अब ये मिड डे मील प्रोग्राम तो हम सभी जानते हैं, स्कूलों के अंदर 6 से 11 साल के बच्चों को मुफ्त में जो है खाना दिया जाता है, सप्लीमेंट्री मील जिसको हम कहते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ये प्रोवाइड किया जाता है, और इसके वजह से बच्चे खाने के वजह से ही स्कूल के अंदर प्रेजेंट हो पाते हैं, उनकी अटेंडेंस ज्यादा इंक्रीज हो पाती है, ठीक है। ये प्रोग्राम चलाया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ताकि बच्चों को पूरी तरीके से जो है खाना दिया जा सके, पोषक तत्व दिए जा सके, उस खाने को इस तरीके से बनाया जाता है। तो मिड डे मील आप बता सकते हो, ये हमारी सेकेंड स्कीम है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड प्रोग्राम है वो है राष्ट्रीय प्रोफिलेक्सिस कार्यक्रम या प्रोग्राम आप बता सकते हो। इसके अंदर जो हमारा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो ब्लाइंडनेस हो रही थी उसको रोकने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके अंदर विटामिन ए से भरपूर जितने भी फूड्स होते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, उस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है लोगों को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है विटामिन ए से भरपूर खाने को खा सके। और जो 6 माह से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको मौखिक रूप से विटामिन ए जो है पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है, यानी कि ओरली तरीके से उन चिल्ड्रंस को जो है 6 मंथ से लेकर 5 ईयर के बच्चों को वो दिया जाता है, डोज दिए जाते हैं विटामिन ए के ओरली। और ये किन किन लोगों के लिए
लाभकारी है। तो जो हमारा 6 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 6 मंथ से लेके 5 ईयर तक, और जो हमारी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर होती है और ये हमारे 15 to 45 ईयर की वुमेन होती है उनके लिए काफी ज्यादा ये बेनिफिशरीज है। ठीक है, ये आप बता सकते हो। 4th जो हमारा प्रोग्राम है वो नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। खून की कमी हो जाती है महिलाओं के अंदर, ज्यादातर ये जो है डिजीज देखी जाती है जिसको हम रक्त अलापता के नाम से भी जानते हैं। जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके अंदर इसको रोकने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया था। और इसके अंदर जो है क्या सेवा प्रदान की जाती है, जिसके अंदर जो है रिच अमाउंट में जो है आयरन होता है उस चीज को जो है रेगुलर लेने की बात की जाती है कि उसको हमें डेली खाना चाहिए। साथ ही जो आयरन एंड फॉलिक एसिड होता है, सप्लीमेंट होते हैं, उन चीजों को प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के द्वारा। और साथ ही जो हमारे रक्त अलापता के जो रोगी होते हैं उनको जो है इस चीज की सर्विस दी जाती है, उनका उपचार किया जाता है इस प्रोग्राम के अंडर में। ठीक है, और इन लोगों के लिए जो है काफी ज्यादा बेनिफिशरीज होता है, यानी लाभकारी होता है। 5th and last जो हमारा प्रोग्राम होता है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है हमारा आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम होती है उनकी रोकथाम के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया है, ताकि लोगों के अंदर जो है आयोडीन की कमी ना हो, उस चीज को जो है रोका जा सके। इसका लक्ष्य हमारा यही है कि देश के अंदर आयोडीन की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको रोका जा सके, ये इस डिसऑर्डर को जो है आप कह सकते हो डिक्रीज किया जा सके। और इसके वजह से जो है क्या प्रोवाइड करते हैं, ये आयोडीन से भरपूर जो नमक होता है वो जो है प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम एड में भी देखते हैं टाटा नमक में सबसे ज्यादा आयोडीन होता है, तो ज्यादातर घरों में टाटा नमक ही यूज किया जाता है, तो उसके अंदर जो है भरपूर मात्रा में आयोडीन होता है। तो इस तरीके की सेवाएं जो है दी जाती है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में आयोडीन हो, जिस नमक में ज्यादा से ज्यादा आयोडीन हो उस नमक को खाने की बात की जाती है, क्योंकि नमक जो है हर किसी खाने में डलता है। खाना कितना भी टेस्टी हो अगर खाने में नमक नहीं होगा तो खाना बेकार हो जाएगा, इसलिए जो है कुछ भी बनाया जाता है तो उसके अंदर नमक डाला जाता है, तो नमक के अंदर जो है आयोडीन होना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, इस चीज की बात की जाती है हमारा नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। तो ये 5ों प्रोग्राम आप याद रख सकते हो, इनमें से कोई सा भी प्रोग्राम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। साथ ही जो हमारा मराजमस और क्वाशियोरकर है उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, या ये बोला जा सकता है कि आखिर विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं या कौन सी बीमारी हो सकती है, तो वो भी आप जो है 1 मार्क में बता सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आएंगे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 9th चैप्टर फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परीक्षण। अभी खाद्य परीक्षण का मतलब क्या होता है, यानी फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। फूड प्रिजर्वेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोसेसिंग फूड प्रिवेंट, यानी कि एक ऐसा मेथड होता है जिसके वजह से हम अपने खाने को खराब होने से बचा सकते हैं, ताकि वो जल्दी खराब ना हो, लंबे समय तक हम उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। आखिर ऐसे कौन कौन से तरीके होंगे, वही चीजें जो है आपको इस फूड प्रिजर्वेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो उसके सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के। सबसे पहला प्रिंसिपल है बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना, यानी जो खाने के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। जैसे कभी भी आप मार्केट से जब दूध लाते हो तो आप उसको ऐसे ही नहीं रखते हो, आप उसको क्या करते हो या आपकी मम्मी क्या करती है, उसको उबालती है, उसको बॉइल करती है। क्यों करती है, ताकि उसके अंदर के जो मौजूद सूक्ष्म जीवाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि जब दूध उबाला जाता है तो उसके अंदर के सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से घर के अंदर अगर हम कोई खाना लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, उसको हम पकाते हैं, पकाने के बाद एक तो वो काफी ज्यादा डाइजेस्टेबल हो जाता है, पचाया जा सकता है, उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम जो है डिब्बे में बंद कर कर रखते हैं, एयर कंटेनर जो हमारे बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर हम रखते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो ना कर पाए। इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अपने फूड को, और जो है उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं जब हम ऐसी चीजें करते हैं तब। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल प्रिजर्वेटिंग फॉर डिलाइंग द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनके प्रभाव को क्या करते हैं, हम रोकते हैं या उसको विलंब करते हैं। विलंब का मतलब क्या है, डिले करना, लेट करना आप कह सकते हो, डिले करना। तो डिले कैसे करते हैं हम, जैसे अगर आप कोई फ्रूट्स लेके आते हो तो फ्रूट्स ऐसे थोड़ी आप मार्केट से छिले हुए फ्रूट्स लेके आते हो, नहीं, आप एप्पल कभी भी लाते हो तो आपके एप्पल के ऊपर जो उसका कवर होता है, उसका जो छिलका होता है वो लगा हुआ होता है। घर में आकर अगर आपको छीलना है तो छीलते हो, वरना आप ऐसे ही खा लेते हो। वो जो छिलका होता है एप्पल के ऊपर वो उसका एक रक्षा कवच होता है, क्योंकि अगर आप घर के अंदर एक छिला हुआ सेब और एक बिना छिला हुआ सेब रखते हो सामने, तो थोड़ी देर बाद ही जो है जो बिना छिला हुआ सेब होगा वो क्या पड़ने लगेगा, खराब होने लग जाएगा और काला काला सा पड़ने लग जाएगा, वो जल्दी खराब हो जाएगा। और जो बिना छिला हुआ सेब होगा वो हमारा
खराब नहीं होगा, उसको आप 3 से 4 दिन आराम से जो है सेव कर रख सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव शेल्ड लगी हुई है जो उसको क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है, जिसके वजह से उसके अंदर माइक्रोब्स जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, सूक्ष्म जीवाणु का प्रवेश नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर अगर छिलका लगा हुआ है। तो किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल कोई भी लाते हो, अगर वो छिलके वाले हैं तो वो ज्यादा दिन तक रहेंगे, अगर बिना छिलके वाले हैं तो खराब हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से दो चीजें आगे और पॉइंट में यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि अगर हम किसी भी खाद्य पदार्थ को लो टेम्परेचर पर रखते हैं या उसको फ्रीज कर देते हैं, यहाँ पर आपका लो टेम्परेचर आएगा, लो टेम्परेचर पर रख देते हो या उसको फ्रीज कर देते हो या उसको जमा देते हो, तो इससे भी जो है हमारा खाना जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। हम इससे जो है उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हम क्या कर रहे हैं, डीले कर रहे हैं, काफी लॉन्ग टाइम तक जो है हम, जो हमारा फ्रोजन फूड होता है, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे पॉइंट है इसी का कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन केमिकल्स को मिलाने से जो है हमारे शेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाती है अपने फूड आइटम्स की, और हम उसको काफी लंबे समय तक जो है रख सकते हैं, प्रिवेंट कर उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, उसका ग्रोथ रुक जाता है। वो केमिकल कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम हो गया, बेंजोइट हो गया या पोटेशियम मेटाबाइस सल्फेट हो गया, ये कुछ हमारे ऐसे क्या है केमिकल्स हैं जिनके वजह से जो है सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जा सकता है। थर्ड प्रिंसिपल क्या है हमारा, बाय स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, यानी जो एंजाइम्स होते हैं उनके प्रभाव को रोकना। दो पॉइंट थे कि सबसे पहले जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु है उसको मार देना। मार कैसे रहे हैं, या तो हम दूध को उबाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम एकदम गर्म करते हैं दूध, जैसे ही उसके अंदर हीट लगती है तो उस समय में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं मर जाते हैं, या हम किसी चीज को जो है एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकते हैं, उससे भी जो है वो सूक्ष्म जीवाणु जो है ग्रो नहीं कर पाते तो वो मर जाते हैं। उसी तरीके से डीले कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब एंजाइम क्या होता है और एंजाइम को हम किस तरीके से रोक सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। तो एंजाइम जो है आपका एक नेचुरल आप कह सकते हो अपने आप से जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारे फूड के अंदर, हर एक फूड के अंदर जो है एंजाइम्स होते ही होता है, जो क्या करता है फूड को थोड़े टाइम में खराब कर देता है। तो एंजाइम जो है नेचुरली उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारे फूड आइटम के अंदर। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर आप मार्केट से आज एक कच्चा केला लाते हो, 2-3 दिन बाद आप देखोगे कि वो पीला पड़ने लगेगा, फिर थोड़े दिन बाद देखोगे तो वो सड़ने लगेगा, थोड़े दिन बाद और देखोगे तो वो एकदम गल सा जाएगा। तो वो क्यों हो रहा है, अपने आप हो रहा है वो, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है एंजाइम है। एंजाइम्स होने की वजह से जो है वो अपने आप जो है उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है और वो खराब हो रहा है, पक रहा है, एकदम गिलगिला सा हो जा रहा है। ऐसे आप आम लाते हो, आम थोड़े दिन तक ठीक रहते हैं, वरना थोड़े दिन बाद जो है वो गिलगिले से हो जाते हैं, खराब से हो जाते हैं। तो सारी चीजें हमारी ऐसी होती हैं, 2-3 दिन सही रहती है और 2-3 दिन बाद अगर आप देखते हो 4-5 दिन बाद तो वो खराब सी होने लग जाती है। तो वो क्यों हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होता है फूड के अंदर। तो उसको आखिर हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे फूड आइटम को खराब कर रहा है। अब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल पढ़ने हैं कि आखिर हम कैसे इन सारी चीजों को रोक सकते हैं और अपनी फूड आइटम की शेल्फ लाइफ जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट बताया है कि जो भी हमारे फूड आइटम होते हैं उसको हमें हल्के ताप पर रखना चाहिए, हल्के ताप के प्रभाव में लाना चाहिए। जैसे ही हम अपने किसी भी खाने को क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, पहले पानी में डुबोया, तुरंत जो है उसको ठंडे पानी में डाल दिया और उसको फिर हमने टाइट से बंद कर रख दिया, तो उसको हम ब्लीचिंग कहते हैं। ऐसे करने से जो है एंजाइम की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पॉइंट बताया है रोकने का एंजाइम की प्रक्रिया को, वो क्या है कि जब हम दूध उबालते हैं तो बहुत तेज आप आंच पर उसको उबालते हो, बॉइलिंग पॉइंट उसका काफी ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं वो तो मरते ही मरते हैं, तो साथ ही साथ जो है दूध उबालने से जो एंजाइम्स होते हैं उसकी प्रक्रिया भी जो है वो रुक जाती है। सूक्ष्म जीवाणुओं को भी मारता है और एंजाइम के जो प्रभाव को भी वो रोकता है, और इससे हमारी मिल्क की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स जो है आपको याद रखने हैं कि क्या क्या सिद्धांत है हमारे, आखिर किस तरीके से हम अपने फूड आइटम्स को बचा सकते हैं और कैसे वो खराब होते हैं, ये चीजें हमने देखी। नेक्स्ट आगे है कि आखिर हम ऐसी कौन कौन सी विधियां या कौन कौन से ऐसे मेथड को अपनाएं जिससे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ तो हमने सीखा कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि ऐसे ऐसे खराब होता है और ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। अब पूरी विधियां देखेंगे, हम पूरे मेथड को सीखेंगे। तो सबसे पहला मेथड है हमारा डिहाइड्रेशन, यानी कि जिसको हम निर्जलीकरण के नाम से भी जानते हैं। निर्जलीकरण के अंदर क्या होता है, हम अपने जो फूड होता है या कोई फूड आइटम है उसके अंदर का जो भी मॉइस्चर होता है, पानी होता है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, सुखा देते हैं। तो वो ही होता है हमारा निर्जलीकरण, और उसको एकदम सुखा देते हैं धूप में या हवा में, तो वो हमारा डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो
प्रिजर्वेशन ऑफ फूड क्या है, ड्राइंग रिड्यूस द मॉइस्चर कॉन्टेक्ट ऑफ फूड, यानी जो मॉइस्चर होता है फूड के अंदर उसको पूरी नमी को जो है क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, सुखा देते हैं। खाद्य परीक्षण जब किया जाता है, निर्जलीकरण जब किया जाता है, जिससे क्या होता है हमारे सूक्ष्म जीवाणु और जो एंजाइम्स की जो क्रियाशीलता होती है वो रुक जाती है। दोनों आपको बताना है, एंजाइम्स और माइक्रोब, जो दोनों का जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है, वो उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। और जब हम किसी भी फूड आइटम को निर्जलीकरण करते हैं, जैसे आपके घरों में होली वगैरह पर चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो देखते होगे आप किस तरीके से जो है उसको धूप में सुखाया जाता है। तो धूप में सुखाने से या कोई कचरी बनाई जाती है, चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं, अमचूर पापड़ वगैरह बनाया जाता है, तो उन सब में जो मॉइस्चर होता है वो सारी चीजें खत्म कर दी जाती है मॉइस्चर को। इसी वजह से जो है हमारा वो फूड आइटम इतने दिन तक हम स्टोर भी कर पाते हैं, संग्रहित भी कर पाते हैं, और साथ ही साथ जो उसका ट्रांसपोर्ट होता है वो हल्का हो जाता है, उसका वजन जो है काफी ज्यादा हल्का हो जाता है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचा भी सकते हैं। तो स्थानांतरित या ट्रांसपोर्ट करने में आसानी रहती है, साथ ही उसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें जो है उनको हम रख सकते हैं, निर्जलीकरण कर पापड़, आमचूर, आलू के चिप्स, केले के चिप्स, ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। कौन से मेथड से? निर्जलीकरण के मेथड से, यानी डिहाइड्रेशन के मेथड से। साथ ही जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे मेथी, पुदीना, पालक, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम जो है अच्छी तरीके से पहले साफ कर धोकर उनको हम एक साफ कपड़े पर जो है सुखाते हैं धूप में। इस तरीके से जो है उसको प्रिजर्व किया जाता है। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा, हमारी मम्मियां मेथी वगैरह पुदीना को इसी तरीके से स्टोर करके रखती हैं, और साथ ही एक ऐसे डिब्बे में रखती हैं जो बिल्कुल ड्राई और एयर टाइट कंटेनर होता है, क्लीन जगह पर, उसको साफ जगह पर रख दिया जाता है जिससे वो खराब ना हो। नेक्स्ट जो है हमारा मेथड वो है नमक, मसाले और तेल के साथ अचार डालना। अब जैसे कि हम देखते हैं गर्मियों के अंदर आम का अचार बनाया जाता है, उससे हमारा आम जो है सालों साल ऐसे का ऐसे ही रहता है, उसके अंदर कुछ भी खराब नहीं होता है। क्यों खराब नहीं होता? एक तो उसके अंदर तेल होता है, नमक होता है, मसाले होते हैं। जब किसी भी चीज के साथ हम मसाले, नमक और ऑयल को रखते हैं तो इससे जो है हमारे माइक्रोब जो है कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाते हैं, जिसके वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। ग्रो नहीं करेंगे तो फूड आइटम खराब नहीं होगा, अगर वो ग्रो कर जाएंगे तो फूड आइटम खराब हो जाएगा। तो हर खाद्य पदार्थ के अंदर जो है हमारा क्या होता है, पानी होता है, मॉइस्चर होता ही होता है। तो जो हमारा सॉल्ट और जो जितने भी हमारे मसाले होते हैं वो उनको ऐड किया जाता है जब हम अचार बनाते हैं, और जब हम उनको ऐड करते हैं अपने खाद्य पदार्थ के अंदर तो जितना भी पानी होता है वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। फूड आइटम के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, सॉल्ट और जितने भी हमारे मसाले होते हैं, स्पाइसेस वगैरह होते हैं, वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, और वो अचार हमारा काफी दिनों तक रखा रह जाता है। अचार के अंदर हम एक चीज और देखते हैं कि उस अचार जो है हमारा अगर आधी बोतल है तो तेल जो है वो हमारा पूरी बोतल, यानी पूरे कंटेनर में तेल पूरा भरा हुआ होता है, अचार से ज्यादा तेल होता है, तो तेल की लेयर ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि तेल की परत जब ऊपर होती है तो उससे क्या होता है, खाद्य पदार्थ को हवा का संपर्क नहीं मिल पाता है, यानी कि वो एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता। जब वो एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है तो वो हमारा फूड आइटम जो है अपने आप जो है वो प्रिजर्व रह जाता है, यानी प्रिवेंट रहता है, काफी लंबे समय तक हम उसको स्टोर कर रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आगे यहाँ पर एक नोट दे रखा है, ये क्या है, जब जेली या कोई भी शरबत बनाया जाता है उसके अंदर, ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से आप इसको देख सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट जो हमारा थर्ड मेथड है उसको देख लेते हैं, फ्रीजिंग यानी जमाना, जिसको हम हिमनीकरण के नाम से भी जानते हैं। अब जमाना क्या होता है, यानी जैसे मटर आपने देखी होगी, सफल मटर का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि जो मटर होती है वो हमारी सर्दियों में मिलती है, गर्मियों में नहीं मिलती है। तो आप मार्केट से जब जाते होगे तो वहां से आप सफल मटर लेके आते हो, या आप अपने घर में भी इसको जो है बना सकते हो। सफल मटर को कैसे बनती है, क्या करना है आपको, एक सर्दियों के समय में ही जो है साफ सुथरी मुलायम सी मटर लेनी है, और उसको जो है एक उबलते हुए पानी में जिसमें ढेर सारा नमक डाला गया हो उसके अंदर डाल देना है, और तुरंत उसको निकाल कर ठंडे पानी में डाल देना है। जब आप ऐसा करते हो और उसके बाद ठंडे पानी से भी छानकर एक पॉलिथीन बैग में टाइटली जो उसको पैक कर देना है ताकि उसके अंदर हवा का कोई अंश ना रहे, और उसको फ्रीजर में रख देना है। जब आप ऐसा करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, यानी कि हिमनीकरण कहते हैं, और उससे हमारी वो मटर जो है आराम से गर्मियों तक चल जाती है। हम उसको छोटे छोटे पैकेट्स बनाते हैं, और छोटे छोटे पैकेट्स निकाल निकाल कर हम किसी भी सब्जी वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अलग अलग मेथड से जो है आप किसी भी फूड आइटम की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हो। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो आपको याद रखना है। तो हमारा जो 9th चैप्टर है वो बहुत छोटा सा है, और यही सारी चीजें जो उसके अंदर बताई गई हैं। आई होप ये सारे चैप्टर आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट 3rd मॉड्यूल है हमारा स्पेस मैनेजमेंट, यानी कि जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि आखिर किस तरीके से हम अपने स्थान को प्रबंधन कर सकते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी करने के लिए जो हमारे घर के अंदर स्पेस होता है हमें किस तरीके से मैनेज करना है, ताकि हर एक चीज जो है अच्छी लगे और स्पेस जो है हमारे घर में काफी अच्छे से बना रहे और हम हर एक्टिविटी को अच्छे से कर पाए। तो इस मॉड्यूल के अंदर टोटल 6 चैप्टर है। 1st चैप्टर जो है हमारा इस मॉड्यूल
का 12th चैप्टर, वो हमें देखना है इसके अंदर, स्पेस मैनेजमेंट। तो स्पेस मैनेजमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई, एक्टिविटी करते हैं घर में, उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से उसका संगठन करना है, वही सारी चीजें हमारी स्पेस मैनेजमेंट में आती है। अब जितने भी हमारे पारिवारिक क्रियाकलाप होते हैं, यानी कि जो भी हम फैमिली एक्टिविटीज करते हैं, उसके अंदर हमारा स्पेस मैनेजमेंट किस तरीके से काम आता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा भोजन पकाने का कार्य क्षेत्र, यानी कुकिंग एरिया जो होता है हमारा। अभी कुकिंग एरिया कौन सा होता है, जो हमारे घर के अंदर किचन होता है वो हमारा कुकिंग एरिया होता है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि हम वहाँ पर कौन सी एक्टिविटी करते हैं किचन के अंदर, कुकिंग की एक्टिविटी करते हैं, तो उसको हमें बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा ताकि हर एक काम सरलता से हो सके और जल्दी हो पाए। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ लगेज, यानी कि जो भी हमारा सामान होता है किचन के अंदर, जो भी डिब्बे वगैरह होते हैं, मसालों के डिब्बे, आटे का ड्रम वगैरह, ये सारी चीजें जो है हमारी किचन के अंदर होती है, अब हमें उन सारे सामानों को किस तरीके से व्यवस्थित करना है ताकि हमारा टाइम और एनर्जी दोनों सेव हो सके। तो उसके अंदर यही चीज एक्सप्लेन करी गई है कि जितनी भी चीजें हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज होती है, यानी कि हम किचन के अंदर डेली उन सामान को यूज करते हैं, अब डेली कौन कौन सा सामान यूज किया जाता है, जैसे चीनी, चाय पत्ती, आटा वगैरह, ये चीजें जो है रोज यूज होती है, मसाले थोड़े बहुत जो होते हैं वो रोज यूज होते हैं, तो हमें उन सामानों को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से हम उसको इजिली जो है निकाल सके। उसी तरीके से जो हमारी हैवी आइटम्स होते हैं, जो भारी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि चावल का ड्रम, आटे का ड्रम, उन सारे ड्रम को नीचे की साइड रखना चाहिए, किचन के जो बॉटम होता है वहां पर रखना चाहिए। जिन सामान को हम बहुत कम यूज करते हैं, जो हमारे बार बार यूज में नहीं आते हैं, ऐसे सामान को हमें थोड़ी ऊंचाई पर रखना चाहिए, लिटिल हाइट जो है थोड़ी ऊंचाई पर रखना चाहिए, ताकि हम जब हमें उसकी जरूरत हो तो हम उसको उतार सके। अब हमें उस सामान की बार बार जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए हम उसको हाइट पर रख सकते हैं, लेकिन जिन सामान की हमें बार बार जरूरत पड़ती है, उसको हमें आसानी से जहां से हम उसको उतार सकते हैं, ऐसे स्थान पर रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका प्रिपरेशन एरिया। फर्स्ट था हमारा क्या, सामान की व्यवस्था, सेकंड है हमारा तैयारी का क्षेत्र। अभी तैयारी का क्षेत्र कौन सा है, जब खाना बनाने से पहले जो हम तैयारी करते हैं, सब्जियों को काटना, चावल को बीनना, आटे को छानना, आटे को गूंदना, ये सारी हमारी प्रिपरेशन के अंदर आएगा। उसके लिए हमें एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ पर टेबल हो और हमारा मनोरंजन भी साथ साथ हो जाए, तो हम टीवी देखते हुए या जो डाइनिंग टेबल होती है उस वाले एरिया में जाकर, लिविंग रूम में जाकर जो है हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स को, इन सारी चीजों को कटिंग कर सकते हैं, खाने से पहले की जो भी तैयारियां होती हैं उन सारी चीजों को हम वहां पर कर सकते हैं। इसी के आगे पॉइंट बताया है, यदि कमरा छोटा है तो क्या करेंगे, खाने की मेज रखने का स्थान कम है तो फोल्डिंग मेज दीवार पर लगाई जा सकती है। अगर हमारे पास स्पेस इतना ज्यादा नहीं है कि क्या नहीं हो सकता, वहां पर मेज रखने की कोई जगह नहीं है, तो हम रखने वाली मेज को ना लाकर, बल्कि जो वॉल के अंदर मेज फिक्स हो जाती है, ऐसी फोल्डिंग मेज को लाएंगे जिसको जो है हम आसानी से प्लेस कर सकते हैं, और उससे हमारा स्पेस भी जो है ज्यादा घिरेगा नहीं और स्पेस खुला खुला रहेगा। तो खाने का एरिया जो होता है उसके अंदर हम इस तरीके से जो है अपने स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। आगे यहाँ पर जो हमारी रसोई होती है उसके कुछ प्रकार बताए हैं, ये तीनों प्रकार आपको पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट जो हमारा टाइप है उसका वो है वन वॉल किचन, यानी कि एक दीवार की रसोई। जो काफी छोटे घर होते हैं उन घरों के अंदर ऐसा देखा जाता है कि एक दीवार वाली किचन होती है, यानी सिर्फ एक ही दीवार पर स्लिप बनी हुई है, वहीं पर गैस वगैरह, उसी के ऊपर जो है मसाले के डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं, इस तरीके से जो है इसका व्यवस्था की जाती है। इसके अंदर सिर्फ एक ही दीवार काम आती है। नेक्स्ट जो हमारी टू वॉल्ड वाली जो किचन है उसके अंदर जो आमने सामने हमारी स्लिप होती है और ऊपर जो है इसके कबर्ड वगैरह होते हैं, जहां पर काफी बड़ा स्पेस होता है किचन के लिए, उन जगहों पर इस तरीके से आमने सामने की दो दीवारों में रसोई की व्यवस्था जो है की जाती है, उसी को हम दो दीवार की रसोई कहते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है एल शेप्ड किचन। अभी एल शेप्ड किचन क्या होता है, जिसके अंदर हमारी इस तरीके से एल शेप में जो है किचन की जो है स्लिप वगैरह बनी होती है। मोस्टली जो है घर के अंदर इसी तरीके की स्लिप देखी जाती है। एक स्लिप पे हमारा स्टोव वगैरह है, चूल्हा वगैरह है, वो रखा जाता है, बाकी की इस साइड में सिंक वगैरह लगा हुआ होता है, कबर्ड बने हुए होते हैं। तो इस तरीके से जो है व्यवस्था की जाती है एल शेप्ड वाली किचन के अंदर। ठीक है, तो ये तीन प्रकार होते हैं और तीनों जो है अपने अपने स्पेस के अकॉर्डिंग जो है बनाई जाती है घरों के अंदर। अगर ज्यादा बड़ा घर है तो वहां पर जो है इस तरीके से टू वॉल वाली किचन बनाई जा सकती है, और बहुत छोटा घर है तो एक वॉल वाली किचन बनाई जा सकती है, और अगर नॉर्मल सा घर है तो वहां पर एल शेप वाली जो है आप कह सकते हो किचन को बनाया जा सकता है। आगे है हमारा स्लीपिंग एरिया, शयन कक्ष। पहला एरिया हमने कौन सा पढ़ा, अपना किचन का पढ़ा, ठीक है, रसोई घर का पढ़ा, जहां पर हम किस तरीके से अपने स्पेस को मैनेज कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा एरिया है वो है स्लीपिंग एरिया, जहां पर हम आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, दिन भर से थक कर जहां से भी आते हैं। अब वो एरिया किस तरीके का होना चाहिए, अगर हमारा घर काफी ज्यादा छोटा है, बेडरूम जिसको हम कहते हैं या शयन
कक्ष जिसको हम कहते हैं, अगर वो काफी ज्यादा छोटा है तो वहाँ पर ऐसे बेड यूज करने चाहिए जिसके नीचे जो है हमारे एक के नीचे एक बेड हो, इस तरीके से। जैसे हॉस्टल वगैरह में बेड आपने देखे होंगे मूवीज वगैरह में, आपको पता ही होगा, जिसके अंदर मंजिल के रूप में बेड होते हैं, ठीक है, उसमें सीढ़ी लगी होती है, या इस तरीके से फोल्डिंग बेड वाले भी जो आते हैं उनका भी जो है यूज किया जा सकता है। जो सोफे वगैरह होते हैं उसको खींच देते हैं तो सोफा बन जाता है दिन में, और रात में हम उसको बेड बना सकते हैं। पलंग दीवार में लगे हुए या फोल्डिंग भी हो सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे बेड भी आते हैं जिनको जो है दीवार में ही फिक्स किया जाता है, हमने रील्स वगैरह में इसको बहुत ज्यादा देखा है, काफी ज्यादा ऐसे यूज किया जाता है ताकि स्पेस को जो है काफी मैनेज किया जा सके, स्पेस जो है काफी अच्छे से निकल कर आ सके रूम के अंदर, अगर रूम छोटा है तो। बड़े रूम में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़े रूम में ऐसा होता है कि बेड होना चाहिए जब भी अच्छा लगता है रूम। अगर हमारे पास जगह कम है तो हम ऐसा कर सकते हैं, यही चीजें जो है सिखाई जा रही है हमें होम साइंस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से फोल्डिंग बेड वगैरह का यूज कर सकते हैं, और जो हमारे डबल बेड होते हैं जीना लगा हुआ होता है उसको हम एक बेड का यूज अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो है उनको यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके के जो है हम अपने स्लीपिंग एरिया को मैनेज कर सकते हैं। अध्ययन कक्ष, अभी हमारा अध्ययन कक्ष जो स्टडी रूम होता है उसको हमें किस तरीके से रखना चाहिए। अब स्टडी रूम तो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर बहुत कम शोर शराबा है, बिल्कुल भी जो है डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि पढ़ाई ध्यान से करने के लिए बिल्कुल भी वहाँ पर शोर नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पर नेचुरल और जो आर्टिफिशियल लाइटिंग होनी चाहिए वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर वहाँ पर लाइटिंग नहीं होगी तो अंधेरे में पढ़ने से आंखें खराब हो जाती हैं। किताबें रखने के लिए जो शेल्फ बनाई जाएगी वो वॉल वाले कैबिनेट जो होते हैं या अलमारियां जो होती हैं वो बनवाने चाहिए, इससे अलमारी जो है हमारी दीवार में ही फिक्स हो जाएगी, उसके लिए अलग से कोई हमें स्पेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस तरीके से इसका प्रबंधन कर सकते हैं अध्ययन क्षेत्र का। आगे यहाँ पर है हमारा एक कमरे वाला घर। अब अगर किसी का वन रूम हाउस है कि एक ही कमरे के अंदर किचन है, बेड है, सब चीज एक ही रूम के अंदर, आप उसको किस तरीके से सामान वगैरह फर्नीचर का यूज करना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। अगर किसी का घर इस तरीके का होता है ओनली जिसके अंदर वन रूम है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, वहाँ पर फर्नीचर ऐसे यूज होने चाहिए जो मल्टीपर्पज के लिए हो, यानी बहुउपयोगी हो, जिसका काम सिर्फ एक ही काम ना हो, उस फर्नीचर से हम दो तीन काम कर सकते हो, इस तरीके से होना चाहिए। जैसे जो हमारा पलंग या सोफा होता है वो फोल्डिंग वाले होने चाहिए, ठीक है, दिन में हमने उसे खड़ा कर दिया, रात में हमने उसे बिछा लिया, उसी को हमने डाइनिंग टेबल के लिए यूज कर लिया, स्टडी टेबल के लिए यूज कर लिया, साथ ही साथ हम उस पर सो भी गए, इस तरीके के कुछ जो है फर्नीचर का यूज किया जा सकता है मल्टीपर्पज के लिए। ऐसे ही फर्नीचर जो है यूज करने चाहिए वन रूम हाउस के अंदर। आगे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर मेकिंग वर्क सेंटर्स मोर इफेक्टिव, यानी कि जो हमारा कार्य क्षेत्र होता है जहाँ पर हम काम करते हैं बैठकर उसको बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ हमें यहाँ पर सुझाव देने हैं, कुछ गाइडलाइन देनी है। सबसे पहले जो सुझाव है वो ये है कि जो भी हमारा काम करने का एरिया होता है वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन होना चाहिए, तभी जाकर जो है वहाँ पर अच्छे से वर्क किया जा सकता है। साथ ही हमारा जो स्टोरेज रूम होता है उसके लिए जो भी अलमीरा वगैरह बनवाई जाती है वो किस तरीके की होनी चाहिए जो वॉल में फिक्स हो, ठीक है, जिससे हमारा फ्लोर खराब नहीं होगा। साथ ही बचा हुआ जो भी सामान वगैरह होता है उसको जो है स्टोर करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, जो सीढ़ियां होती है हमारी, जीने जो बने होते हैं उसके नीचे कुछ जो है लकड़ी की अलमारी वगैरह बनवा सकते हैं, या अपने बाथरूम वगैरह के ऊपर टांड निकलवा सकते हैं जिसके ऊपर हम कूड़ा कबाड़ा ऐसे वेस्ट सा जो सामान होता है ना, हमारे घरों में ज्यादातर ये चीजें होती भी हैं, हम उसको जो है एक जगह पर रख देते हैं। तो इस तरीके की जो है चीजें की जा सकती है जिससे हमारा कार्य क्षेत्र प्रभावशाली बन सके, इस तरीके से हमारा सामान इधर उधर बिखरेगा नहीं, और साथ ही साथ हमारे स्पेस जो है फर्श खुला खुला लगेगा, फ्लोर के ऊपर स्पेस काफी ज्यादा होगा, सब चीजें जो है दीवार में फिक्स कर देंगे, अलग अलग जगह अलमीरा बना देंगे तो सामान बिखरा हुआ नहीं रहेगा और वो काफी ज्यादा प्रभावशाली लगेगा, इफेक्टिव लगेगा, ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस मैनेजमेंट एंड एस्थेटिक, यानी आखिर हमारा स्थान प्रबंधन और सौंदर्य के बीच में क्या संबंध होता है। अब इन दोनों का संबंध तो बहुत गहरा है, क्योंकि जब हम स्पेस मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर सुंदरता भी इम्पोर्टेंस रखती है, यानी कि मायने रखती है। अब ऐसा थोड़ी हम कहीं पर भी कोई भी अलमीरा बना देंगे, कुछ भी रख देंगे, नहीं, हमें इस तरीके से स्पेस मैनेजमेंट करना है ताकि वो देखने में भी एस्थेटिक लगे, सुंदर लगे, तो उसको काफी ज्यादा सुगम और आकर्षक बनाने के लिए हमें स्पेस मैनेजमेंट को उस तरीके से ही लागू करना होगा, चाहे वो हमारे कमरे के अंदर हो गया, चाहे वो हमारे रसोई के अंदर हो गया, चाहे वो हमारा बाथरूम हो गया, यानी जिसको हम स्नानागार कहते हैं। अब रसोई के अंदर हम कोई भी चीजें कहीं पर भी नहीं रख सकते हैं, उस देखने में अच्छे
अच्छी भी लगे इस तरीके से जो है हमें उसका प्रबंधन करना है, उसका मैनेजमेंट करना है। कुछ यहाँ पर टिप्स दी गई हैं अट्रैक्टिव बनाने के, वही चीजें हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी टिप्स की। फर्नीचर का आकार जितना हमारा साइज है एरिया का उसी अकॉर्डिंग रखना चाहिए वर्क प्लेस का जो साइज। अगर वर्क प्लेस हमारा ज्यादा बड़ा है, जैसे किचन अगर बड़ा है तो हमें किस तरीके की किचन बनानी है वो मैंने आपको बताया कि आमने सामने स्लीप वाली जो किचन होती है उसको बना सकते हैं, टू वॉल वाली किचन बना सकते हैं अगर स्पेस ज्यादा है। अगर स्पेस कम में हम किचन बना देंगे जिसमें स्पेस नहीं है लेकिन आमने सामने हमने किचन बना दिया तो इससे हमारा स्पेस भी खराब होगा, साथ ही साथ देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा वो। तो हमें जितना साइज है हमारा वर्क प्लेस का उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ के फर्नीचर को, वहाँ की चीजों को हमें बनाना चाहिए। अब छोटे रूम में हम बहुत सारा फर्नीचर भर ले तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। वही मैंने आपको बताया कि अगर रूम हमारा छोटा सा, हमने सोफा भी रख लिया, टेबल भी रख लिया, अलमीरा भी रख ली, अब सारी जगह घिर गई तो लोग जब आएंगे जाएंगे वहाँ पर तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तो डिफिकल्टी होगी वहाँ पर आने जाने में। तो इस तरीके से हमें जो है हर एक फर्नीचर को अरेंज करना चाहिए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ से आने जाने में। जो भी कार्य क्षेत्र होते हैं, चाहे किचन हो गया, हमारा बेडरूम हो गया या स्टडी रूम हो गया, वहाँ पर जो कलर्स है इस तरीके से यूज करने चाहिए ताकि वो उसकी ब्यूटी को और ज्यादा इनहेंस कर दे, और ज्यादा उसको बढ़ा दे। क्योंकि कलर क्या करता है, अगर कोई छोटी जगह है तो उसको बड़ा भी दिखा सकता है और बड़ी जगह को छोटा भी दिखा सकता है। तो कलर का जो हमें सिलेक्शन करना होता है जिस समय, वो बहुत सोच समझ के करना होता है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि हल्के रंग जब हम यूज करते हैं अपने घर के अंदर उसे थोड़ा बड़ा बड़ा जो है महसूस होता है। वेंटिलेशन की प्रॉपर जो है आप कह सकते हो सुविधा होनी चाहिए ताकि जो है हवा आसपास होती रहे, वरना घुटन सी महसूस होगी। लाइटिंग पूरी होनी चाहिए, खिड़की होनी चाहिए घर के अंदर, ये सारी चीजें भी जो है आप बता सकते हो जिससे हमारे वर्क प्लेस जो है और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। और घर के अंदर हम कुछ प्लांट वगैरह भी लगा सकते हैं जो हमारी घर की ब्यूटी को और ज्यादा जो है इनहेंस कर देती है, बढ़ा देती है। इस तरीके से हम कुछ सुझाव दे सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर था स्पेस मैनेजमेंट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 13 चैप्टर हमारा इनकम मैनेजमेंट। अब इसके अंदर हमें अपनी इनकम को किस तरीके से मैनेज करना है, उसका प्रबंधन करना है वो देखेंगे। अभी हमने देखा अपने स्पेस मैनेजमेंट को, अब इनकम मैनेजमेंट है। जो हमारी इनकम होती है यानी जो मनी होती है वो क्या करती है, जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हमारी उनकी पूर्ति के लिए जो हम किसका उपयोग करते हैं, अपने पैसों का यूज करते हैं, मनी का यूज करते हैं अपनी नीड और जो भी हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। पैसे के अलग अलग जो है सोर्सेज होते हैं, जैसे नौकरी और व्यवसाय, सर्विस बिजनेस, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, या तो हम किसी के यहाँ काम कर सकते हैं या अपना कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जहाँ से हमें क्या मिलेगी, मनी मिलेगी। तो पैसे की ये पहला सोर्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा, जैसे हम अगर हमारा घर बड़ा है, अगर उसका कोई पार्ट जो है खाली है तो हम उसको जो है रेंट पे दे सकते हैं, ठीक है। वहां से हमें जो है किराया आएगा, तो किराया आएगा यानी पैसा आएगा। कोई सर्विस दे रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और हम खर्च कर रहे हैं तो हमारा पैसा जब वहां पे जा रहा है। या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट के लिए हम अपने कुछ पैसों को बैंक में जमा करा सकते हैं जिससे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा वहां से। साथ ही अगर हमारे घर के अंदर अगर हम कुछ चीजों को का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे हम खिलौने या कोई वस्त्र बनाकर बेच सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं, तो इन सारी चीजों से भी क्या आ सकती है, मनी आ सकती है। अब ये आय प्रबंधन क्या है, आय प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि यानी कि जो हमारी पारिवारिक इनकम होती है, पारिवारिक इनकम कहाँ कहाँ से आती है ये मैंने बता दिया आपको। कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है, कोई कहीं पर जॉब कर रहा है, या किसी का बिजनेस है, घर को किराए पर लगाया है, बैंक में जो है इंटरेस्ट के लिए उन्हें पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इन जगहों से जो है वहां पर उसके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। अब उस पैसे को कैसे मैनेज करेगा वो क्या कहलाता है, हमारा आय प्रबंधन कहलाता है। क्योंकि जब हम अपने पारिवारिक आय को नियोजित तरीके से मैनेज करते हैं, यानी कि उसको बहुत ही कंट्रोल रहकर हम उसको खर्च करेंगे अपनी फैमिली इनकम को, तो वही हमारा इनकम। और साथ ही साथ जो भी हमारे एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो भी हमारा खर्च वगैरह है, उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, उसके ऊपर रोक लगाना, यानी कि हमारे पास पैसा है तो अंधाधुन हम उसको खर्च कर रहे हैं, नहीं, हमें उसे वेस्ट ही नहीं करना है, डू नॉट वेस्ट मनी, और हमें ऐसी चीजों पर ही उसको जो है लगाना है जो फैमिली के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी है, जरूरी है, उन्हीं सामानों को हमें खरीदना है। यानी कि हमने कोई सी भी चीज खरीद ली, मार्केट गए, जो मन करा हम उसको खरीद के लिए आए, नहीं, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा ऐसी जगहों से हमें सामान खरीदना चाहिए जहां पर बहुत ही प्राइस जो है हमारा रीजनेबल हो, चीपर प्राइस हो, साथ ही जो है होलसेल अगर मार्केट है तो उन
जगहों पर जाकर उन दुकानों से हमें सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि हमें सामान जो है सस्ता मिलता है वहां से। तो हमें जो है अपने पैसे को बहुत ही सोच समझकर खर्च करना चाहिए। समय, ऊर्जा, ज्ञान व कौशल का उपयोग खरीदारी में करना चाहिए, यानी कि हमें अपना टाइम और एनर्जी और साथ ही साथ अपने ज्ञान नॉलेज को जो है यूज करते हुए ही अपने पैसे को खर्च करना चाहिए। जब भी हम शॉपिंग पर जाते हैं तो हमें बहुत ही अपना टाइम देना पड़ता है, कहाँ से खरीदना है, क्या खरीदना है, हमारी एनर्जी तो वेस्ट हो ही रही होती है, जा ही रही होती है। साथ ही साथ हम नॉलेज के साथ अपने स्किल के साथ जो है देखते हैं कि कहाँ पर अच्छा सामान मिल रहा है, कहाँ पर रीजनेबल प्राइस है, उन जगहों पर जाकर हम खरीदते हैं। तो इससे जो है हम क्या कर रहे हैं, अपनी इनकम को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि हवा में उड़ाते जा रहे हैं। तो इन दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, आय का प्रबंधन कर सकते हैं। आगे है हमारा सप्लीमेंटिंग इनकम, यानी कि कुछ आय के अलग अलग तरीके हैं जिससे हम अपनी आय को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये तो हमारे इनकम के जो सीधे सीधे सोर्सेस थे वो हमने देखे, अब हम अलग तरीके जो है हमारे, यानी कि जिससे हम अपनी इनकम को और ज्यादा जो है बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जिसको हम अंशकालिक कार्य के नाम से भी जानते हैं। जो हम काम कर रहे हैं, अगर किसी की नौकरी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके अलावा भी हम घर पर कुछ और काम भी कर सकते हैं खाली टाइम के अंदर, वही हमारा पार्ट टाइम जॉब कहलाता है, जो हमारा बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है, सीमित समय के लिए किया गया कार्य ही हमारा अंशकालिक कार्य कहलाता है, जिस काम को हम खाली समय में करते हैं। और इससे क्या होता है, हमारी फैमिली इनकम के अंदर कुछ और इनकम जो है ऐड हो जाती है, जो अच्छा सोर्स है हमारा, जिससे हमारी फैमिली इनकम और ज्यादा इंक्रीज हो पाएगी। आगे इसके यहाँ पर कुछ तरीके बताए हैं, जैसे जो वुमेन होती है घर के अंदर वो क्या कर सकती है, अचार बनाकर उसको बेच सकती है, मुरब्बा वगैरह, जैम वगैरह बनाकर, या उनको सिलाई कढ़ाई वगैरह में इंटरेस्ट है तो उन एम्ब्रॉयडरी वगैरह को कर वो क्या कर सकती है, लोगों को दे सकती है, या सिलाई कर सकती है घर में बैठे बैठे, ट्यूशन दे सकती है बच्चों को। साथ ही साथ जो है जो भी हमारे पास संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको बहुत ही हमें सोच समझकर खर्च करना चाहिए। यानी हम अपनी इनकम को कहीं पर भी खर्च कर रहे हैं, अपनी टाइम एनर्जी, उन सभी चीजों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जो है अच्छी तरीके से हम उसको आगे भविष्य के अंदर यूज कर पाए। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पारिवारिक आय को बढ़ाने का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है, यानी कि जो हम अपनी पारिवारिक आय को बढ़ा रहे हैं सप्लीमेंट्री इनकम को ऐड कर, तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी फैमिली इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, ये मकसद नहीं है, बल्कि इसका मेन मकसद क्या है कि हम अपनी जो खर्च है उसको क्या कर सकें, कम कर सकें, ताकि क्या हो सके, हमारी आगे आने वाले समय में हम उस पैसे का यूज कर पाएं। उसके लिए हम अपने एक्सपेंडिचर जो है उनको जो है क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कटौती करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको कम कर देंगे। जैसे अब ये नहीं होना चाहिए कि खाना बनाने का मन नहीं है तो लो भाई हम होटल चले गए, कुछ करने का मन नहीं है तो घूमने चले गए, जब मन कर रहा है बाहर जा रहे हैं, जब मन कर रहा है जो है घूमने जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, बाहर से खाना खा रहे हैं, रोज जो है कुछ ना कुछ सामान जो है जोमेटो स्विगी इन सब चीजों का हम यूज कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों से जो है हमारी इनकम जो है वो वेस्ट होती है, कि हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं। तो उन सारी चीजों को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, ताकि हमारी जो फैमिली इनकम है जो आगे के समय के लिए जो है बच सके, आपको याद रखना है। साथ ही जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं उनको हमें खुद ही करना चाहिए, ना कि उसके लिए हमें मेड वगैरह रखनी चाहिए या अलग बाहर से कोई काम नहीं करवाना चाहिए। हो सकता है तो हमें वो सारे काम अपने आप खुद ही करने चाहिए, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सभी को। नेक्स्ट आगे पॉइंट हमारा सेविंग। सेविंग तो हम सभी जानते हैं और ज्यादातर हम सभी लोग सेविंग करते हैं, जो भी हमारी करंट इनकम होती है उसमें से कुछ पैसा हम आगे आने वाले समय के लिए बचा लेते हैं, ताकि अगर उस समय में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ जरूरत होती है पैसों की, तो हम उस सेविंग को जो है वहां पर यूज कर सकते हैं अपनी इनकम में से कुछ पैसे को बचा लेने से। अब इसका कारण क्या है, क्यों हम आखिर सेविंग करते हैं, रीजन क्या है, तो रीजन हम सभी जानते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर हम उसको यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा जरूरत है तो, या अचानक जो है कोई ऐसी स्थिति आ गई है, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से हमें काफी सारे पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो हम क्या करेंगे उस समय, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अभी से जो है हम क्या करेंगे, सेविंग करेंगे, अपने करंट इनकम में से ही सेविंग करते रहेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम उस सेविंग को खर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है पारिवारिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अगर परिवार के किसी भी सदस्य को बाहर पढ़ने जाना है, अचानक कोई बीमार पड़ गया है, क्योंकि ये अचानक हो जाता है कभी भी, तो उन सब चीजों के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, सेविंग करती रहनी चाहिए। और अगर हमें अपना खुद का बिजनेस खोलना है, स्वरोजगार खोलना है, इसीलिए हमें क्या
करना पड़ेगा, पहले पैसों की बचत करनी पड़ेगी, सेविंग करनी पड़ेगी इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए जो है सेविंग करना जरूरी है, ये आप बता सकते हो, उसके कुछ कारण है। आगे हमारा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। निवेश भी जो है काफी लोग करते हैं, अलग अलग जगहों पर जो है काफी ज्यादा संस्थाएं हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन जगहों पर जो है क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है ताकि उनके पैसों के अंदर कुछ वृद्धि हो पाए, कुछ पैसों की बचत हो पाए और उसके अंदर साथ साथ वृद्धि भी हो जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। अब आगे जो हमारा पॉइंट है वो ये बताया कि हमारी टू टाइप्स के जो है प्रोविडेंट फंड होते हैं। सबसे पहला है GPF, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड, और सेकंड को कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जो हमारा सामान्य भविष्य निधि है, वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं यानी जो सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए जो है GPF बनाया जाता है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति पर ब्याज सहित पूरी राशि मिलती है, यानी कि अगर किसी की व्यक्ति की बेटी की शादी है या कोई घर बनाना है, कोई लोन लेना है, तो उस समय में जो है ये पैसा जो है GPF के स्कीम के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है उनको। साथ ही जो हमारा लोक भविष्य निधि है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो स्वरोजगार में लगा व्यक्ति क्या कर सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या डाकघर के अंदर खाता खुलवा सकता है और वहां पर किस्तों में अपने पैसे जमा करेगा और जब उसको जरूरत पड़ेगी उस राशि को जो है वो निकाल सकता है। ये आप याद रख सकते हो PPF के अंदर। तो सामान्य भविष्य निधि है वो उन लोगों के लिए है जो कहीं पर काम करते हैं, जिनको सैलरी मिलती है। PPF जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो खुद का अपना काम कर रहे हैं, जिनका खुद का कारोबार है, वो लोग ये करते हैं डाकघर के अंदर या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो है वहाँ पर वो कुछ राशि को जमा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वहाँ से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इंश्योरेंस या जिसको हम कहते हैं बीमा पॉलिसी करवाई जाती, जिससे जो है उनको उनका आगे की जो जीवन है वो सुरक्षित रहे। इसके अंदर भी क्या होता है, एक व्यक्ति क्या करता है बीमा करवाने के बाद कुछ किस्तों पर जो है वो पैसा जमा करता रहता है, रकम भरता है, जिसको प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। बीमा पॉलिसी के माध्यम से प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से हुई हानि के लिए सुरक्षा मिलती है। अब हमने अगर बीमा पॉलिसी करवा रखी यानी इंश्योरेंस करवा रखा है किसी चीज का, तो अगर उसमें कोई भी हानि हो जाती है कोई भी नेचुरल डिजास्टर से या कुछ भी किसी भी वजह से, वो सामान टूट गया, कुछ भी हो गया या हम बीमार पड़ गए, अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो इससे क्या होगा, हमें वहां से पैसा मिलेगा। पैसा कब मिलेगा, जब हमने किस्तें भरी होंगी हर महीने, तो किस्त जो होती है उसको हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना। तो ये सारा जो नुकसान होता है वो कंपनी जो है उसकी भरपाई करती है, वही हमारा होता है इंश्योरेंस। अब ये बीमा के कुछ प्रकार हैं हमारे, जैसे जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ये इसके टू टाइप्स हैं, ये आपको याद रखना है। तो जो हमारा सामान्य बीमा होता है, इसके अंदर जो जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसके वजह से जो हमें नुकसान होगा उस पाई जो है सामान्य बीमा में की जाती है। और जीवन बीमा तो हम जानते हैं, जो व्यक्ति के मरने के बाद उसको पैसा दिया जाता है, लाइफ टाइम वो जो है उसका प्रीमियम भरेगा, किस्त भरेगा, उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स को वो पैसा दिया जाता है, उसी को हम लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पर है हमारा फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जितने भी हमारे वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो क्या क्या फैसिलिटीज देती हैं, क्या सुविधाएं देती हैं। तो काफी सारी सुविधाएं जो है प्रोवाइड की जाती है हमारी वित्तीय संस्थाओं के द्वारा। सबसे पहली सुविधा होती है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड का नाम तो हम सभी ने सुना होगा कि जो मन कर रहा है मार्केट में जाके सामान लाओ और बाद में जो है उसका पैसा आपका भरा जाएगा, आपको बिना पैसों के सामान ला सकते हो, तो वो इसको हम प्लास्टिक मनी भी के नाम से भी जानते हैं। एक कार्ड होता है हमारा, बस वो आपको जो है वो कार्ड वहां पर दिखाना होता है या स्कैन करना होता है, उससे जो है आप कोई भी सामान खरीद सकते हो, बाद में जो है आपके बैंक से जो है पैसे को वो काट लिया जाता है। तो एक कार्ड होता है, प्लास्टिक का होता है, इसलिए इसको प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जा सकता है। हम कहीं पर भी जाके कोई भी चीज को परचेज कर सकते हैं, हर एक चीज को इस सर्विस का जो है अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड के अंदर क्या होता है, ये नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है वो है ई बैंकिंग। आजकल हम सभी यूज करते हैं, ऑनलाइन जो हम अपने पैसों को ट्रांसफर करते हैं वही हमारा ई बैंकिंग है, जिससे हमारा जो है फोन जो है लिंक होता है हमारे बैंक अकाउंट से। कहीं पर भी हम किसी भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं, अपने जितने भी हमारे बिल्स वगैरह होते हैं उनको जो है हम भर सकते हैं, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, या कोई भी हमें टिकट वगैरह बुक करनी है, उन सभी चीजों को हम बुक कर सकते हैं। इस तरीके की सर्विसेज जो है ई बैंकिंग से हम जो है अच्छे खासे जो है एडवांटेज को हम उठा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ जो है आपको पॉइंट याद रखने हैं, जो हमें किसके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, और इनका हम बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज भी करते हैं, लाभ भी उठाते हैं इन सब चीजों का। और जो इंश्योरेंस वगैरह बताया वो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट 14 चैप्टर है एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। अब इसके अंदर हमारी जो ऊर्जा होती है उसको हमें किस तरीके से संरक्षण करना है, वो ये चीज हम इसके अंदर देखेंगे। दो तरीके की हमारी ऊर्जा होती है, अक्षय और
अपरंपरागत, रिनेबल एंड नॉन रिनेबल। अब ये रिनेबल और नॉन रिनेबल जो एनर्जी है वो होती क्या है? तो जो अक्षय ऊर्जा होती है वो ऐसी ऊर्जा होती है, यानी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको हम बार बार जो है प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी नॉन रिनेबल जो एनर्जी है उसको जो हम है लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे जो जीवाश्म ईंधन हो गया, लकड़ी हो गया, परमाणु ईंधन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली हो गई, ये सारी ऐसी एनर्जी है जो एक टाइम तक जो है सीमित रहेंगी, उसके बाद खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये सारी चीजें जो है खत्म नहीं होंगी, इसलिए जो है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ऊर्जा संरक्षण क्या है? जैसे जो हमारी सेम एक्टिविटीज होती हैं उनको जो है हम करने के लिए अलग अलग एनर्जीज, अलग अलग रिसोर्सेज का यूज ना कर, बल्कि एक ही रिसोर्सेज का यूज कर हम अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। जो एनर्जी होती है चाहे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगी, अब घर के अंदर हम किस तरीके से एनर्जी को बचा सकते हैं? जैसे बिजली जो है हम कैसे बचाएंगे घर के अंदर, क्या करते हैं? अगर रूम में कोई नहीं है, फटाफट से रूम का पंखा बंद कर देते हैं, कूलर बंद कर देते हैं। तो यही बात है आपको इसके अंदर लिख देनी है कि अगर कमरा खाली है तो फटाफट से क्या कर देना चाहिए, स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, लाइट पंखा दोनों का। साथ ही साथ जो है ऐसी ट्यूबलाइट्स का यूज करना चाहिए जो काफी ज्यादा हमारे वोल्टेज वाले ना हो, कम वोल्टेज वाले हो, जिससे क्या हो वो बिजली की खपत कम कर पाए। और पंखों के अंदर जो रेगुलेटर लगे होते हैं वो ऐसे रेगुलेटर हो जो इलेक्ट्रॉनिक वाले रेगुलेटर हो। जो पुराने जो रेगुलेटर हम यूज करते हैं पंखे के अंदर वो काफी ज्यादा जो है क्या करते हैं, बिजली को खाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को खपत करते हैं। और जितना हमारी पारिवारिक आवश्यकता है, जितनी बड़ी हमारी फैमिली है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहिए। यानी फैमिली चार जनों की और फ्रिज खरीद लिया इतना बड़ा सा नहीं, अगर फैमिली छोटी है तो छोटा फ्रिज खरीदो, फैमिली बड़ी है तब बड़ा फ्रिज खरीदो। तो फैमिली के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, रेफ्रिजरेटर का यूज करना चाहिए। फ्रिज को बार बार ओपन नहीं करना चाहिए, तो हमारी मम्मी हमसे दिन में 10 बार कहती है। अपने फ्रिज को नियमित रूप से हमें क्या करना चाहिए, डीफ्रिस्ट करना चाहिए, यानी उसके अंदर जो बर्फ वगैरह जम जाती है उसको हमें जो है निकाल देना चाहिए बार बार उसका बटन दबाकर। साथ ही साथ जो हम अपनी वॉशिंग मशीन है उसको हम एक दो जोड़ी कपड़ों के लिए हम बार बार मशीन का यूज नहीं करना चाहिए, हमें कपड़े हाथों से भी धोने चाहिए, हाथों से धोना भी जरूरी है। तो वॉशिंग मशीन का हम प्रॉपर यूज नहीं कर सकते हैं, उस पर ज्यादा से ज्यादा हम लोड नहीं डाल सकते हैं। उसी तरीके से हमें नहाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर गर्म पानी चाहिए तो गीजर का यूज ना कर हमें क्या करना चाहिए, बाल्टी में गर्म पानी कर यूज करना चाहिए। गीजर और फव्वारे से जब हम पानी गर्म करके नहाते हैं, एक तो पानी भी हम वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है बिजली चलाकर हम करते हैं तो उससे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी खराब होती है, वेस्ट हो रही होती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसी तरीके से चाहे हम एसी अगर हमारे रूम के अंदर है उस एसी को बंद कर देना चाहिए अगर रूम में कोई नहीं है तो, और हेयर ड्रायर वगैरह, वैक्यूम क्लीनर वगैरह जो होता है उन सभी चीजों को हमें बहुत कम यूज करना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरत है तब हम यूज करें। मिक्सी वगैरह छोटे से छोटी चटनी वगैरह बनाने के लिए ले भाई मिक्सी का यूज कर लिया, कभी कभी जो है सिल्वर भी चटनी बनाकर खा लिया करो, टेस्टी होती है वो। आगे है हमारा ईंधन का बिल में कटौती। अब जो है हमारे जितने भी हम किस तरीके से अपने फ्यूल को किस तरीके से बचा सकते हैं, अब जो हमारे स्टोव होते हैं कुकिंग वाले उसके अंदर अगर ISI मार्क है तभी हमें उन्हें यूज करना चाहिए, उन्हीं चिन्ह वाले चूल्हों को जो हमें यूज करना चाहिए क्योंकि वो ईंधन की खपत कम करते हैं। साथ ही साथ जो है जो पुराने समय से चलते आ रहे जो लकड़ी वाले जो चूल्हे होते हैं हमें उनका यूज ना कर ट्रेडिशनल जो हमारे स्टोव है उनका यूज ना कर जो धुआं रहित हमारे जो चूल्हे होते हैं स्मोकलेस जो चूल्हा होता है उनको हमें यूज करना चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं हमारे ईंधन की बचत करते हैं, ये आपको याद रखना है। और हो सके तो हमें सोलर कुकर का यूज करना चाहिए क्योंकि सोलर कुकर हमारा जो सन लाइट होती है उससे चलता है, तो हमारी ईंधन की बचत अपने आप इससे हो जाएगी। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारा बर्तन छोटा है तो हमें उसे छोटे चूल्हे पर ही यूज करना चाहिए उस बर्तन का। अब हम छोटे चूल्हे पे बड़ा बर्तन रख देंगे तो बहुत देर तक गर्म होने में ही वो जो है हमारा ईंधन ज्यादा चला जाएगा बर्तन, और खाना बनना तो दूर की बात है। तो इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी है, ये हमारी डेली लाइफ की बातें, हम ऐसा करते भी हैं, रोज करते हैं हम यही सारी चीजें। साथ ही साथ जब रात को हम जब सोने जाते हैं उससे पहले जो रेगुलेटर जो होता है हमारे सिलेंडर के अंदर जो स्विच होता है उसको हमें ऑफ कर देना चाहिए, उसको ऑन करके नहीं सोना चाहिए। हो सकता है सिलेंडर लीक हो रहा हो, गैस निकल रही हो, तो हम ऑफ कर देंगे तो हमारे लिए ही बेटर रहेगा वो। साथ ही साथ जो है जैसे ही हमारा खाना बन जाता है और सभी फैमिली मेंबर्स को वो खाना खिला देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर हमें 10 बजे खाना खाना है तो 7 बजे हमने खाना बनाकर रख दिया, अब 10 बजे खाना खाने जब फैमिली के जो मेंबर्स आए हैं तो वो कह रहे हैं भाई हमें तो गरम गरम खाना चाहिए। अब जो हमने 7 बजे खाना बनाया था उस समय में भी जो हमने क्या करा, अपने फ्यूल को बर्बाद करा खाना बनाने में, अब उसको गरम करने में हम बर्बाद करेंगे। तो जिस समय में हमने खाना बनाया है उसी समय में सबको खिला देना चाहिए। तो अगर 10 बजे फैमिली के मेंबर्स खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें खाने को बनाना चाहिए ताकि वो गरम गरम हम उसे परोस सके। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमें अपने खाने को बनाना चाहिए ताकि हमें उसको दोबारा से गरम करने की जरूरत ना पड़े। ये आपको ध्यान
रखना है। तो घर में आप इस तरीके से जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी और अपने फ्यूल को जो है बचा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि आखिर किस तरीके से कार्यस्थल या जो हमारा फार्म होता है, वर्क प्लेस होता है, उसके अंदर हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम खेतों की बात करते हैं, उसके अंदर जो हमारा ट्रैक्टर यूज होता है, जो किसान ट्रैक्टर का यूज करते हैं खेत को जोतने के लिए, तो वो ट्रैक्टर जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके मेंटेनेंस एकदम सही होनी चाहिए, ट्रैक्टर खराब नहीं होना चाहिए। अगर ट्रैक्टर खराब होगा तो उसके अंदर जो है हमारे डीजल की खपत काफी ज्यादा होगी, तो डीजल का जो है अच्छे तरीके से हम यूज कर पाए तो उसके लिए हमें ट्रैक्टर की मेंटेनेंस पर ध्यान देना होगा, कहीं से ट्रैक्टर के अंदर लीकेज ना हो रही हो उस चीज का ध्यान देना होगा। साथ ही साथ ट्रैक्टर को जब चला रहे हो तो उसके अंदर गियर वगैरह जो दिए जाते हैं वो प्रॉपर तरीके से देने चाहिए, और जब ट्रैक्टर का हम यूज ना कर रहे हो तो उसके इंजन को जो है बंद कर देना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। अब कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारा एसी वगैरह लगा होता है और फोटोकॉपी की मशीन वगैरह होती है, लिफ्ट वगैरह होती है, तो हमें उनका कब और कैसे यूज करना है ये तो आप सभी को पता है। अगर हम ऑफिस में हैं, अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं अपने कंप्यूटर का, तो हमें उस कंप्यूटर को बंद कर देना चाहिए। हम क्यों चलाएंगे अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को बंद करना चाहिए। अगर कमरे में कोई नहीं है हमारे, जैसे हम घर के अंदर अपने स्विच को बंद कर देते हैं लाइट एंड पंखे के, सेम उसी तरीके से जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर भी हमें क्या कर देना चाहिए, फैन एंड जो लाइट की जो स्विच होते हैं उनको ऑफ कर देना चाहिए। जो एयर कंडीशन होता है हमारा, एसी होता है, उसको ऑफ कर देना चाहिए, ज्यादा टाइम तक हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए। और जो हमारे फोटोकॉपी की मशीन है उसको हमें अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को निकालने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, उन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और जो हमारे सीढ़ियां होती है उनका हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, ना कि लिफ्ट का हमें यूज करना चाहिए। ये बातें आपको याद रखनी है। अब ये हमारे कार्यस्थल की बात हो गई। सड़कों पर जो हमारे सड़कें होती हैं, रोड होते हैं, वहां पर आपको क्या देखना है, देखिए जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, अगर आपके पास कार है बाइक है तो ठीक है आप जा रहे हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो जो है ईंधन बचेगा, साथ ही साथ जो है पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो जो पूल कार होती है उनका यूज करना चाहिए, और आपस में सभी लोगों को जो है उसका जो भी खर्चा होता है उसको बांट लेना चाहिए। तो काम पे जाते वक्त हमें ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए जिससे हम क्या कर सके, हम आपस में अपने जो भी पैसा खर्च हुआ है उस कार को इस जगह से उस जगह जाने में, उसके पैसों को बांट लेना चाहिए दो तीन जनों के बीच में। तो इससे आपको याद रखना है, रोड पे हम ये यूज कर सकते हैं पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें पेट्रोल और सीएनजी को किस तरीके से बचाएंगे, तो धीमी व स्थिर गति से गाड़ी चलाएं, यानी बहुत तेज जो है फास्ट हमें स्पीड में अपनी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, स्लोली स्लोली करनी चाहिए, जो एकदम सही हो, प्रॉपर हो। बार बार क्लच या ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। टायरों में हवा के उचित दाब को बनाए रखें, इससे भी जो हमारा पेट्रोल और सीएनजी बचता है, अगर टायर अगर प्रॉपर तरीके से जो है उसके अंदर हवा नहीं होगी तो हमारा उससे भी सीएनजी वगैरह खत्म होने लग जाती है। हर कीमत पर ईंधन के रिसाव को रोकें, यानी कि हमें ये देखना चाहिए कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रही हमारे फ्यूल की, तो अगर ऐसी हो रही होगी तो वो बर्बाद हो रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा ना, ताकि हमारा ईंधन बर्बाद ना हो। साथ ही हमें जो है इंजन को सही दशा में ही रखें, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। रोड पर यानी सड़क पर जब हम कहीं जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वहां पर इन बातों को हमें ध्यान रखना है। अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो ये ध्यान रखना है, दूसरों की अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं तो हमें जो है पूल कार वगैरह होती है उनका यूज करना चाहिए। अब आगे ये है हमारा पॉइंट कि आखिर हम अपने फ्यूचर में किस तरीके से जो है हमारे पास अलग अलग विकल्प है, अलग अलग ऑप्शन है एनर्जी के, वो हमें बताना है। तो कई सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं फ्यूचर के, वो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा बायोगैस, सेकंड है सौर ऊर्जा, थर्ड है हमारा जल विद्युत, फोर्थ है हमारा पवन ऊर्जा। अब ये सारी जितनी भी एनर्जी है वो क्या है, हमारी फ्यूचर की जो हमारी एनर्जी है वो कहलाती है। अब ये बायोगैस क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। बायोगैस जो भी हमारा वेस्ट कूड़ा कबाड़ा होता है घर से जो निकलता है, हमारा जानवरों का जो गोबर होता है, उसको जो है एक जगह पर इकट्ठा कर उनको अच्छी तरीके से ढक दिया जाता है, ताकि वो हवा के जो है कॉन्टेक्ट में ना आए, एयर के कॉन्टेक्ट में, वहाँ पर हवा की अनुपस्थिति होनी चाहिए, एयर की अब्सेंस होनी चाहिए, उसको ढक के अच्छी तरीके से रख देना चाहिए, और उसके अंदर से जो गैस निकलेगी ना, फिर वही हमारा जो क्या कहलाती है बायोगैस, जिसको हम मिथेन के नाम से भी जानते हैं। और ये मिथेन गैस जो है वो किस किस के लिए यूज होती है, वो मिथेन गैस से जो है लाइट भी जलाई जा सकती है, लाइट को प्रकाशित करने के लिए, साथ ही साथ घर के अंदर जो कुकिंग की जाती है उसके लिए भी जो है मिथेन गैस का यूज किया जाता है। तो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो भी गोबर वगैरह होता है जानवरों का, या कूड़ा कबाड़ा हमारे घर का जो होता है जिससे खाद बनती है, वही तो हमारा बायोगैस है, तो वही हमारा कहलाता है। अब इसके लाभ क्या है, अब बायोगैस करने से लाभ क्या होते हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज यही होता है कि इससे जो खाद है वो बनती है, और जो फर्टिलाइजर होता है हमारे पैदावार जो होती है फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह की, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, खाद हमारी अच्छी खासी बन जाती है,
हमारे घर का कचरा होता है और जो गाय वगैरह का या जानवरों का जो भी हमारा उनका वेस्ट होता है यानी उनका गोबर होता है। और आगे नेक्स्ट जो है हमारा इसका लाभ का पॉइंट वो ये है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा क्लीन हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। जब आस पास के जितना भी कूड़ा कबाड़ा है, जो भी गोबर वगैरह है, उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा एक जगह, तो वहां पर जो है गंदगी नहीं होगी, इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा, आस पास की सामान सारी चीजें जो है साफ सुथरी रहेंगी और साथ ही साथ जो है हमारे जंगल कटने से भी बच जाएंगे, हमारा फॉरेस्ट जो है वो सेफ हो जाएगा। वरना हमें क्या करना पड़ेगा, लकड़ियों से जो है ईंधन बनाना पड़ेगा और बायोगैस का अगर हम यूज करते हैं तो वो चीज जो है बच जाएगी हमारी। और जितने भी जो हमारे इसके बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं बायोगैस के, तो उसके अंदर जो है काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, इसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जितने भी मजदूर या लेबर वगैरह जो होते हैं उनको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एम्प्लॉयमेंट की। आप कुछ पॉइंट्स को याद कर सकते हो, 4-5 पॉइंट है हमारे, जो हमारे किसके पॉइंट है, लाभ के पॉइंट है, एडवांटेज आप कह सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सोलर एनर्जी। अब ये जो हमारा सौर ऊर्जा होता है वो काफी ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि इससे हमारा कोई पोल्यूशन नहीं होता है और ये एकदम मुफ्त होता है, क्योंकि वो कहां से हमें अवेलेबल हो रहा है, हमारे डायरेक्ट सनलाइट से हमें जो है मिलता है, तो ये बिल्कुल मुफ्त होता है। साथ ही इसके अंदर से कोई पोल्यूशन वगैरह, कोई ऐसी गैस नहीं निकलती है जो हमारे एयर को खराब करे, हमारे एनवायरमेंट को खराब करे। और ये सदियों से जो है उपलब्ध है और इसका आज की जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज के आने से हमने अलग अलग मेथड से जो है उसका यूज करने लग गए हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है सोलर कुकर। सोलर कुकर के अंदर खाना वगैरह बनाया जा सकता है, जिससे ईंधन की बचत होती है, साथ ही साथ बिजली की जो बचत होती है वो भी बच जाती है और उसको हम आराम से जो है इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। एक चकोर सा एक बॉक्स होता है और उसके अंदर जो है खाना वगैरह बनाया जा सकता है, तो ईंधन की अच्छी खासी बचत हो जाती है सोलर कुकर से। नेक्स्ट है हमारा सोलर लाइटिंग यानी सौर प्रकाश। अभी सौर प्रकाश क्या होता है, आपने कई जगहों पर देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनकी छतों पर जो है सोलर पैनल लगाए जाते हैं। फिर सोलर पैनल से क्या होता है, जो हमारी सनलाइट होती है वो विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल जाती है, यानी वो बिजली को उत्पन्न कर देती है और वहां पे जो भी चीजें हो रही होती हैं, चाहे वो लाइट का काम हो, बिजली का कोई भी काम होगा, वो सारी चीजें जो है सौर प्रकाश के द्वारा ही की जाती है। सोलर लाइटिंग से ही वहां से लाइटिंग आती है और वहां पर अच्छी खासी चीजें चल जाती है और बिजली की खपत भी नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं आता है वो जब हम सोलर पैनल लगवा लेते हैं। तो ये सारे कुछ जो है आप कह सकते हो फायदे हो जाते हैं। सौर ताप की बात करें यानी सोलर हीटिंग, सोलर हीटिंग से क्या होता है, जब हम सोलर पैनल वगैरह लगवाते हैं और उससे जो बिजली उत्पन्न होती है, जब हम उससे अगर पानी वगैरह गर्म करते हैं तो वो एकदम प्यूरिफाई हो जाता है, पानी जो है खारे पानी से मीठा पानी में बदल जाता है। साथ ही साथ जो है बड़े बड़े होटल्स वगैरह के अंदर, बड़े बड़े बंगलों वगैरह के अंदर क्या है, इस चीज का यूज किया जाता है हमारे सोलर हीटिंग का, जिससे जो है वहां पे गर्म वगैरह पानी का यूज किया जाता है। ये चीजें आप बता सकते हो। और बड़े बड़े जो मशीन वगैरह जहां पर लगी होती है, जहां पर भट्टी की जरूरत होती है, वहां पर जो है इस तरीके की सोलर हीटिंग वगैरह का पावर लगाया जाता है, जिससे बिजली की खपत ना हो, इलेक्ट्रिसिटी खपत ना हो और आसानी से जो है इन सारी चीजों को सुखाया जा सके, बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जल ऊर्जा। जल ऊर्जा क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी नदियां हैं वहां पर जो है आपने सुना होगा बांध बनाए जाते हैं, तो बांध क्यों बनाए जाते हैं वहां पर, ताकि उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जा सके। तो वही जो पानी से जो हमारी बिजली उत्पन्न की जाती है, जिसको हम हाइड्रो पावर या पानी बिजली के नाम से भी जानते हैं, वो बिजली हमारी क्या कहलाती है, हाइड्रल एनर्जी, या इसको हम जल ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। जब पानी का काफी ज्यादा तेज बहाव होता है, फ्लो होता है, और उसके अंदर जो है टर्बाइन लगा दिया जाता है, जिससे हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी से वो जो है हमारी एक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के अंदर जो है बदल जाती है, तो वो हमारी जल विद्युत कहलाती है, जिसको हम जल ऊर्जा कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इसके लाभ आप बता सकते हो। पवन ऊर्जा जो हमारी विंड एनर्जी होती है, पंखे टाइप में जो है चीजें आपने देखी होगी लगाई जाती है, जिससे जो है तेज हवा से ऊर्जा जो है पैदा की जाती है, एनर्जी को जो है प्रोड्यूस किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं। वही सेम काइनेटिक एनर्जी से वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। ये भी हमारे बिल्कुल मुफ्त और जो है बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री हमारी कंप्लीट एनर्जी होती है। और जो हमारी विंड मशीन होती है काफी ज्यादा जो है सस्ती होती है, उसको हम सस्ते प्राइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और इसका मेंटेनेंस भी जो है काफी ज्यादा आसान होता है, रखरखाव होता है आसान, और ये इसको जो है सस्ते में हम खरीद सकते हैं और बिल्कुल प्रदूषण से जो है मुक्त है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विंड एनर्जी, जल एनर्जी, जितनी भी चीजें हैं हमारी, ये आपको याद रखना है, और इनमें से जो आपके 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
अब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या पढ़ना होगा, जो हमारा पर्यावरण है हम उसे किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं और हम ऐसी कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। तो पर्यावरण निम्नीकरण की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि हमारे आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों को पर्यावरण निम्नीकरण कहते हैं। अब ये निम्नीकरण क्या होता है, जिससे हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं हमारे आसपास जिसके वजह से हमारा पर्यावरण खराब होता जा रहा है। अब इसके कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, क्या रीजंस हैं, इसके कौन कौन से कॉजेज हैं? सबसे पहला जो हमारा कारण है, अनियंत्रित जनसंख्या में वृद्धि। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है वो अनकंट्रोल्ड हो रहा है। यानी हम देखते हैं पहले जो था जनसंख्या के मामले में जो चाइना था वो सबसे नंबर वन देश था, लेकिन आज के समय में जो भारत है सबसे नंबर वन देश बन गया है जनसंख्या के मामले में। तो अनियंत्रित जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से रिसोर्सेज की जो खपत है वो बढ़ती जा रही है। लोग ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण खराब होगा, हमारा बेरोजगारी वगैरह ये भुखमरी ये तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी तो खराब हो रहा है। पॉपुलेशन के वजह से लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता है? तो इसी वजह से सरकार हमें बार बार ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमें जो अपनी फैमिली है वो 3 या 4 लोगों तक ही सीमित रखनी चाहिए, ताकि जो है ज्यादा जनसंख्या ना बढ़े। लेकिन फिर भी जो है हमारा अनकंट्रोल जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से पर्यावरण निम्नीकरण हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है हमारा टेक्निकल एडवांसमेंट। जैसे जैसे हमारी तकनीक बढ़ती जा रही है, उसका विकास होता जा रहा है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है उतना ज्यादा हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारा पर्यावरण अच्छा था, टेक्नोलॉजी आने के बाद भी तकनीकी विकास होने के बाद पर्यावरण खराब हुआ है। जैसे पहले फोन वगैरह नहीं थे, उनकी रेडिएशन नहीं, तो कितनी ज्यादा हमारे आसपास चिड़िया वगैरह चहचहाती थी। आज चिड़िया दिखती ही नहीं है। क्यों नहीं दिख रही है शहरों के अंदर? क्योंकि तकनीकी आ गई है वहां पर, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। नेक्स्ट है हमारा पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी जो दोषपूर्ण कृषि विधियां हैं उसके वजह से भी पर्यावरण निम्नीकरण हो रहा है। अलग अलग जो किसान है वो ऐसे ऐसे कीटनाशक वगैरह का यूज कर रहे हैं, ऐसी खादों का यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का वो खराब हो रहा है। लोग इसको जब खा रहे हैं तो बीमार भी पड़ रहे हैं, साथ ही साथ जो है उनकी भूमि भी खराब हो जा रही है। उसकी जो उर्वरता है यानी जो फर्टिलाइजेशन है मिट्टी का, वो फर्टिलाइज नहीं रह रही है, क्योंकि उनका जो पुअर एग्रीकल्चर जो आप कह सकते हो दोषपूर्ण जो विधि है उसके वजह से ऐसा हो पा रहा है। नेक्स्ट है अनुचित व्यक्तिगत आदतें। हमारे खुद की पर्सनल ऐसी ऐसी हैबिट्स हैं जिसके वजह से हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है। हम कहीं पर भी जाते हैं कहीं पर भी कचरा फेंक देते हैं। बॉयज को हम देखते हैं वो कहीं पर भी जो है मतलब कि टॉयलेट वगैरह करने लग जाते हैं, मल वगैरह त्यागने लग जाते हैं। तो वो सब क्यों हो रहा है? इसके वजह से पर्यावरण खराब हो रहा है। यही हमारे कुछ रीजन है, आप बता सकते हो पर्सनल हैबिट्स है हमारी कुछ ऐसी जिसके वजह से हम खुद अपना एनवायरमेंट खराब कर रहे हैं। एनवायरमेंट को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ तो इंसानों का ही है, ठीक है, साथ ही प्रकृति कुछ नेचुरल भी ऐसी चीजें हो रही हैं, बाढ़ भूकंप वगैरह, जिसके वजह से हमारा पर्यावरण धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो ये रीजंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंट बता दिए हैं। अब ये जो हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है उसके कुछ जो है इफेक्ट पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सॉइल के ऊपर, यानी जो हमारी भूमि होती है, सॉइल डिग्रेडेशन जो होता है हमारा लैंड का वो क्या है? जैसे कि हमारी भूमि कैसे खराब होती है, कृषि के अंदर एक किसान जो है गलत तरीके की खाद वगैरह अलग अलग कीटनाशक का यूज करता है, उसके वजह से मिट्टी खराब हो जाती है, मिट्टी की उर्वरता खराब हो जाती है, उसकी उपजाऊ की जो क्षमता होती है वो खराब हो जाती है एक सॉइल की, जिसके वजह से उसके ऊपर उगने वाली जो अलग अलग वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं, अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उससे उसको कैंसर जैसी डिजीज हो सकती है, नर्व सिस्टम उसका खराब हो सकता है। साथ ही साथ मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिट्टी को फर्टिलाइज करके रखते हैं वो खत्म हो जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि अलग अलग कीटनाशक का यूज किया जाता है किसानों के द्वारा, उसी के वजह से जो है वो खराब हो जाते हैं और भूमि का अपरदन हो जाता है, भूमि हमारी खराब हो जाती है। तो ये प्रभाव पड़ता है पर्यावरण निम्नीकरण का सबसे पहला। सेकंड है हमारा वन उन्मूलन, जो हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जंगलों को जो है खत्म करते जा रहे हैं। पहले आसपास कितने पेड़ वगैरह हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको खत्म किया जा रहा है। तो जंगल में रहने वाले जानवर चिड़िया ये सारी चीजें जो है वो तो लुप्त होते ही जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स हैं। साथ ही साथ जो है उसका मनुष्य के ऊपर भी जो है प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके वजह से आसपास के एरियाओं के अंदर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, बाढ़ आ रही है, भूमि का अपरदन हो रहा है, हमारी भूमि जो है उपजाऊ नहीं रह रही है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसकी वो काफी ज्यादा रिड्यूस होती जा रही है, एबिलिटी जो है वो खराब होती जा रही है, समुद्रों का जो पानी है जो जल है उसका स्तर जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है। ये सब इन रीजंस की वजह से हो रहा है। आप इस चार्ट को ही अगर याद कर लेते हो, जो डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम आपकी
बुक से ही लिया गया है, अगर आप इसको भी याद कर लेते हो तो आप इजिली जो है उन सभी पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, वरना आप इस डायग्राम को बना के भी आ सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा वायु निम्नीकरण। अब वायु कैसे हम खराब कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारा पर्यावरण जो हम खराब कर रहे हैं, उसके अंदर क्या आता है, सबसे पहला हमारा अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो अलग अलग कारखानों और जितने भी हमारे व्हीकल्स वगैरह होते हैं, वाहन होते हैं, उनसे निकलने वाले जो धुएं होते हैं लाइक हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऊपर जाते हैं और पहली बारिश के साथ जब ये नीचे आता है तो वो हमारा एसिड रेन कहलाता है, ठीक है, अम्लीय वर्षा कहलाता है, जो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है हमारी त्वचा वगैरह के लिए। नेक्स्ट है हमारा ओजोन लेयर, जो हमारा ओजोन परत है उसके अंदर काफी ज्यादा कमी आ रही है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो है ओजोन लेयर से वो घिरी हुई है। ओजोन लेयर क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली जो हमारी हानिकारक किरणें होती हैं लाइक हमारी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उनको रोकती है पृथ्वी तक आने से, लेकिन जो हमारी ये लेयर है इसके अंदर अगर होल होने लग जाएगा, ये जो है उसके अंदर कमी आने लग जाएगी, तो जो हमारी अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो डायरेक्ट क्या हो जाएंगी, हमारी पृथ्वी के ऊपर आ जाएंगी, और पृथ्वी पे कौन रहता है, हम लोग रहते हैं, और हमारे को अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती है, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां, आंखों की समस्या हो सकती है, अंधापन, मोतियाबिंद, ऐसी समस्या जो है लोगों को हो सकती है, हम उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अंधाधुंध तरीके से जो है टेक्नोलॉजी का विकास भी कर रहे हैं, साथ ही अपने आसपास के वातावरण को जो है खराब करते जा रहे हैं। खराब करने की वजह से हमारी वायु खराब हो रही है, वायु खराब होने की वजह से जो लेयर है उसके अंदर कमी आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, इसी साल आप देख लो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है इस बार जून जुलाई के अंदर, वो क्यों हो रहा है, ताप के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है, हमने जंगल काट दिए हैं, पेड़ पौधे काट दिए हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे गर्मियां ना पड़े, क्यों नहीं पड़ेगी गर्मी, हमारे वायुमंडल के अंदर मिथेन, CO2 इस तरीके की गैसें जो है वहां पर एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर चुकी हैं, इसके वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे हमारा पूरा पर्यावरण नाश होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर नेचुरली कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो वहां पर प्रेजेंट होती हैं, और वो क्या करती हैं, जो सूरज की जो किरणें हैं उसको ऑब्जर्व करती हैं, लेकिन जब वो ऑब्जर्व करने की क्षमता ही हम खत्म करते जा रहे हैं, जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैस जो है हमारा खत्म होता जा रहा है, मिथेन गैस वगैरह उसके अंदर एंटर करता जा रहा है, जो ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है उसको खत्म कर देता है, जिससे हमारा पूरा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसके अंदर काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट हो जाती है, बढ़ जाता है वो काफी ज्यादा, और उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये कुछ जो है हमारे निम्नीकरण हो जाता है वायु के अंदर। नेक्स्ट है हमारा वाटर का यानी पानी का, जिसको हम जल कहते हैं। पानी किस तरीके से हम खराब कर रहे हैं, गंदा कारखानों से निकला हुआ केमिकल है, नदियों के अंदर अलग अलग आसपास के जो तालाब वगैरह होते हैं उनके अंदर जो है कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है, के वजह से जो हमारा पूरा वाटर खराब होता जा रहा है, और उसी पानी को अगर हम पीते हैं तो हमें अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी इतनी सारी चीजें हो रही हैं जो हम खुद कर रहे हैं, कोई और तो आके नहीं कर रहा है पर्यावरण खराब, हम लोग, हम मनुष्य खुद कर रहे हैं ये सारी चीजें, और इसी के ऊपर जो है कुछ स्टेप उठाए हैं हमारी जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या है, सबसे पहले है लोगों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए बाध्य करना, यानी जो उनकी फैमिली प्लानिंग है उसको किस तरीके से उन्हें अपनी फैमिली प्लान करनी है उसके लिए उसको काफी ज्यादा इंसिस्ट करना कि इतने ही लोग जो एक फैमिली के मेंबर होने चाहिए। साथ ही जो हमारा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो कूड़ा कबाड़ा होता है हमारे घर से निकलता है, सिस्टमेटिक तरीके से हमें उसको व्यवस्थित करना है, उसको डिस्पोजल करना है, वो हमें सिखाया गया है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये कदम उठाया गया है, और जो हमारा पर्यावरण निम्नीकरण हो रहा है उसके कारण और प्रभाव की शिक्षा दी जा रही है, यानी लोगों को एजुकेट किया जा रहा है कि आखिर जो हम एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और ये किन किन कारणों से हो रहा है। जब लोगों को ये पता चलेगा, वो अवेयर होंगे, एजुकेटेड होंगे उस चीज को लेकर, तो वो चीजें जो है कम होने लग जाएंगी। साथ ही जो हमारा बायोगैस हो गया, हमारा सोलर कुकर हो गया, इन सब चीजों को यूज करने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है, ताकि लोग जो है इन सारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इससे जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, गैसेस वगैरह, हमारा एनवायरमेंट वगैरह सब चीजें जो है सेव भी रहेंगे, हमारा एनवायरमेंट साफ सुथरा रहेगा, खराब भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो भी हमारी प्राकृतिक खाद होती है, हेल्दी होती है, ऐसी खाद का जो है यूज करना चाहिए, ताकि जो है अच्छी खासी प्रोडक्शन हो सके, और ऐसी कृषि विधि को नहीं अपनाना चाहिए जो गलत तरीके से उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स वगैरह यूज कर जो हमारे फूड वगैरह है बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं जब हम उन सबको खाते हैं, हमें अलग अलग तरीके की बीमारियां हो
सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनको काटना नहीं चाहिए। अपने जितने भी आसपास के पेड़ पौधे हैं उनकी देखरेख हमें खुद करनी चाहिए, इस चीज के लिए मोटिवेट किया गया है और हमें आसपास जो अपने पेड़ों को लगाना चाहिए। इस चीज के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो कई सारे स्टेप उठाए हैं उसने और अलग अलग तरीके के लीगल कानून बनाए हैं ताकि लोग इस चीज के लिए अवेयर हो, जागरूक हो। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा एक पॉइंट दिया गया है इको मार्क का। इको मार्क हमारा जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ होता है वो इस तरीके का मार्क होता है हमारा, वो हमारा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं जिसको यूज करने से हमारे एनवायरमेंट को बिल्कुल भी जो है आप कह सकते हो नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये कब बनाया गया था, भारत सरकार के द्वारा फरवरी 1991 के अंदर इसको लाया गया था। ये इसके अंदर जो भी चीजें होती हैं वो बिल्कुल इको फ्रेंडली होती हैं, जो बिल्कुल भी हमारे पर्यावरण हमारे एनवायरमेंट को खराब नहीं करती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमें एनवायरमेंट को किस तरीके से बचा के रखना है, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हम अपने एनवायरमेंट को खुद खराब कर रहे हैं और हमें खुद को ही बीमारियां हो रही हैं, तो इन सबको हमें रोकना होगा जल्द से जल्द, वरना ये सारी चीजें दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। तो मेन जो कुछ की पॉइंट्स है वो ही हर चैप्टर के मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपका हर एक चैप्टर जो है जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए। जिन्होंने अभी तक चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या है, वो सिर्फ इन वीडियो को देख ले, इन चैप्टर्स के अंदर जो की पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उसको समझ ले, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको इजिली लिख कर आ पाओगे। इन नोट्स का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इनको अपने आप से भी रीड आउट करोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट 16 चैप्टर की, हाउस होल्ड इक्विपमेंट, घरेलू उपकरण। जो हम अपने घर के अंदर किसी भी काम को करने के लिए जिन जिन चीजों का प्रयोग करते हैं वो सारे चीजें घरेलू उपकरण कहलाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इक्विपमेंट्स कहते हैं। जो भी चीजें हम काम करते हैं अपने घर में उसकी सहायता के लिए जो चीजें होती हैं वो इक्विपमेंट्स हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिकल और दूसरा होता है हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल। जो हमारा इलेक्ट्रिकल होता है वो बिजली से चलने वाले जो भी सामान होते हैं, लैक्टोस्टर हो गया, मिक्सर हो गया, वाटर हीटिंग हो गया, रॉड, आयरन, ये सारी चीजें हमारी बिजली से चलने वाली होती हैं। जो बिजली से नहीं चलती हैं वो क्या चीजें होती हैं, वो कौन से उपकरण होते हैं, जैसे रसोई घर के अंदर सामान वगैरह रखा गया है वो हमारे यूज के लिए है लेकिन वो इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल नहीं है यानी वो नॉन इलेक्ट्रिकल है। उसी तरीके से जो हाथ से चलने वाली है, पैरों से चलने वाली सिलाई मशीन होती है, जो मोटर से चलने वाली सिलाई मशीन होती है वो तो हमारी इलेक्ट्रिकल होगी, बिना मोटर से चलने वाली होती है वो वाली सिलाई मशीन हो गई, खाना पकाने का चूल्हा हो गया या हमारा सो कुकर हो गया, ठीक है, ये सारे कौन से हमारे नॉन इलेक्ट्रिकल के अंदर आएंगे। अब हमें जितने भी ये हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स होते हैं उनका सिलेक्शन किस तरीके से करना है, चुनाव, पहला जो सिलेक्शन होगा वो होगा जरूरत पर आधारित, यानी जो हमारी नीड है उसके ऊपर बेस्ड होगा। हमें कोई भी ऐसी अननेसेसरी चीज को नहीं खरीदना चाहिए जिसकी हमें जरूरत ना हो। जिन जिन चीजों की हमें काफी ज्यादा जरूरत होती है, नीड होती है, उन्हीं इक्विपमेंट्स को हमें खरीदना चाहिए। हमें कभी ये सोच के कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, अरे ये तो मेरे दोस्त के पास था, अरे ये तो मेरे पड़ोसन के पास था तो मैं खरीद लेती हूँ। तो हमें कभी भी जो है ऐसे सामानों को नहीं खरीदना चाहिए दूसरों को देख कर, हमेशा उन्हीं सामान को खरीदना चाहिए जिनकी हमें नीड होती है। सेकेंड जो सिलेक्शन करेंगे वो हम करेंगे टाइम, मनी एंड एनर्जी सेविंग के लिए, यानी ऐसे सामानों को जो हमारी एनर्जी और हमारे टाइम को बचा सके उन उपकरणों को हम खरीदेंगे, लाइक प्रेशर कुकर हो गया, मिक्सर हो गया हमारा, उनको खरीदेंगे। और ऐसे सामान को जिसमें जो है ज्यादा ईंधन भी हमारा खर्च ना हो, ज्यादा हमारा फ्यूल खर्च ना हो, एनर्जी खर्च ना हो, उन सामानों को हम खरीदेंगे। सफाई में सरल यानी इजिली जो है वो क्लीन हो जाए, ऐसा सामान खरीद लिया फटाफट से हम उसको साफ ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो सामान खराब है। जिस उपकरण को हम फटाफट साफ कर सकते हैं लाइक स्टील के बर्तन वगैरह हो गए, उनको हम सरलता से साफ कर सकते हैं तो उनको मेंटेन करना जो है काफी इजी रहता है। तो ऐसे सामान को हमें खरीदना चाहिए। बिक्री के पश्चात सेवा यानी जब आफ्टर सेल जो है उसकी सर्विस हमारे आसपास ही होनी चाहिए। अगर कुछ भी उस उपकरण के अंदर जो खराबी आ जाती है तो ऐसा नहीं दुकानदार बोले अरे अब तो तुम ले गए हो, अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम ले गए, तुम्हारा काम है कुछ भी हो अब इसके अंदर कैसे भी सही करो, नहीं, उसके अंदर जो भी कमी है उसको रिपेयर करेंगे या उसका रिप्लेसमेंट करेंगे, वो सर्विस भी होनी चाहिए जो भी कोई हम इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तब। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना चाहिए, उनका सिलेक्शन करना चाहिए। आगे है हमारा घरेलू उपकरण का सही उपयोग, यानी जो हमारे हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से यूज करना,
रहना चाहिए। तो जब भी हम कोई इक्विपमेंट्स लेके आते हैं घर के अंदर, कोई भी सामान लेके आते हैं, तो उसके साथ जो है एक इंस्ट्रक्शन बुक दी गई होती है, तो हमें उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से उस सामान को हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सभी बिजली के उपकरणों के तार और प्लग ठीक से लगे हों। जब हम उस सामान को यूज कर रहे हों तो उसके जो भी प्लग वगैरह हैं, वायर वगैरह हैं, वो अच्छे से लगे हुए होने चाहिए और कहीं से भी जो इलेक्ट्रिसिटी लीक ना कर रही हो, ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम उसकी सफाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, तो उसको जो है हमें हटा देना चाहिए प्लग में से, ताकि जो है हमें कभी भी उससे करंट वगैरह ना लगे। ये आपको ध्यान रखना है उसको जब हम उपयोग करते हैं तब। नेक्स्ट है हमारा देखभाल और रख रखाव, यानी केयर एंड मेंटेनेंस। अब जब हम सामान खरीद के लेके आए हैं तो उसका केयर और मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाएगा, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें कभी भी अपने गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। अगर हमारे हाथ या पैर गीले हैं तो इससे हमें क्या हो सकता है, झटका लग सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा रसोई में काम करते समय नायलॉन या सिंथेटिक के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जब हम नायलॉन एंड सिंथेटिक के क्लोथ्स को पहनते हैं तो इससे आग पकड़ने की जो है संभावना बढ़ जाती है और वो काफी ज्यादा चिपक जाते हैं हमारे स्किन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा जो भी हम बर्तन वगैरह यूज करते हैं उसके हैंडल जो है वो वुडन के होने चाहिए। अगर वुडन के नहीं है तो उसके लिए जो हमारी साफी वगैरह या कोई कपड़ा होता है जिसे हम पकड़ सके उस सामान को, उस तरीके से हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा जो सिलाई मशीन होती है उसको हमें रोज साफ करना चाहिए उस मशीन को, साथ ही उसके अलग अलग जो भी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर रेगुलर हमें ऑयलिंग करनी चाहिए, उसके अंदर तेल डालना चाहिए ताकि वो अच्छे से चल सके। अगर हम तेल वगैरह नहीं डालेंगे तो वो जो है अटक अटक के चलेगी, जम जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा नॉनस्टिक बर्तन को प्रयोग करते समय जो है धातु के चम्मच और करछियों का प्रयोग ना करें। जब भी हम नॉनस्टिक जो भी हमारा कोई भी सामान होता है, बर्तन होता है, उसके ऊपर कभी भी हमें स्टील के जो चम्मच वगैरह होते हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही जो हमारा सख्त जूना होता है उसका भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको धोने के लिए आराम से सॉफ्ट कपड़े से हमें उसको साफ करना चाहिए ताकि उसकी जो नॉनस्टिक परत है वो खराब ना हो। एक बार मेरी मौसी ने क्या करा था, जो नॉनस्टिक तवे को जो है जूने से धो दिया था तो वो खराब हो गया तवा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आगे हमारा, आखिर हम किस तरीके से ईंधन को यानी फ्यूल को और अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, वाटर को हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उसको सेव करके रख सकते हैं। तो ईंधन की बात करते हैं हम अपनी, कि सबसे पहले हम अपने फ्यूल को किस तरीके से बचा सकते हैं, कि हम अपने घर के अंदर जो है कभी भी जब खाना पकाएं तो प्रेशर कुकर में पकाएं और साथ ही साथ उस बर्तन को हम ढक दें। जहां हम ढक कर खाने को पकाते हैं और प्रेशर कुकर में पकाते हैं, ईंधन की खपत जो होती है वो कम होती है। अगर हम खुले में पकाते हैं तो काफी ज्यादा हमारा ईंधन खराब हो जाता है। उसी तरीके से जो है सी अगर प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बन जाता है और एक सीटी आ जाती है तो तुरंत जो है हमें एक सीटी के बाद उसको आंच को धीमी कर देना चाहिए, उससे हमारा जो है फ्यूल बचता है। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर सामान रखने से पहले कभी भी उस फूड को हमें रूम टेम्परेचर पे आने देना चाहिए, उसके बाद जो है हमें उसको फ्रिज के अंदर डालना चाहिए। और हो सके तो हमें ज्यादा से ज्यादा सोलर कुकर जो है होता है उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि सोलर कुकर के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की या ईंधन की किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। तो उसका यूज करेंगे तो अपने आप हमारे ईंधन और बिजली दोनों बच जाएंगे। विद्युत की बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम सभी जानते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर वाले चैप्टर में बताया कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे तो हमारे लिए ही फायदा है, और किस तरीके से हम बचा सकते हैं हम सभी जानते हैं। कैसे कैसे बचा सकते हैं, वही कभी भी अगर कमरे से बाहर जा रहे हैं सारी लाइट्स एंड फैन को हमें ऑफ कर देना चाहिए। जो हमारा बाथरूम हो गया या बगीचा वगैरह हो गया, उन जगहों पर जो हमें बल्ब वगैरह लाइट लगानी है तो उनका वोल्टेज जो होना चाहिए वो काफी ज्यादा कम होना चाहिए, ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की खपत जो हो वो कम हो पाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। थर्ड पॉइंट है हमारा गीजर, वॉशिंग मशीन वगैरह, ये सारी चीजें होती है, मिक्सर ग्राइंडर होता है, उनका हमें बहुत कम यूज करना चाहिए, मिनिमम यूज करना चाहिए, ताकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बच पाए। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल उपकरण जो भी होते हैं, हमेशा जो उनके पार्ट वगैरह को चेक करते रहना चाहिए। अगर उसके किसी भी एक पार्ट में खराबी है तो इमीडिएट हमें जो उसको रिपेयर के लिए भेजना चाहिए, वरना हो सकता है कि वो जो इलेक्ट्रिक शॉक दे दे, या हो सकता है जो वो बिजली की खपत जो है ज्यादा कर रहा हो, तो ये बात ध्यान रखनी है। पानी को किस तरीके से बचाना है, वाटर का किस तरीके से हम जो है सेव कर सकते हैं, वो हम सभी जानते हैं कि कभी भी जो है हमें जब हम ब्रश वगैरह कर रहे हो तो उस नल को हमें खुला नहीं रखना चाहिए। साथ ही जो हम सब्जियां धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उन वाटर को जो है हमें दूसरे चीजों के लिए भी यूज करना चाहिए। पोछा लगाने के लिए हम यूज कर सकते हैं कपड़े धोने वाले पानी को, और जिससे हमने फल या कोई भी वेजिटेबल्स धोए उनको हम अपने पौधों के अंदर डाल सकते हैं। ये चीजें आप जो है बता सकते हो, ये बहुत ईजी है, आप अपनी डेली लाइफ में सारी चीजें करते हो, ये सारी पॉइंट जो आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें कोई भी
मुश्किल नहीं है। सबसे इजी चैप्टर है हमारा कि किस तरीके से हम अपने जितने भी उपकरण होते हैं उनको यूज करना है, जो भी हमारा वाटर एंड जो हमारा फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी है कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं। आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 17 लेसन है हमारा उपभोक्ता शिक्षा, कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर हमें ये पढ़ना है कि आखिर एक उपभोक्ता के पास कौन कौन सी शिक्षा होनी चाहिए, अगर उसके पास उसकी शिक्षा नहीं होगी तो उसको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका अर्थ बताया गया है, उपभोक्ता शिक्षा का अर्थ क्या होता है, उपभोक्ताओं को इसकी शिक्षा देना कि क्या, कहाँ, कब और कैसे कितना खरीदना है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर वो मार्केट में खरीदने जाता है तो कहाँ से खरीदना है, कब खरीदना है, कितने अमाउंट में खरीदना है, और साथ ही उसको ये भी बताया जाता है कि उसको यूज किस तरीके से करना है। ये सारी शिक्षा जो है एक उपभोक्ता शिक्षा के अंदर दी जाती है, यानी कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर बताई जाती है। अब इसके क्या क्या लाभ होते हैं, यानी उसके क्या क्या एडवांटेज है उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि जब मार्केट के अंदर कोई भी व्यक्ति जब कोई सामान खरीदने जाता है, अगर उसको इस चीज की नॉलेज है कि क्या, कब, कहाँ, कैसे खरीदना है, तो मार्केट में कोई भी सामान को जो है बहुत ही सोच समझकर जो है उनका चुनाव करता है, अपनी जो है एबिलिटी का, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सामान को वो चूज करता है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया है, हम सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादकों के लिए सही मूल्य मांग सीखते हैं। जब किसी व्यक्ति को कंज्यूमर एजुकेशन मिली होगी तो वो क्या करेगा, एक ऐसे सामान को खरीदेगा जो बहुत ज्यादा गुड क्वालिटी में हो, काफी ज्यादा सामान अच्छा हो, और उसके ऊपर जो है जो स्टैंडर्ड मार्क है हमारा, चाहे वो FPO हो गया, चाहे वो ISI हो गया, ऐसे मार्क जो है लगे हुए हो, उसी के अकॉर्डिंग वो जो अपने सामान को खरीदेगा। तो सेकंड जो है बेनिफिट ये होता है। थर्ड जो यहाँ पर बताया है ये बताया कि अगर मार्केट में कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो वो उस चीज से जो है अवेयर रहेगा, अलर्ट रहेगा, सावधान रहेगा कि आखिर उसको कब कैसे खरीदना है, यहाँ से खरीदना भी है कि नहीं खरीदना है। अगर कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका जो है वो खुलासा भी कर सकता है और उसकी शिकायत भी दर्ज करवा सकता है, अगर कोई उसके साथ जो है गलत तरीके से कोई सामान बेचता है तो। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी कोई समस्या आती है तो हम उसका सही समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। अगर उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद कोई भी जो है प्रॉब्लम आती है तो जो है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये चीज भी जो है पहले ही सिखा दिया जाता है उपभोक्ता शिक्षा के अंदर। अब आखिर समस्या आती क्या है कंज्यूमर के सामने, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई है कि अनुपलब्धि और जमाखोरी व कालाबाजारी, यानी कि जो सामान की जो है कमी दिखाई जाती है, ब्लैक मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग में जो है सामान को महंगा बेचा जाता है, तो वही होती है हमारी कालाबाजारी। और ऐसा दिखाया जाता है कि मार्केट के अंदर जो उत्पाद है वो नहीं है, वो ना की मात्रा में है, थोड़ा मोड़ा जो है उत्पाद है और उसको जो है महंगे करके जो है बेचा जाता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर बताया है जेन्युइन जो रीजन है, यानी जो वास्तविक कारण होता है कोई भी सामान या कोई भी उत्पादन की कमी में, वो पहला रीजन ये होता है कि अगर वेदर सही से नहीं रहा है तो कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, उत्पादन कम हुआ है, साथ ही साथ जो है ट्रांसपोर्ट जो है उसकी कोई हड़ताल चल रही है, इसके वजह से जो है एक सामान दूसरी जगह पर नहीं जा पाया है, जहाँ पर नहीं गया है तो वहाँ पर वो सामान महंगा मिल रहा है। तो ये जो रीजन है वो जेन्युइन रीजन है, या हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया हो, बाढ़ सूखा पड़ जाना, इस समस्या की वजह से भी जो है कई सामान जो है महंगे में मिलते हैं। उसी तरीके से जो सेकंड रीजन है वो है आर्टिफिशियल कॉजेज, यानी बनावटी कारण। बनावटी कारण के अंदर क्या होता है, जब कोई भी व्यापारी यानी सेलर जो है वो जानबूझकर ऐसा दिखाता है कि मार्केट के अंदर ये सामान जो है बहुत कम अमाउंट में है, इसलिए जल्दी से इसको खरीद लो, और उसको महंगे में बेच देता है वो किसी भी उपभोक्ता को। तो इस तरीके की एक समस्या का जो है सामना करना पड़ता है किसी भी एक उपभोक्ता को, या आप कह सकते हो कंज्यूमर को। वो ये देखता है कि आखिर इस व्यक्ति को इस चीज की नीड है, जरूरतमंद व्यक्ति है, तो उसको ये बोलेगा अरे ये सामान तो मार्केट के अंदर है ही नहीं, ऐसा दिखाता है, और फिर जानबूझकर जो है ये उसकी कीमत को बढ़ाकर, उसके प्राइस को इंक्रीज कर उनको बेचता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि किन किन चीजों को जो है ज्यादातर जनवरी के समय में जो है महंगा कर बेचा जाता है, चाहे मक्खन हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, उनको जानबूझकर ऐसा किया जाता है, यानी एक आर्टिफिशियल रीजन बनाया जाता है कि ये सामान नहीं है और उसको महंगा कर दिया जाता है। सेकंड जो आप कह सकते हो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो होती है डिफेक्टिव वेट एंड मेजर, यानी दोषपूर्ण बाट और नाप। जब कोई सामान मार्केट से खरीदने जाते हैं तो उसका जो है हम वजन करवाते हैं, वेट करवाते हैं, तो उसको जानबूझकर जो है गलत तरीके से मापा जाता है, उसको तोला जाता है, और हम जो है गलत तोले हुए सामान को ही घर ले आते हैं। तो ये भी हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है अगर हम उसको लेकर अवेयर नहीं होंगे कि आखिर हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से उस चीज को नापना है, तो हमें कोई भी पागल बना सकता है मार्केट के अंदर। तो नाप तोल के अंदर भी जो है दोषपूर्ण तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे वजन के समय
समय में क्या उसके अंदर डाल दिया जाता है, कोई ईंट हो गई, पत्थर हो गए या खोखले तले वाले जो बाट होते हैं, जब माप करते हुए जो है ऐसी चीजों को डाल दिया जाता है जिसकी वजह से वजन के अंदर जो है आप कह सकते हो गड़बड़ी हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आती है। साथ ही तराजू के जो पलड़ा होता है उसके अंदर भी जो है या तो चुम्बक लगा दिया जाता है या तो जो है उसके अंदर कुछ गत्ते का टुकड़ा डाल दिया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि पेट्रोल पंप हो गया, टैक्सी हो गया या ऑटो रिक्शा हो गया, उनके जो मीटर होते हैं उसकी जो सुई को जो है जानबूझकर सुनने पर लाया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम इस चीज से अगर अवेयर नहीं होंगे तो हमें कोई भी पागल बना सकता है। तो कंज्यूमर एजुकेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है और ये इसके फायदे होते हैं जो अभी हमने पढ़े। और अगर हमें नहीं चीज की नॉलेज होगी तो हमें ऐसे कोई भी जो है पागल बना सकता है मार्केट के अंदर। थर्ड जो हमारा प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, दोषपूर्ण व्यापार पद्धति। यानी कि जो मार्केट के अंदर जो सेलर होता है कोई भी प्रोडक्ट को जब बेचता है तो ऐसी पद्धति को अपनाता है जो खराब पद्धति होती है, जिसके अंदर वो खराब गुणवत्ता वाले बैड क्वालिटी की चीजों को जो है बेच देता है, एक अच्छे से पैकेजिंग कर उसको अट्रैक्टिव से जो है एक पैकेट में डाल देगा और बोलेगा बहुत अच्छा सामान है इसको ले जाओ ले जाओ, और हम लोग उसको लेके भी आ जाएंगे, घर आके पता चलेगा कि वो एकदम खराब है। तो ऐसा भी करते हैं दुकानदार, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक जो है आकर्षण सी जो है पैकिंग कर देंगे और जो है खराब गुणवत्ता वाली वस्तु जो है उसके अंदर डाल देंगे, और या हो सकता है कि बड़ा सा पैकेट होगा उसके अंदर छोटा सा जो है कोई भी प्रोडक्ट डाल देंगे। तो ये चीजें जो है करी जाती है, तो ये कह सकते हो गलत पद्धति है। उसी तरीके से जो है जो खराब वस्तुएं होती है उसके साथ जो है एक डिस्काउंट दिया जाता है कि इतना डिस्काउंट है, फ्री फ्री फ्री, तो फ्री के चक्कर में जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है लाइनें लगा लेते हैं, भीड़ लगा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि आखिर वो फ्री क्यों दे रहा है, उसका क्या फायदा है। तो वो गलत सामान हमें बेच रहा है, अव्यवहारिक मूल्य के अंदर वो कटौती देता है, सीधा सीधा उसको फायदा होता है कि वो गलत चीजों को, खराब चीजों को बेच रहा है और उस फायदा उसको हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो नकली उत्पाद होते हैं या नकली प्रोडक्ट जो होते हैं बैड क्वालिटी के, उनको जो है एक ऐसा करके बेचना, एक ऐसी उसकी पैकिंग कर देना जो बड़े ब्रांड के या लेबल के नाम वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसके साथ लेबलिंग कर जो है उसको बेचा जाता है गलत तरीके से। तो ये कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो एक सेलर जो है होता है, जो व्यापारी होता है वो अपनाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रॉब्लम जो है हम फेस करते हैं। आगे यहाँ पर कुछ राइट दे रखे हैं कि आखिर एक कंज्यूमर के कौन कौन से राइट होते हैं। तो ये जो यहाँ पे 6 राइट्स दिए हैं ये आपको याद होने चाहिए, 6 के 6। सबसे पहला है हमारा सुरक्षा का अधिकार। मार्केट में हम कोई भी सामान जब खरीदने जाते हैं तो हमें ये श्योरिटी मिलती है कि जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उससे हमारी हेल्थ के ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वो प्रॉपर पूरी तरीके से सेफ है। हम उसको खाएंगे या हम उसको यूज करेंगे तो वो सेफ है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई भी हमारी इससे जो है हमारी बॉडी के ऊपर कोई हार्मफुल जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा अधिकार है कि हम ऐसी ही चीजों को खरीदें। अगर कोई हमें मिलावट करके कोई प्रोडक्ट बेचता है तो हम उसकी जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारा राइट है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कैसे होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसके ऊपर पीछे की साइड जो है एक लेबल लगा हुआ होता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है कि ये प्रोडक्ट कैसे कैसे बना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर मिलाई गई हैं। तो एक लेबल के ऊपर जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जिसको हम रीड आउट कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा ये सही है या गलत है। ये इसलिए ही लिखी जाती है ताकि हम उस चीज को पढ़ें, लेकिन ज्यादातर लोग जो उस चीज को नहीं पढ़ते हैं और ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो ये हमारा राइट है कि हम हर एक प्रोडक्ट की कैसे बनाया, क्यों बनाया है, क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज हुई है, उस चीज की सारी इन्फॉर्मेशन हो। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है लेबल लगा होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा अधिकार है वो है राइट टू चूज का। अब मार्केट में जाकर अगर हम किसी एक शॉप के अंदर चले गए हैं तो ऐसा नहीं है कि उस शॉप में जाने के बाद हमें उसी शॉपकीपर की सामानों को खरीदना होगा। नहीं, हम जो है इस चीज के लिए बाध्य नहीं है, हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता इस चीज के लिए। हम वहां जाकर चीजों को देखेंगे, फिर दूसरी शॉप पर भी जाके देखेंगे और सब जगह की जो है सामान की क्वालिटी को भी देखेंगे, वहां के रेट को भी देखेंगे, फिर अपने बजट के अकॉर्डिंग और अच्छी गुणवत्ता वाले सामान को हम खरीद सकते हैं। यानी कि हमें राइट टू चूज का जो है आप कह सकते हो अधिकार है, हम उसको चूज कर सकते हैं। हमारे पास ये अधिकार है, चयन का अधिकार है। हमारे को कोई जो है फोर्स नहीं कर सकता है कि नहीं नहीं तुम यही सामान खरीदो। हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें खरीदना है हम उसको खरीदेंगे। फोर्थ है हमारा सुनवाई का अधिकार, यानी राइट टू हियर। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी व्यापारी किसी भी तरह की हमारे साथ धोखाधड़ी करता है, कोई भी जो है शॉपकीपर हमें ऐसा सामान बेच देता है जो सही नहीं है, खराब गुणवत्ता वाले हैं, तो हम उसके लिए सुनवाई कर सकते हैं, यानी उसके खिलाफ में एक रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। क्षतिपूर्ति का अधिकार, ये हमारा फिफ्थ तो राइट है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी दोषपूर्ण अगर वस्तु हम खरीद के ले आते हैं उसकी हम क्या कर सकते हैं, शिकायत के बाद हम उसके मुआवजा भी ले सकते हैं, यानी उसके बदले में हम कुछ पैसे भी ले सकते हैं कि हम ये जो है ये सामान ये बोलकर बेचा गया था लेकिन ये खराब है, उसके बदले में हमें कुछ जो है मुआवजा दिया जाए, यानी कुछ पैसे दिए जाए। ये आपका फिफ्थ आप कह सकते हो राइट है। लास्ट एंड सिक्स जो हमारा राइट है वो ये है
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसके अंदर क्या होता है, हम अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के एंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी भी सामान को जो है खरीद सकते हैं। ये होता है हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आगे अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून, यानी लॉज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके अंदर क्या है, सरकार के द्वारा कुछ जो है लॉज बनाए गए हैं, कुछ जो है आप कह सकते हो कानून बनाए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो हम किसी भी सामान को खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें देखकर ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसी चीजें नहीं होती किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो हम उसके खिलाफ में जो है कोई भी जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट है। तो पहला हमारा क्या है, फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर, यानी FPO, जिसके नाम से हम जानते हैं। इस तरीके का चिन्ह होता है हमारा, एक साइन होता है। जो भी हमारे सामान फल फ्रूट से बने होते हैं, चाहे वो हमारा जैम हो गया या हमारा कोई मुरब्बा हो गया, अचार हो गया, इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनके ऊपर जो है FPO का मार्क लगा हुआ होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी फल सब्जियों के जितने भी उत्पादन होते हैं उनके भंडारण व विक्रय के दौरान जो है विशिष्ट गुणवत्ता, पैकिंग और लेबलिंग के स्वच्छता के मापदंड बनाए रखने का आवश्यक है। अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर FPO ऐसे मार्क लगा हुआ है, ऐसे सामानों, चाहे वो अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, या फल का रस हो गया, कोई जूस हो गया, उनके ऊपर अगर लगा हुआ है, ये चिन्ह जो है हमें ये श्योरिटी देता है कि ये जो सामान है एकदम सही है, इसका भंडारण सही तरीके से किया गया है, ये एकदम सेफ है, इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं होगा, इस चीज की ये श्योरिटी देता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसके अंदर क्या है, अधिनियम के अंदर उपभोक्ता के अधिकार व उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है, यानी कि जो भी हमारे राइट है, जो ये 6 राइट्स हमने पढ़े, और साथ ही साथ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस चीज को जो है क्लियर तरीके से डिफाइन करता है कि ये जो है आपके पास राइट है एक उपभोक्ता के पास, और ये आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब आप कोई भी सामान को खरीदने जाते हो। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, जिसको हम क्या कहते हैं, BIS एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो है उसके द्वारा जो है अलग अलग उत्पादन करने वाली कंपनीज को जो एक स्टैंडर्ड मार्क दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, BIS के नाम से जानते हैं। जैसे कौन कौन से हमारे स्टैंडर्ड मार्क है, वो है सबसे पहला है हमारा एग मार्क, जो कुछ इस तरीके का दिखता है, जो 142 ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिनके ऊपर जो है ये मार्क जो है लगाया जाता है, एग मार्क। जितना भी हमारा एग्रीकल्चर वाला जो भी प्रोडक्ट होते हैं, मसाले वगैरह, घी वगैरह, शहद वगैरह, उन सारी चीजों के ऊपर जो आप देखोगे एग मार्क का जो है चिन्ह लगाया जाता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चिन्ह जो है हमारे कौन सी चीजों के ऊपर लगाया जाता है। आपको प्रोडक्ट पता होने चाहिए किन किन चीजों पर हमारा एग मार्क लगता है, किस पर हमारा ISI मार्क लगता है, किस पे हमारा वूल मार्क लगता है, किस पे हमारा FPO मार्क लगता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ISI मार्क जो है हमारा ऐसी चीजों पर लगाया जाता है जो हमारे बिजली के उपकरण होते हैं, कुछ ऐसे हमारे वनस्पति वाले सामान होते हैं उनके ऊपर जो है लगाया जाता है हमारा ISI मार्क। यहाँ पर आपको सामान की जो चीजें भी बता रही कि इन इन चीजों के ऊपर हमारा लगाया जाता है, जैसे हमारे नॉनस्टिक पैन वगैरह होते हैं, या हमारा जो है गैस का स्टोव होता है, ऐसी चीजों के ऊपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मीट के प्रोडक्ट होते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर हमारा ISI मार्क जो है वो लगाया जाता है। और जो हमारा वूल मार्क होता है वो कब स्थापित किया गया था, ये आपका वन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तो 1949 के अंदर जो इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये इस चीज की श्योरिटी देता है कि जो भी ऊनी कपड़े खरीद रहे हैं हम, जिसके ऊपर इस तरीके का मार्क है, वो जो है शुद्ध ऊन से जो है बनाए गए हैं, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं की गई है। अगर हाँ कोई और अदर जो है फाइबर का अगर यूज किया गया है तो उसकी जो है अमाउंट को भी बताया जाएगा कि हाँ इतने अमाउंट में जो है अदर कोई भी फाइबर का इसके अंदर यूज किया गया है। तो इस चीजों का आपका ध्यान रखना है, जब भी आप कोई सामान को खरीदने जाते हो तो आपको जो भी स्टैंडर्ड मार्क जो यहाँ पर मैंने आपको बताया वो चेक करने हैं, साथ ही साथ जो भी कंज्यूमर राइट्स हैं वो याद रहने चाहिए, या आपके लिए जो है आपकी डेली लाइफ में जो है ये चीजें यूज होंगी और आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ मॉड्यूल है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमारे टोटल 3 लेसन जो है वो आते हैं, यानी कि मानव विकास। सबसे पहला जो हमारा लेसन है वो है 19 लेसन अभिवृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर हमें 6 to 11 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो कैसे कैसे होता है, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखनी है। अभी फिजिकल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी कि हमारा शारीरिक विकास का मतलब क्या है। शारीरिक विकास का मतलब यही है कि जब एक बच्चे की लंबाई और उसके आकार में जब परिवर्तन आता है, उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल ग्रोथ कहलाता है। बॉडी की साइज के अंदर उसका हाइट, वेट, उसके ऑर्गन्स वगैरह जो है, सारी चीजों का साइज जो है इंक्रीज हो रहा होता है 6 से 11 साल के बच्चों के बीच में। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा चेंज इन बॉडी प्रिपरेशन, यानी कि शरीर के अनुपात में बदलाव। अब शरीर के अनुपात में किस तरीके से बदलाव आता है, जब एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जब वो पैदा ही होता है, जब उस बच्चे को हम देखते हैं तो उस बच्चे का सिर बहुत बड़ा होता है और उसका जो धड़ होता है, यानी बाकी का
भी बॉडी पार्ट होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर वही बताया है कि नवजात शिशु का सिर जो है उसके शरीर के अनुपात में 1/4 होता है, यानी कि आप कह सकते हो 1/4 होता है। लेकिन जब बच्चा 6 से 8 साल का जब हो जाता है तो वो कितने अनुपात में हो जाता है, 1/6। और जब वो प्रौढ़ यानी जब वो अडल्ट हो जाता है तब वो हो जाता है 1/8, इस अनुपात में बढ़ जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि शरीर के विकास के साथ सिर का जो अनुपात छोटा होता चला जाता है। पहले क्या था, सिर बड़ा था बच्चे को जब हम देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े हुए अब हमारी बॉडी बड़ी है लेकिन हमारा सिर जो है छोटा है। वही हमारा क्या है कि शरीर के अनुपात में क्या आया है, बदलाव आया है। अब यहाँ पर एक आपको पॉइंट दे रखा है कि जो हमारी मिडल चाइल्डहुड की जो अवस्था होती है उसके अंदर स्थूल मांसपेशियों के साथ जो है सूक्ष्म जो हमारी मांसपेशियां होती है उसके अंदर भी जो है विकास होता है, यानी जो हमारी ग्रोस मसल्स होती है उसके साथ साथ हमारी जो फाइन मसल्स जो हमारी छोटी मसल्स होती है उनका भी जो है डेवलपमेंट हो रहा होता है, जिसके अंदर हमारा पहला पॉइंट आ जाता है दांतों, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने टीथ की। जब बच्चा 3 साल का होता है उस समय में बच्चे के लगभग 20 दांत होते हैं जिसको हम दूध के दांत के नाम से जानते हैं। लेकिन जब बच्चा मिडल चाइल्डहुड की अवस्था में आता है उस समय में उसके लगभग 28 दांत होते हैं और प्रौढ़ अवस्था के समय में उसके 32 दांत हो जाते हैं। तो ये दांतों की जो संख्या है वो आपको याद रखनी है कितनी कितनी होती है, और इस समय में ही दांत जो है मजबूत हो रहे होते हैं। अब अगर हड्डियों की बात करें यानी कि बोन्स की, तो वो क्या है, यहाँ पर मध्य बाल अवस्था तक शरीर की सभी हड्डियां बन जाती है। जब बच्चा 6 से 11 साल के बीच में होता है उस समय में उसकी सारी बोन्स जो है वो फॉर्म हो चुकी होती है और काफी ज्यादा वो मजबूत भी हो जाती है, यानी आप कह सकते हो कि उसके अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ जाती है और वो ग्रो भी कर जाती है। अगर बात करें अपने मसल्स एंड फैट की, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि जब बच्चा 6 से 11 साल की उम्र में होता है उस समय में बच्चे की हड्डियों के ऊपर जो है फैट और मसल्स जो है पूरी तरीके से कवर हो चुका होता है, उसको कवर करके रखती है फैट और मसल्स जो है हड्डियों को। और लड़कियों के अंदर जो है फैट ज्यादा होता है और लड़कों के अंदर मसल्स ज्यादा होते हैं, इसी वजह से जो है लड़कियां हम देखते हैं ज्यादा दूरी तक दौड़ नहीं पाती हैं, ऊंचा कूद नहीं पाती हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वो अच्छी खासी डिस्टेंस तक जो है दौड़ सकते हैं, साथ ही साथ हाई जंप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा लड़कियां बहुत कम कर पाती हैं क्योंकि लड़कियों के अंदर जो फैट होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 8 साल की जब लड़कियां होती हैं उसी समय से जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है 7-8 साल की जब होती हैं, और लड़कों के अंदर जो है चर्बी से ज्यादा यानी फैट से ज्यादा जो है मांसपेशियां होती हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम गत्यात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं। अब ये गत्यात्मक विकास क्या होता है, ये एक ऐसा विकास होता है जिसके अंदर बच्चा जो है अच्छे से दौड़ना, अच्छे से चलना और बैलेंस बनाना जो है वो सीखता है, वही हमारा क्या कहलाता है, मोटर डेवलपमेंट कहलाता है, जिसके अंदर शरीर की गति और संतुलन से जुड़ा हुआ होता है। यानी जब बच्चा अपने आप को बैलेंस और अच्छे खासे दौड़ और भाग सकता है, यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कि क्या क्या वो मोटर डेवलपमेंट के अंदर कर सकता है बच्चा। अब 2 प्रकार की मांसपेशियां होती है, मैंने आपको बताया, और एक होती है हमारी स्थूल और दूसरी होती है हमारी सूक्ष्म। स्थूल यानी जो हमारी बड़ी मांसपेशियां जो होती है वो, और जो हमारी सूक्ष्म होती है वो फाइन मसल्स होती है यानी वो छोटी होती है। अब यहाँ पर एक जो है आपको चार्ट दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है, आप इसको याद कर सकते हो कि 6 से 11 साल की उम्र के बच्चे के बीच में कौन कौन सी मोटर डेवलपमेंट जो है विकसित होती है। जैसे आप देखोगे कि जब बच्चा 6 साल का होता है उस समय में बच्चा जो है किसी भी बॉल को जो है फेंक सकता है, साथ ही साथ एक ही पांव पर बहुत कम समय तक संतुलन बनाए रखता है, यानी कि थोड़े ही टाइम के लिए वो है एक पैर पे जो है बैलेंस बना लेता है, काफी लंबे टाइम के लिए नहीं लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो ऐसा कर लेता है, और जो है वो दोनों पांव से जो है रस्सी कूद सकता है। तो आप ये भी बता सकते हो कि वो जो है क्या कर सकता है, रस्सी को भी कूद सकता है। अब यहाँ पर बताया गया 7 साल का बच्चा क्या कर सकता है, वो जो है गेंद को जो है अनुमानित दूरी तक जो है फेंक सकता है, जितना उसको बताया जाएगा कि एस्टिमेट डिस्टेंस ये है, यहाँ तक तुम्हें जो है गेंद फेंकनी है या बॉल को फेंकना है, तो वहां तक वो फेंक लेता है जो 7 साल का बच्चा होता है, और वो जो है एक ही पांव पर कुछ देर के लिए संतुलन को बनाए रखता है, यानी कि वो एक पैर पर काफी टाइम तक थोड़ी देर से 6 साल से बच्चे से ज्यादा देर तक के लिए वो खड़ा हो सकता है बैलेंस बनाकर, साथ ही साथ जो है छोटे चौरस आकारों में कूद सकता है। छोटे छोटे आकार बनाए जाते हैं, जैसे कि हम सभी ने खेला होगा पहले दुग्गो वगैरह, इस तरीके के आकारों में जो है वो कूद कूद कर खेल सकता है। तो हर एज ग्रुप के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि वो क्या कर सकता है। अगर हम 10 साल के बच्चे के बारे में बात करें तो वो क्या कर सकता है, जांच परख कर छोटी गेंद को रोक लेता है, यानी कि वो किसी भी जो बॉल होती है उसको आराम से स्टॉप कर सकता है, पकड़ सकता है, कैच कर सकता है और काफी लंबे टाइम तक जो है बैलेंस बना सकता है, एक ही पैर के ऊपर संतुलन को बनाए रखता है, और वो एक ही समय पर क्या कर सकता है, दौड़ भी सकता है और कूद भी सकता है। जो रस्सी वाला खेल होता है उसके अंदर वो जंप भी कर सकता है और साथ ही साथ उसके ऊपर से कूद भी सकता है। तो इस तरीके से आप हर एक एज ग्रुप के जो है क्या क्या जो है वो कैसे कैसे संतुलन बना सकता है बच्चा, कैसे वो दौड़ सकता है, कैसे वो कूद सकता है, वो आप याद कर सकते हो इस चार्ट में से। ये नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसको अच्छे से
अपने आप रीड आउट करना। अब बात करें अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की यानी कि भाषा के विकास की, तो वो क्या है हमारा, इसके अंदर क्या होता है, हम ये सीखेंगे कि जो भाषा होती है, हम सभी जानते हैं भाषा हर एक मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमें किसी से बातचीत करनी है, अपनी कोई भी फीलिंग्स को बताना है, तो उसके लिए भाषा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो संवाद करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो है किस चीज की जरूरत पड़ती है, किसी भी बच्चों को भाषा की जरूरत पड़ती है। अब जब बच्चा मिडल चाइल्डहुड की एज में आता है, उस समय में क्या होता है, बच्चे के जो शब्द कोश होता है यानी कि आप कह सकते हो वोकैबुलरी होती है, वो 14,000 से लेकर 30,000 तक की हो जाती है। इतने शब्द, इतने सेंटेंसेस को वो बना बना कर यूज कर सकता है। साथ ही साथ जो है थोड़े बहुत जो टंग ट्विस्टर होते हैं, जिसके अंदर से जो है हमारी जबान जो है लड़खड़ा जाती है, ऐसे कुछ शब्द, ऐसे कुछ सेंटेंसेस को भी जो है वो बोल पाते हैं जब बच्चा 6 से 11 साल की उम्र में होता है। जैसे अगर हम बात करें, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, उसी तरीके से पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, इस तरीके के जो टंग ट्विस्टर हमारे सेंटेंसेस होते हैं, उनको जो है एक बच्चा बोल पाता है। और इस समय में उनको ऐसी चीजें करने में बहुत मजा आता है, जिसके अंदर उन्हें बहुत ज्यादा हंसी आती है और इंटरेस्ट लेके जो है वो इन सारी चीजों को सीखते हैं। इस उम्र के बच्चों को हास्य व्यंग में आनंद आता है, यानी कि ऐसे ऐसे टोंड मारना जिससे जो है दूसरों की बेइज्जती हो, ऐसी चीजें करने में जो है बड़ा मजा आता है उन बच्चों को। और वो जो है क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे चुटकुले पसंद आते हैं जो बड़ों को बेकार लगते हैं, यानी उन्हें जोक्स मारना काफी ज्यादा मजा आता है, जो काफी ज्यादा सिली से होते हैं, जो उनके एडल्ट्स को नहीं पसंद होते, लेकिन उनको उस चीज में मजा आता है। जब बच्चा इस एज ग्रुप अंदर होता है, तो उनको ये सारी चीजें करने में मजा आता है, ये आप बता सकते हो। अगर बात करें हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की, यानी सामाजिक संवेगात्मक विकास की, तो वो क्या होता है, इस समय में ही बच्चा जो है ये सीखता है कि सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त जो व्यवहार है उनको सीखता है, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहकर व्यवहार करना सीखता है, यानी किस तरीके से जो है वो अपने आस पास के लोगों के साथ मैनर्स तरीके से बोलेगा, किस तरीके का बिहेवियर उसको डेवलप करना है, इन सारी चीजों को जो है वो सीख पाता है, ताकि आस पास के लोगों से वो क्या बना पाए, रिलेशन बना पाए, उस चीज को वो इसी एज के अंदर सीखता है। अगर हम बात करें संवेगात्मक विकास की, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट की, तो वो ये है कि इस एज ग्रुप के अंदर ही बच्चा जो है अपने इमोशन पर जो है कंट्रोल पाना सीखता है, जो भी उसकी भावनाएं होती हैं उसको रोक सकता है। बाकी इससे छोटा बच्चा जो होता है 5 साल का 4 साल का, वो अपनी भावनाओं को नहीं कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आप एक 11 साल के 10 साल के बच्चों को देखोगे, तो वो अपनी फीलिंग्स को या अपने आप कह सकते हो इमोशन को जो है वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही साथ जो है को अपने सामाजिक रूप से उसे एक्सप्रेस भी कर सकता है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन भावनाओं को सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके से उसे प्रदर्शन करना है, यानी कि जो सोशली जो पूरी तरीके से अप्रूव्ड है कि हाँ यहाँ पर ये इमोशन को जो है एक्सप्रेस करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको एक्सप्रेस करते हैं जब बच्चा 6 से 11 साल की उम्र में होते हैं। तो ये आप बता सकते हो। अगर हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की, तो इसके अंदर क्या होता है, बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, माइंड का जो डेवलपमेंट होता है, मेंटली जो डेवलपमेंट होता है, वो इसी एज ग्रुप के अंदर होता है, आप बता सकते हो, क्योंकि बच्चा इस समय में जो है थिंकिंग और रीजनिंग जो है करना सीखता है और अलग अलग प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करना सीखता है। क्योंकि जब बच्चा 2 से 7 साल की उम्र में होता है, वो जो है जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके अंदर जो है जीवन में विश्वास रखता है। जैसे कि अगर बच्चों को किसी कुर्सी से, किसी टेबल से या किसी चीज से भी उसको अगर चोट लग जाती है, तो वो क्या करता है, इसको मारो, यानी कि उसको लगता है कि उस चीज ने मुझे मारा है, क्योंकि उस बच्चे को अभी पता नहीं है वो निर्जीव वस्तु है, वो मुझे नहीं मार सकती है। अगर हम उस चीज को मार देते हैं, तो वो बच्चा शांत हो जाता है और खुश हो जाता है कि हाँ उसको पिटाई पड़ गई। तो यानी वो निर्जीव चीजों के अंदर भी जो है जीवन मानता है, वो सोचता है कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी जो है ह्यूमन की जो क्वालिटीज हैं, यानी कि वो भी जीवित चीज हैं, उस चीज में बिलीव करता है। और साथ ही साथ जो है दूसरे का दृष्टिकोण समझने में उसको कठिनाई होती है जब बच्चा 2 से 7 साल की उम्र के अंदर होता है, कि जैसे क्या वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अगर एक रूम के अंदर जो है एक बच्चा बैठा हुआ है और दूसरे काफी दूर के अंदर किचन के रूम में जो है उसकी मम्मी बैठी हुई है, तो क्या करेगी, अगर उसकी मम्मी आवाज लगाएंगी, राहुल सोनू इस तरीके से अगर कोई आवाज लगाएंगी, तो बच्चे को क्या लगेगा, उसकी मम्मी मुझे देख रही है, तो वो मुंडी हिला देगा, हाँ मम्मी, मेरी मम्मी ने देखा है, क्योंकि उसको पता नहीं है मेरी मम्मी अभी मेरे से बहुत ज्यादा दूर है, वो मुझे अभी देख नहीं सकती है, दूसरे कमरे में से या किचन में से मुझे देख नहीं सकती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ इतनी दूर से जो है कोई मुझे देख नहीं सकता है। और बच्चे जो है आत्म केंद्रित होते हैं 2 से 7 साल की उम्र में। जैसे कि अगर आप देखोगे कि बच्चे जितने भी उनके टॉयज वगैरह होते हैं, बस ये चाहते हैं कि वो हमारे हैं और हमारे
पेरेंट्स हमें देखें, हमारे ऊपर ध्यान दें और हमारी जो चीजें हैं, जो भी हमारे टॉयज वगैरह हैं, सिर्फ उनसे हम ही खेलें, तो वो काफी ज्यादा आप कह सकते हो आत्म केंद्रित होते हैं। सभी चीजों को वो चाहते हैं कि सिर्फ वो चीजें हमारे पास रहें जो हमारी हैं। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 9 साल का 10 साल का 11 साल का होता है, तब ये सारी चीजें जो है उसकी दूर हो जाती है। उसको पता चल जाता है क्या चीजें जो है निर्जीव है और क्या चीजें जो है सजीव है, और दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, उन सारी चीजों को भी जो समझने में कैपेबल हो जाता है, आप ये बता सकते हो। तो इस तरीके से ही जो है अलग अलग डेवलपमेंट देखा जाता है 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों के अंदर। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है हमारा, यही सारे विकास जो है एक बच्चे के अंदर होते हैं। आप इन सारे जितने भी हमने विकास पढ़े उनको याद कर सकते। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है किशोर अवस्था यानी एडोलसेंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये जो हमारा शब्द है एडोलसेंस कहाँ से लिया गया है, वो लैटिन भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, परिपक्वता की दिशा में विकसित होना। यह ऐसी अवस्था होती है जब व्यक्ति ना तो बालक होता है और ना ही वयस्क होता है, यानी कि ना तो वो पूरी तरीके से बच्चा माना जाता है ना ही पूरी तरीके से अडल्ट माना जाता है। तो आपको याद रखना है एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जिस समय में बच्चा क्या होता है, मेच्योर हो रहा होता है, परिपक्वता उसके अंदर आ रही होती है। जैसे कि हम देखते ही हैं जब बच्चा 13-14 साल का बच्चा होता है, या हम भी अगर उस एज से गुजरे हैं, तो हमने ज्यादातर अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि ये मत करो तुम अभी बच्चे हो। और कभी हम ये भी सुनते हैं, अरे तुम इतने बड़े हो गए तुमसे यही नहीं आता है, तुम ये समझ में नहीं आता। यानी कि उस समय में बच्चा ना तो पूरी तरीके से बच्चा ही रहता है और ना ही पूरी तरीके से अडल्ट होता है। तो उनके बीच की जो अवस्था होती है किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच की अवधि है, ये आपको याद रखना है। अब इसको अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो वो क्या है, जिस समय में एक जो बालक होता है वो एक युवक के रूप में जो है दिखने लग जाता है, वही हमारी क्या होती है, किशोर अवस्था होती है। जो बालिकाएं होती हैं वो युवतियों की तरह, यानी कि एक लड़का जो होगा वो एक यंग मैन की तरह दिखेगा और एक जो गर्ल होगी वो यंग वुमेन की तरह दिखेगी। और इस अवस्था को हम एक टीनएज के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी 10 से 19 साल की टाइम पीरियड के अंदर मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो अवस्था होती है इसके अंदर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के अंदर जो है काफी सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। उन चेंजेस के बारे में कई बार जो है क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्या क्या चेंजेस जो है देखे जाते हैं एक लड़की के अंदर और एक लड़के के अंदर। जो लड़कियां होती हैं उनकी जो हाइट है लगभग 11 साल से लेकर 13 साल के बीच में बढ़ती है, और वो भी 8 सेंटीमीटर हाइट जो है बढ़ती है। लेकिन जो 13 से 15 साल के जो लड़के होते हैं, जो बॉयज होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है हाइट की वो लगभग 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यानी कि हम देखते हैं हमारे देश के अंदर ज्यादातर लड़कियां जो है छोटी होती हैं और लड़के उनसे बड़े ही होते हैं, उनकी हाइट अच्छी खासी लंबी होती है। लेकिन सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये बताया गया है कि जो फैटी टिश्यू होते हैं, वस्य उत्तक होते हैं, उनका जो है डेवलपमेंट जो है काफी ज्यादा होता है गर्ल्स के अंदर, जिसके वजह से जो है गर्ल्स की जो है पूरी बॉडी की जो है शेप आती है, राउंड शेप आती है। लेकिन जो लड़के होते हैं उनके अंदर जो मसल्स का जो है आप कह सकते हो ज्यादा विकास होता है, तो आपको ये याद रखना है उसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है, इसी वजह से वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं, और जो गर्ल्स होती है वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती। थर्ड पॉइंट में ये बताया है कि लड़कियों के जो गर्ल्स के जो शोल्डर्स होते हैं वो थोड़े से आप कह सकते हो सिलेंडर साइज में हो जाते हैं, और लेकिन जो हिप वगैरह होते हैं वो एकदम आप कह सकते हो राउंड शेप के अंदर आ जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज के जो आप शोल्डर देखोगे वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। हम देखते हैं लड़कों का सीना, जैसे हम कहते हैं ना एकदम चौड़ा है, कंधा एकदम चौड़े हो जाते हैं, इस तरीके से जो है उनका कंधे काफी ज्यादा फैल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी हिप वगैरह जो है काफी ज्यादा आप कह सकते हो पतले से होते हैं और सिलेंडर से होते हैं। और अगर हम हेयर ग्रोथ की बात करें तो जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन जगहों पे लड़के या लड़कियां दोनों के जो आप कह सकते हो हेयर ग्रोथ होती है, और लड़कों की जो फेशियल हेयर भी आने लग जाते हैं जो आगे चलकर दाढ़ी और मूंछ का रूप लेते हैं, आप ये भी बता सकते हो। और अगर वॉइस की बात करें तो लड़कियों की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी ज्यादा तीखी सी हो जाती है, शार्प हो जाती है, और उसी तरीके से बॉयज की आवाज जो होती है, वॉइस जो होती है वो काफी ज्यादा भारी हो जाती है एडम एप्पल की वजह से, ये चीज हम देखते ही हैं। और गर्ल्स के अंदर जो है मासिक धर्म जिसको हम पीरियड्स भी कहते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और स्टार्टिंग के पीरियड्स काफी ज्यादा पेनफुल होते हैं। और बॉयज के अंदर जो है यौवन अवस्था में, जिस समय जो टीनएज की जो अवस्था होती है, उस समय में जो है वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ जो आपके डिफरेंसेस हैं ये आपको याद रखने हैं गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर, ये सारे ही चेंजेस जो है फिजिकल चेंजेस जो है गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर आते हैं।
आगे पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है किशोर अवस्था में यौन शिक्षा की अवस्था, यानी जो हमारी ये एज होती है एडोलसेंट की, इस समय में सेक्स एजुकेशन किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, या बच्चों को देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए इस एज के समय में। तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों को इस समय में सेक्स एजुकेशन नहीं देते हैं तो बच्चे जो है गलत राह पर निकल जाते हैं, उनके माइंड में एक अलग ही कॉन्सेप्ट बन जाता है इसको लेकर, जिसके वजह से वो गलत जो है धारणाएं अपने माइंड में बैठा लेते हैं। तो इसीलिए इस समय में सेक्स एजुकेशन देना बच्चों को काफी ज्यादा जरूरत हो जाती है। स्टार्टिंग से ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ाते रहना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर दी गई है कि क्यों जरूरी है शारीरिक और मानसिक विकास, कि जैसे कि हम देखते हैं किशोर अवस्था में कितने ज्यादा जो है आप देखा कि फिजिकल चेंजेस आते हैं और हार्मोनल चेंजेस भी जो है देखे जाते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। तो ये सारे जो चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकल हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं, तो उस समय में जो किशोर होता है वो काफी ज्यादा जो है आप कह सकते हो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उस सब कुछ जो है नया नया सा हो रहा होता है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता ये हो क्या रहा है, तो उनका स्वभाव जो है बहुत ज्यादा अलग सा हो जाता है बिहेवियर। अगर उनको इस चीज की नॉलेज पहले से ही होगी कि हाँ ये एक एज ऐसी आएगी हमारी लाइफ के अंदर जिस समय में ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे और ऐसी ऐसी चीजें जो है होंगी, तो उस चीज के लिए वो पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, तो वो काफी ज्यादा डिप्रेस नहीं होंगे, समस्या उनके सामने नहीं आएगी। तो ये चीज आप बता सकते हो कि यौन शिक्षा किशोरों को उन परिवर्तनों को समझने और उनसे निपटने में क्या करेगी, मदद करेगी, उनकी हेल्प करेगी। जब अगर उन्हें सेक्स एजुकेशन दी जाएगी तो उनको पहले से ही पता होगा कि ये चीजें होती हैं। सेकंड पॉइंट बात करते हैं हम अपना कि भ्रामक जानकारी से बचाव, यानी जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है उन चीजों से जो है वो बचकर रहेंगे, वो चीजें अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जिस समय में बच्चा किशोर अवस्था के समय में होता है उसके मन में कई सारे जो है क्वेश्चंस होते हैं कि आखिर ये चीज कैसे होती है, ये चीज कैसे होती है। अगर उन सब चीजों का जवाब उनकी फैमिली से नहीं मिल रहा है तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, अपने हम उम्र के फ्रेंड से, यानी जिनका फ्रेंड सर्कल्स है उनमें ही वो आपस में बातचीत करते हैं कि अच्छा तेरे साथ ऐसा हो रहा है, अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, और वो अलग अलग बुक्स अलग अलग वीडियोस को देखते हैं, जिससे जो है काफी ज्यादा वो मिसगाइड होते हैं और अलग तरीके की जो है उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है वो पूरी तरीके से जो है गलत होती है और भ्रामक होती है, यानी कि इनकरेक्ट जो है इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है जब वो अपनी फैमिली के अलावा किसी और लोगों से पूछते हैं तो। और अगर जो है उनको सेक्स एजुकेशन दी जाएगी, यौन शिक्षा दी जाएगी, तो इससे क्या होगा, किशोरों को सही और वैज्ञानिक जानकारी दी जा सकती है, जिससे भ्रांतियों से बचा जा सकता है और उनको निर्णय भी वो ले सकते हैं कि हाँ कि क्या चीजें कैसे हो रही हैं। मिसकॉन्सेप्शन जो है उससे जो है राइट डिसीजन लेने में उनको जो है एक अच्छी खासी एबिलिटी भी लेगी कि हाँ नहीं ये चीजें गलत है, क्योंकि उनको क्या है पहले से एजुकेशन मिल रखी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है पहले फैमिली ने दे दी है या स्कूल से उसे उन्हें मिल गई है, तो उन्हें पता होगा कि हाँ ये चीजें गलत है और ये चीजें सही है, तो इसलिए एजुकेशन देना काफी ज्यादा जरूरत हो जाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, यानी जो माता पिता है हमारे और जो शिक्षक है उनकी क्या भूमिका होती है किशोर के जीवन में। तो जो किशोर होते हैं, जो टीन एज का जो समय होता है, उस समय में जो है जो भी उनके साथ घटनाएं घट रही होती हैं, अलग अलग जो चेंजेस हो रहे होते हैं और उनसे जो वो फील कर रहे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं, और वो सारी चीजें किसको बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा जो है शायनेस से उनके अंदर आ जाती है कि वो ठीक से अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते, हेजिटेट होते हैं उस चीज को बताने में। तो अगर जो है उनको उनके माता पिता या उनके शिक्षक जो है उनको शिक्षा नहीं देंगे, इस चीज की एजुकेशन नहीं देंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसा जो है तुम्हारे साथ होने वाला है, अगर कोई भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, हमें बता सकते हो, हम उसकी जो है सही सॉल्यूशन निकालेंगे, तुम्हारे साथ खड़े हैं, ऐसा बोलने वाला कोई भी नहीं होता है इस एज के समय में, जिसके वजह से बच्चा जो है मिसगाइड हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चा जब 13-14 साल का होता है, इस समय में बिगड़ने के चांसेस जो है बच्चों के ज्यादा होते हैं, वो इसलिए ही होते हैं क्योंकि फैमिली बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही होती है, उनकी प्रॉब्लम को समझ नहीं रही होती है, और साथ ही साथ जो स्कूल के हमारे टीचर्स वगैरह होते हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो बच्चों को सारी जानकारी दे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे और हर एक बच्चे को जो है इक्वल ट्रीट करे, सभी को जो है इस चीज की इन्फॉर्मेशन दे कि क्या चीजें कैसे होने वाली है, और स्कूल के सिलेबस के अंदर करिकुलम के अंदर भी ये सारी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये आप बता सकते हो यौन शिक्षा आखिर क्यों जरूरी हो जाती है एक बच्चों को देने के लिए। आगे है हमारा रोल ऑफ पेरेंट्स, यानी अभिभावकों की भूमिका, जो हमारी लाइफ के अंदर हमारे पेरेंट्स की किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब बच्चा इस अवधि के अंदर होता है एडोलसेंस के समय में, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता है कि वो चाहता है कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र रहूं, मेरे पर कोई रोक टोक ना करे, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं करूं, ना मेरे मुझे पेरेंट्स रोके, ना मेरे टीचर्स रोके, ना मेरे भाई बहन मुझे रोके, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। ऐसा हम सभी के लाइफ में ऐसा एक टाइम पीरियड आया ही आया है। तो अगर उस समय में जो है पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं
नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं, तो बच्चा गलत राह पे चला जाएगा। माता पिता चाहते हैं कि बच्चों पर उनका नियंत्रण रहे, जबकि बच्चे क्या चाहते हैं, वो स्वतंत्र रहें। और पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, इस समय बच्चों को जो है एकदम कंट्रोल करके रखना है, कहीं जाने नहीं देना है, ये नहीं करने देना है, वो नहीं करने देना है। और बच्चा चाहता है कि नहीं, मेरे को तो ये करना है, मैं तो करके रहूंगा। इसी वजह से जो है बच्चे और जो पेरेंट्स हैं उन लोगों के बीच में जो है काफी ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है, वो लोग दूर दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना पेरेंट्स उसकी जो है मेंटेलिटी को समझ पा रहे हैं, ना ही जो है बच्चा अपने पेरेंट्स को समझ पा रहा है। लेकिन उस समय में क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को समझना होगा, उन्हें समझाना होगा, प्यार से समझाना होगा। डांट के मार के बच्चे नहीं समझेंगे, ये बात हर एक पेरेंट्स को समझनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चा उस समय में चाहता ही है कि मैं क्या रहूं, एकदम स्वतंत्र रहूं, इंडिपेंडेंट रहूं, कोई भी डिसीजन जो लेना होगा वो मैं खुद लूंगा, हर अपना डिसीजन। अब इसी का यहाँ पर पॉइंट है कि आखिर जो माता पिता होते हैं उनके द्वारा जो अनुशासन अपनाए जाते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो सबसे पहला है कि जो माता पिता जो काफी ज्यादा जो है आप कह सकते हो अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता देते हैं, तो उनके बच्चे जो है क्या होते हैं, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर अच्छा खासा होता है, क्योंकि वो हर एक चीज को जो है खुद करना जानते हैं, जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि उन्हें क्या करना है। क्योंकि उनके माता पिता जो होते हैं हर एक बात के लिए उनको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो, ठीक है। जब बच्चे के पेरेंट्स ऐसे होंगे ये बोलने वाले कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तो क्या होगा, बच्चा उस चीज को करेगा, ट्राई करेगा और काफी ज्यादा क्या बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जब पेरेंट्स ही डर जाएंगे कि नहीं हमारा बच्चा तो नहीं कर सकता है, पहले से ही जो अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस लो कर देंगे तो बच्चा भी नहीं करेगा फिर, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जो पेरेंट्स फ्रीडम देते हैं अपने बच्चों को तो वो उनके जो बच्चे होते हैं काफी ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं और हर एक चीज को जो है वो करते हैं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर अच्छा खासा होता है। लेकिन जो माता पिता जो है काफी ज्यादा सख्त होते हैं, तानाशाही होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनके बच्चे जो है कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि जो भी डिसीजन लेना है बच्चों का हम खुद लेंगे, बच्चे नहीं लेंगे, हम खुद लेंगे। तो उस समय में बच्चा जो है अपने आप को जो है काफी ज्यादा जो है कमजोर समझने लग जाता है, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और किसी भी चीज में वो डिसीजन नहीं ले पाता है। ऐसा जो है होता है अगर उनके पेरेंट्स स्ट्रिक होते हैं तो। और अगर हम थर्ड पेरेंट्स की बात करें तो ऐसे भी कई सारे पेरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल तटस्थ रहते हैं, ना तो ज्यादा फ्रीडम देते हैं और ना तो ज्यादा स्ट्रिक होते हैं। तो ऐसे समय में जो है किशोरों की जो समस्या उन पर ही छोड़ देते हैं कि जो होना है होता रहे, हमें क्या लेना देना, न बच्चों से कोई भी जो है बातचीत करते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज चल रही है तुम्हारे लाइफ में, ऐसे कोई बात नहीं करते हैं, जिससे वजह से जो है बच्चा काफी ज्यादा जो है तनाव में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो ये ना तो इस तरीके की पेरेंट्स होने चाहिए ना ही इस तरीके की। अगर पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा लिबरल होंगे, बच्चों को जो है अपना काम खुद करने देंगे, उनको इनकरेज करेंगे हर एक काम करने के लिए, तो बच्चे के अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा और हर एक काम को कर पाएगा। तो इस तरीके के पेरेंट्स होने चाहिए, कैसा उन्हें अनुशासन अपनाना चाहिए, जिससे जो है उन्हीं के पेरेंट्स के अनुशासन के अकॉर्डिंग ही तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ हम ऐसा बच्चा जो है बनेगा। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर। और अगर हम बात करें रोल ऑफ पीयर्स, यानी जो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे हम उम्र के हैं, जितने साल की मैं हूँ उतने साल के मेरे फ्रेंड्स होंगे, ऐसा तो नहीं है अगर मैं 22 साल 23 साल की हूँ तो मेरे फ्रेंड्स जो होंगे वो 18 19 साल के होंगे, नहीं, वो भी मेरे हम उम्र के होंगे। उसी तरीके से अगर आप 14 या 15 ईयर के हो तो आपके फ्रेंड भी उतने ही साल के होंगे। तो हर एज ग्रुप के जो फ्रेंड सर्कल होती है उनका उनके अपने फ्रेंड ग्रुप का काफी ज्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा जो जिस टाइम पीरियड में पड़ता है वो पड़ता है एडोलसेंस के समय में, यानी किशोर अवस्था के समय में। किशोर अवस्था बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक उथल पुथल की अवस्था होती है, जिस समय में बच्चे के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं कि वो किसी भी चीजों को ठीक से नहीं समझ पाता है। सबसे ज्यादा वहां पर जो आप कह सकते हो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा सकते हैं वो पेरेंट्स ही निभा सकते हैं अपने बच्चों को समझाने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके बच्चे जो है काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, अलग अलग चीजों को करने लग जाते हैं। तो सहकर्मी यानी कि जो हमारे खुद के जो आसपास के समूह होता है उनका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बचपन और किशोर अवस्था में दोस्तों का हम उम्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो मेरा दोस्त करेगा वो मैं करूंगा या वो करूंगी, इस तरीके की भावना जो है आ जाती है एडोलसेंस के समय में। अब जो हमारा पॉइंट है कि ये जो किशोर अवस्था होती है इस समय में आके जो हम उम्र
कंज्यूमर की जो मंडली होती है उनके क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं, ये आपको बताना है क्यों इतने ज्यादा वो इम्पोर्टेंस हो जाते हैं, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो किशोर अवस्था है उस समय में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है, कई सारे स्ट्रगल जो है उसके आसपास हो रहे होते हैं और वही सारी चीजें जो है उसके फ्रेंड्स के साथ भी हो रही होती है, क्योंकि सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं तो सभी के साथ एक ही सारी चीजें हो रही होती है, तो आपस में शेयर करते हैं और आपस में जो है उनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। पेरेंट्स से वो जो है काफी ज्यादा शेयर नहीं करते हैं, हेजिटेट होते हैं, इसी वजह से फ्रेंड्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किशोरों की धारणा होती है कि माता पिता की अपेक्षा उनके दोस्त उन्हें जो है काफी ज्यादा समझते हैं, यानी कि पेरेंट्स उन्हें नहीं समझते हैं, उनकी बातों को समझते ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं देते, लेकिन हमारे फ्रेंड्स जो है हमारी बातों को वैल्यू देते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी बातों पर बिलीव करते हैं, तो इसी की वजह से जो है पेरेंट्स से ज्यादा वो अपने दोस्तों पर जो है काफी ज्यादा विश्वास करने लग जाते हैं, उनके साथ जो है उनका बॉन्ड अच्छा हो जाता है। और इसी समय में जो है हमारा अपोजिट जो सेक्स होता है, यानी कि अपोजिट जेंडर जो होता है, उस समय में आपस में बातचीत करना भी सीखते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना सीखते हैं। एडोलसेंस के समय में अगर एक लड़का है तो लड़की से बातचीत करना सीखता है, कोशिश करता है, इंटरेक्ट करता है, और लड़की भी लड़के से करती है, तो इस तरीके की चीजें होती है। साथ ही साथ जो है सभी किशोरों को लगता है कि बात करना, चलना, बोलना, कपड़े पहनने का तरीका जो है सभी चीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उनको वैसे ही करना है जैसे उनके सहकर्मी समूह ने किया है, यानी उनके पीयर ग्रुप के जो आसपास के जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो भी उनके दोस्त हैं, जैसा उन्होंने वो चलते हैं, जो वो खाते हैं, जो वो पहनते हैं, वैसे ही हमें रहना है, क्योंकि हम सब क्या है, दोस्त हैं, इसी वजह से वो उनके जैसे ही बनना और दिखना चाहते हैं। सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट क्या है, किशोरों की समस्याएं, आखिर उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है भोजन संबंधी परेशानी, यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम पतले हो रहे हैं, इस वजह से वो अलग अलग कदम को उठाते हैं। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं, काफी ज्यादा फैटी होते जा रहे हैं, तो वो क्या कर देते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं कि दिन में तीन तीन बार नहीं खाना, एक बार खाना है फिर नहीं खाना है वरना हम मोटे हो जाएंगे, ऐसा जो है उनका माइंड बन जाता है। और उस समय में पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे तो क्या होगा उनके बच्चों का, इस चीज को समझना होगा हमें आज के समय में। ये सारी चीजें होती हैं हर बच्चे के साथ जब वो बच्चा इस एज ग्रुप के अंदर आता है, और कुछ बच्चे इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं, इतने ज्यादा जो भावुक होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं, इसी वजह से वो जानबूझकर उल्टियां करने लग जाते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं कि हम ऐसा क्यों हो रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा पतले हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, सोचते हैं हम बहुत ज्यादा जो है पतले से हैं, हमें खाना ज्यादा खाना है, अटेंशन पाने के लिए वो बहुत ज्यादा जो है ओवर ईटिंग जो है वो करने लग जाते हैं। तो दोनों प्रॉब्लम जो है बच्चे फेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आत्मघाती प्रवृत्ति, यानी जो सुसाइडियल टेंडेंसी जो देखी जाती है, यानी बच्चे अपने आप को मारने की भी कोशिश करते हैं इस समय में। जैसे कि क्या होता है, अगर किशोर अवस्था में बच्चों का जो रिलेशन है दोस्तों के साथ अच्छा नहीं बन पाता या अपने वो मित्रों के साथ ठीक से नहीं रह पाते, फ्रेंडशिप अच्छी नहीं बन पाती है, तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और वो किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते, ना ही वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें समझेंगे ही नहीं, उनसे बातचीत ही नहीं करेंगे, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है अकेला सा महसूस करने लग जाते हैं और काफी ज्यादा ये सोचते हैं कि उनसे कोई प्यार भी नहीं करता है, लोनली फील करने लग जाते हैं, उनसे कोई प्यार नहीं करता है, ऐसा सोचने लग जाते हैं, और इसी वजह से जो वो क्या करते हैं, सुसाइड करने की जो है कोशिश करते हैं, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें समझनी होगी हर एक पेरेंट्स को। नेक्स्ट है हमारा मित्रों का दबाव, यानी कि जो ग्रुप होता है पीयर ऑफ ग्रुप, उनका काफी ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि फ्रेंड के वजह से ही जो है कई बच्चे जो है गलत राह पर चले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना अपने बच्चों से या हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि गलत संगति में रहोगे तो गलत सीखोगे, यानी जैसे तुम्हारे दोस्त होंगे वैसे ही तुम रहोगे। तो हर एक पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि आखिर उनके फ्रेंड्स कौन है और क्या जो चीजें जो है उनके फ्रेंड्स कैसे रहते हैं, क्या चीजें खाते हैं, क्या चीजें पीते हैं, ये सारी चीजें जो है उन्हें चेक करते रहना चाहिए, वरना जो है बच्चे जो है गलत राह पर जा सकते हैं। जो बच्चों का जो ग्रुप होता है उस समय में क्या होता है, अपने आप को जो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाने के लिए, बलशाली दिखाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की चीजों को लेते हैं, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये सारी चीजें करने लग जाते हैं, ड्रग्स लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड ग्रुप के प्रेशर में आकर। अगर उनके दोस्त कर रहे हैं तो अपने दोस्त से कहेगा, अरे तू भी करना करना, देखते हैं तू कर सकता है कि नहीं कर सकता। इस वजह से ज्यादातर लड़के जो है स्मोकिंग करना सीख जाते हैं, ये रियलिटी है, हम सब जानते हैं इस बात को। तो इस तरीके से पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों के साथ हमेशा जो है बातचीत करते रहना चाहिए, उनसे हर एक चीजों को पूछना चाहिए कि वो दिन भर क्या करके आए हैं, कैसे उनके दोस्त हैं, क्या चीजें तुमने दिन भर में करी, ये चीजें पूछनी चाहिए। इससे बच्चा जो है अपने दोस्तों से ज्यादा अपने पेरेंट्स के ज्यादा क्लोज होगा। जब बच्चा अपने पेरेंट्स
पेरेंट्स से क्लोज होगा तो ऐसी चीजों में नहीं पड़ेगा, सही और गलत को वो समझ पाएगा। जब उसको यही नहीं पता होगा सही क्या है गलत क्या है तो वो ऐसी चीजें करेगा ही करेगा। व्यक्तिगत समस्याएं यानी कि जो पर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या आती हैं कि उन्हें अपने चेहरे, अपनी हाइट, अपने वेट को लेकर काफी ज्यादा जो है ये रहता है कि हम अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, हमारा रंग रूप तो नहीं खराब है, हम गंदे से तो नहीं लग रहे हैं। इस तरीके की थिंकिंग जो है आने लग जाती है बच्चों के अंदर कि हमारा वजन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, हमारी हाइट ज्यादा लंबी है, हमारी हाइट ज्यादा छोटी है, हम मोटे हैं, हम छोटे हैं, इस तरीके की चीजें जो है आने लग जाती है उनके माइंड में। साथ ही वो कैसा पहनना है, कैसे रहना है, हमेशा रेडी होकर रहना है, इस तरीके के सोचते हैं कि सारी अटेंशन जो है उन्हें मिले। क्योंकि अगर आप देखोगे टीन एज की जो पूरा टाइम पीरियड होता है 14 से 15 साल की उम्र के बच्चों को आप देखोगे, ज्यादातर सब बच्चे ऐसे होते हैं कि हमेशा वो चाहते हैं कि वो एकदम प्रॉपर रेडी रहे, उनको ऐसा लग रहा होता है कि आसपास के लोग उन्हें ही देख रहे हैं। तो ऐसा होता है, उनकी एक समस्या है ये। सोशल प्रॉब्लम क्या आती है उनकी कि वो कभी भी जो है जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीजों में, जो भी आपके जो भी कोई फंक्शन वगैरह होते हैं, सामाजिक उत्सव होते हैं, फैमिली कोई भी फंक्शन होता है, उन गेम्स में, उन किसी भी फंक्शंस में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें ये सारी चीजें जो है पसंद नहीं आती हैं और काफी ज्यादा जो हेजिटेट होते हैं अपोजिट जेंडर से जो है बातचीत करने में, उनको ऐसा लगता है कहीं उनका जो है मजाक ना उड़ा दिया जाए, कोई उनको जज ना कर ले, इसी वजह से जो है काफी ज्यादा वो हिचकिचाते हैं रिलेशन बनाने में, आपस में बातचीत करने में। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ पॉइंट है हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, शारीरिक समस्याएं क्या आती हैं वो हम देखते हैं कि लड़कियों के लिए शारीरिक समस्याएं सबसे ज्यादा जटिल होती हैं, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं गर्ल्स के लिए, क्योंकि फिजिकल चेंजेस तो दोनों में ही आते हैं गर्ल्स एंड बॉयज में, लेकिन लड़कियों के अंदर काफी ज्यादा जो है आप कह सकते हो समस्या आती है। लड़कियां जो है अपनी बातों को शेयर करने में काफी ज्यादा झिझकती हैं, किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं उनको नहीं बता पाती हैं, जिसके वजह से वो कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं और जो है अक्सर उन्हें प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा नहीं मिलती है, यानी कि जो उन्हें सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है, जिसके वजह से जो है वो गलत गलत चीजों को सुनती है, समझती है और वो अलग चीजें ही करने लग जाती हैं। तो ये समस्याएं आती हैं तो पेरेंट्स को ये चीजें समझनी होगी कि आखिर चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, दोनों को उन्हें समझाना होगा, एजुकेशन देनी होगी इस चीज की कि हाँ इस तरीके से ये चीजें सही है और ऐसा होगा एक टाइम पर और आपको संभल कर रहना है, अगर ऐसा नहीं समझाया जाएगा तो बच्चे जो है मिसगाइड हो जाएंगे, ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ टीन एज प्रेगनेंसी, यानी किशोर अवस्था के समय में अगर कोई लड़की जो है गर्भ को धारण करती है तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, चाहे वो शादी से पहले गर्भ धारण करे चाहे वो शादी के बाद करे, तो दोनों में ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि अगर हाँ उसके छोटे में शादी कर दी गई और छोटे में वो प्रेग्नेंट हो गई तो सही है, नहीं, चाहे शादी हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन अगर उस समय में अगर एक छोटी बच्ची प्रेग्नेंट होती है तो कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और इन प्रेगनेंसी का जो है उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा आप कह सकते हो प्रभाव पड़ता है। पहले पॉइंट यही बताया गया है कि उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उस पे काफी ज्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ता है, उसके अंदर जो है कई सारे इन्फेक्शन, कई सारी प्रॉब्लम्स जो है आ जाती हैं। सेकंड पॉइंट हमारा किशोरी माँ के बच्चे अक्सर जो है कमजोर होते हैं, अगर टीन